नवंबर अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अमेंडमेंट की क्लास अपनी आज की अपन लेंगे। बिफोर आई कमेंस माय डिस्कशन ऑन द अमेंडमेंट विच आर एप्लीकेबल फॉर यू बाय द फाइनेंस एक्ट 2015, आई जस्ट वांटेड टू हैव अ क्विक लुक ऑफ द लास्ट अटेम्प्ट पेपर एंड विच वॉज बेसिकली कवरिंग the topic of MAT with a 10 marks weightage, slum sale that was also given 10 marks weightage. Thereafter, sir, PGBP mein akele lagbag 24 marks ka weightage tha. MAT bhi halaki usi ke saath mein hi link rehta hai, lekin MAT ko separately rakh diya, maine PGBP ko alag rakh diya. Double taxation avoidance agreement, sir, it is a favorite topic from exam point of view, 6 marks ka weightage uske upar tha. फर्दर नॉन रेजिडेंट से रिलेटेड मात्र 3 मार्क्स का टीडीएस पर पिछली बार काफी फोकस था, तो जिनकी अच्छी कमांड थी टीडीएस उनका पेपर अच्छा हुआ, नहीं थी तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम था। लगभग 24 मार्क्स का वेटेज सर टीडीएस में था। ट्रांसफर प्राइसिंग पर केवल 5 मार्क्स, पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट पर कोई क्वेरी नहीं था, जो क्वेरी था वो प्राइवेट ट्रस्ट पर था, 6 मार्क्स का क्वेरी था। चैप्टर 6 में ATJJAA पर एक फुल फ्लेज्ड क्वेरी थी सर 6 मार्क्स की। फिर अदर सोर्स में सर 4 मार्क्स का एक सिंपल सा क्वेश्चन गिफ्ट से रिलेटेड वो जनरली पूछते हैं, क्लबिंग में 2 मार्क्स का और असेसमेंट प्रोसीजर में लगभग 20 मार्क्स का वेटेज था। सर ये मेरा असेसमेंट है जो मैंने अपने आप पेपर गो थ्रू किया तो मुझे लगा, तो और इसमें अमेंडमेंट का जो वेटेज था सर वो लगभग 19 मार्क्स का वेटेज था, कि 19 मार्क्स के क्वेश्चन अमेंडमेंट्स पर बेस थे। नेचुरली अपन लोगों को मे अटेम्प्ट के अंदर अमेंडमेंट्स पर ज्यादा वेटेज की संभावना रहती है, तो ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट जो अमेंडमेंट ही पढ़ करके गए शायद उन्हें लगा हो निराशा हुई कि इतने अमेंडमेंट नहीं है, बट इट डजंट इम्पैक्ट बिकॉज आई सिंपली से सर डीटी कैन नॉट बी रेड इन आइसोलेशन ऑफ वन सेक्शन विद द अदर सेक्शन, इट हैज अ ट्रिमेंडस कोरिलेशन ऑफ द सेक्शन इन इट, एंड देयरफॉर दिस अमेंडमेंट क्लास विल बी ओनली ऑफ हेल्प टू यू इफ नेचुरली यू हैव सम बेसिक्स ऑफ द डीटी वेयर यू कैन कोरिलेट टू द अदर प्रोविजन विद दीज अमेंडेड प्रोविजन। और उसी दृष्टि से सर मैं यहां पर भी आपको जब भी रेफरेंस लूंगा अमेंडमेंट का तो कहीं ना कहीं उसको कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे कि उसका दूसरे सेक्शन के साथ क्या पैरेलली अरेंजमेंट जाकर के बैठता। नाउ नेचुरली व्हाइल आई सी दैट द अमेंडमेंट्स विच आर देयर एप्लीकेबल फॉर यू, आई हैव फर्दर एलिमिनेटेड सर्टेन अमेंडमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द लास्ट एग्जामिनेशन। इट डज नॉट मीन कि सर उनके ऊपर क्वेरी नहीं आ सकता, but in my opinion since they have already been asked so the probability of they being re-asked is low, and those amendments which are already asked in the last examination that is May 2016 attempt in my opinion are section 224 clause 18, then section 86 related correlation which is there in 115 JB, then section 80JJAA I have already specified to you. Further in assessment procedure they have referred to the provision of section 153C and income tax settlement commission related correlation with the provision of 147 and section 192A TDS related new section which came up for PF withdrawal related TDS deduction. These are the amendments which in my opinion are already asked for. In this class, I am not going to discuss the ICDS and I am also not going to confine to the case laws. ICDS, in my opinion, are not applicable. I am not the authority to say so, but in my opinion, sir, ICDS have been postponed till the assessment year 1780. And there is a CBDT notification on the same also, yet it is a September 29, 2016 notification, but there was a press release in July 2016. through which it was said that ICDS are being postponed for 1 year. So, इसलिए मेरी ओपिनियन में सर ICDS के लिए टेंशन करने का आपको जरूरत नहीं है, ICDS पर क्वेरीज नहीं आनी चाहिए, ऐसा मैं अपनी ओपिनियन रखता हूँ। CA इंस्टीट्यूट ने कहीं पर क्लेरिफिकेशन ऐसा नहीं बोला अभी तक कि ICDS आएगा या नहीं आएगा, जो मेरी स्टडी से मुझे लगता, पर मेरी ओपिनियन में ICDS पर टेंशन करने का जरूरत नहीं है। सो नाउ आई कम टू द प्रोविजंस ऑफ वेरियस अमेंडमेंट विच आर इंपॉर्टेंट, even those which are not too important but have a relevance I will discuss them with you, but ye jo particular amendments hai
स्पेसिफिक फोकस सर उनके ऊपर रखना है, जो इंपॉर्टेंट है उनमें मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाने का कोशिश करूं। तो मेरा अमेंडमेंट का बुकलेट सर आपके हाथ में है। इस पर्टिकुलर बुकलेट में सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 13 है, बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड डिस्कशन है, मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। इसके सबसीक्वेंट सर अपने पास में सेक्शन 2 क्लॉज 15, देर आर टू अमेंडमेंट्स विच आर मेड इन टू सेक्शन 2 क्लॉज 15। यू ऑल नो दैट वेयर देर इज अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन विच इज entitled to claim exemption of section 11 and 12 because of having a registration under section 12AA, if it is a public charitable trust, it has to satisfy the definition of the term charitable purpose under section 2 clause 50. And this definition of the term charitable purpose as given under section 2 clause 15 is a comprehensive definition, and it includes relief to poor, it includes medical, it includes education, it includes preservation of environment, wildlife, watersheds, forests, historical places, monuments, etc. And apart from these all, it also includes a very vast category which is called general public utility. But this is a target area for the government where it has always been feeling annoying about this fact that the people in the name of general public utility start taking the benefit of even commercial activities to be treated to be charitable purpose. So this particular general public utility, as I said, is on the target of the government. The government has earlier a condition कि आपका सर PGBP इसमें generally नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा तो चलो साहब उनका अगर 25 लाख रुपए तक का level होगा तो हमारे को दिक्कत नहीं है, अगर आपका general public utility में 25 लाख रुपए तक का receipt आता है ऐसे बिजनेस से जो जनरल पब्लिक यूटिलिटी के अंदर किया जाता है तो भी हम उसको चैरिटेबल पर्पस मानेंगे, परंतु 25 लाख से ज्यादा होगा तो चैरिटेबल पर्पस नहीं मानेंगे। इसमें जो अमेंडमेंट कर दिया गया सर, वो अमेंडमेंट ये किया कि दिस 25 लाख रुपीस हैज बीन रिमूव्ड एंड इट इज इन इट्स प्लेस इट हैज बीन सेड आपकी टोटल रिसीट का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए बिजनेस की रिसीट, आपकी टोटल रिसीट के, यदि आप खुद को जनरल पब्लिक यूटिलिटी नेचर का चैरिटेबल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तो। सो द चेंज इज फ्रॉम 25 लाख टू 20%, नेचुरली इट विल बेनिफिट टू सम ऑफ द एसोसिएशंस एंड इट मे कॉज लॉस टू द ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट डूइंग द पर्टिकुलर एक्टिविटीज इन द वॉल्यूम्स। जो सर करोड़ों रुपए में चल रहा है उनके लिए 20% बहुत बड़ी अमाउंट निकाल रहा है, लेकिन सर जो बहुत छोटे अमाउंट में चल रहे हैं कुछ लाखों में, तो उनके लिए सर ये प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। पर जैसा है सर लॉ हमारे सामने, यानी जो आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया था कि जनरल पब्लिक यूटिलिटी चैरिटेबल पर्पस है या नहीं, अगर सर जनरल पब्लिक यूटिलिटी में बिजनेस है ही नहीं, कितनी भी रिसीट हो हमारे को कोई टेंशन ही नहीं है सर, चैरिटेबल पर्पस है, 11-12 का तरीका फॉलो करिए, एग्जम्पशन क्लेम करिए। बट इफ इन जनरल पब्लिक यूटिलिटी यू हैव सर्टेन एक्टिविटीज विच आर इन द नेचर ऑफ बिजनेस, then such business activity being done by a general public utility related charitable organization, the receipts of such particular business of general public utility related charitable purpose institution are to be seen with reference to the total receipt of such organization, and if of the total receipt such business related receipt are more than 20% of the total receipt, then the charitable purpose status would be lost. In addition to this particular amendment, one more activity which is called yoga has been further added. We all know about it, that the yoga is further activity and even the international community is accepting India's yoga concept. Therefore, sir, the government has also come up to say if yoga related institution are there, they will also be treated to be charitable purpose organization. Ek baat aur sir jo hamare ko dhyan rakhni hai, this is not in relation to the amendment, that is मान लीजिए एक जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाली संस्था है एंड इन द असेसमेंट ईयर 16-17 देयर टोटल रिसीट आर 30 लाख रुपीस एंड जनरल पब्लिक यूटिलिटी वाले बिजनेस से उनका रिसीट चला जाता है सर 7 लाख बिजनेस, तो नेचुरली क्या होगा सर, दिस पर्टिकुलर एंटिटी फॉर दिस ईयर विल नॉट बी ट्रीटेड टू बी चैरिटेबल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस द प्रोविजंस ऑफ 11 एंड 12 शैल नॉट अप्लाई। बट अ क्वेश्चन वुड अराइज दैट इव इन द नेक्स्ट ईयर दे आर एट रुपीज 5 लाख ओनली and the gross receipt are let's assume same 30 lakh rupees, so this 5 lakh is from that business which is being conducted under general public utility, total receipt of the organization are 30 lakh rupees, whether in the second year when the 20% limit is not breached
in that position whether in your opinion trust will be eligible to claim the exemption of section 11 and 12? In my opinion, answer is yes. So this limit applicability, that more than 20% of such particular business conducted in a general public utility is from the business activity, may disentitle you for 1 year. But it necessarily does not mean that your exemption status of section 12AA has gone. 12AA would prevail. Yes, it may be possible that you may apply section 13. He may see that the commercial angle involved is of such a nature which needs a withdrawal of section 12AA. Then that is a different thing. That 12AA he withdraw kar liya. Lekin ye baat humare ko clear rahe sir. Such a general public utility related business activity 20% criteria has to be looked into each and every year. जिस जिस ईयर में सर नॉन कंप्लायंस होगा उस ईयर में तो आप नॉन चैरिटेबल की तरह ट्रीट हो जाएंगे, जिसमें कंप्लायंस होगा उसमें आप सेक्शन 11 एंड 12 फॉलो कर सकते हैं। इस बात का अमेंडमेंट नहीं आया सर, ये मैं आपको एडिशनली क्लियर कर रहा हूं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 15 के ये दो अमेंडमेंट आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलता हूं सर, इसके बाद में नेक्स्ट इज सेक्शन 2 क्लॉज 24, इसमें क्लॉज 18 इंसर्ट हुआ। ये जो क्लॉज 18 इंसर्ट हुआ, आप सब लोगों को पता है कि कोई भी ग्रांट, असिस्टेंस, सब्सिडी, किसी भी प्रकार की सहायता जो किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से आती हो, अब तक सर हम उसको बाइफरकेट किया करते थे वेदर दिस पर्टिकुलर ग्रांट और द सब्सिडी सो रिसीव्ड और द असिस्टेंस रिसीव्ड और द बेनिफिट रिसीव्ड इज ऑफ द रेवेन्यू नेचर और इज इट ऑफ द कैपिटल नेचर। इफ इट वॉज ऑफ द रेवेन्यू नेचर, वी यूज टू सी दैट इफ इट इज इन रिलेशन टू द बिजनेस, सर्टनली इट हैज टू बी ऑफर्ड टू द इनकम ऑफ द असिस्टी। If it is in capital nature, then we look into whether it has a correlation to the acquisition of the asset directly, then yes. Even if indirectly, we were supposed to proportionately reduce it in determination of actual cost, explanation 10 to section 43, subsection 1. But there are some other subsidies which over the period of time have been disputed and the courts have given judgments in the favor of assessee saying that such a subsidy is not a revenue nature subsidy and it does not have a direct correlation to the business of the assessee. Therefore, this is not taxable in the hands of the assessee. And the government has therefore very clearly amended, inserted clause 18 into section 2 clause 24 to provide that any kind of grant or subsidy, unless it has a correlation to the assets, where you are reducing it from the asset value, it will be treated to be income of the assessee. I read this clause. हालांकि सर इसके ऊपर ऑलरेडी पूछा जा चुका है बात, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मानता हूं, एक बार क्विकली इसको रीड करता हूं, सुनिएगा। असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक और वेवर और कंसेशन और रियम्बर्समेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी और बॉडी और एजेंसी इन कैश और काइंड टू द असेसी अदर देन द सब्सिडी और ग्रांट और रियम्बर्समेंट which is taken into account for determination of actual cost of the asset in accordance with provisions of explanation 10 to clause 1 of section 43. So we all now have an understanding sir. Aap 43 subsection 1 ke hisab se jisko actual cost mein se ghataya usse chhod di, jisko aapne revenue nature bhi bana liya wo to already aap kar hi rahe the, jo baki ki bach gayi sir jis par sandeh hota tha usko bhi ab sarkar ne specifically cover kiya। बट फॉर्चुनेटली पॉइंट क्या है सर, इन्होंने बोला रियम्बर्समेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अथॉरिटी, बॉडी, एजेंसी। नाउ दिस इन माय ओपिनियन डज नॉट कवर द बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, एंड इफ इट डज नॉट कवर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, लेट्स अज्यूम यू हैव गॉट अ वेवर ऑफ द लोन इन अ सेटलमेंट स्कीम फ्रॉम द बैंक, लाइक से फॉर एग्जाम्पल सम 17 करोड़ रुपीज लोन वॉज आउटस्टैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी ऑफ पंजाब नेशनल बैंक एंड देन अंडर अ सेटलमेंट स्कीम it has done a set off to the amount of rupees 2 crore and only 15 crore rupees was paid, the whole of the interest was also waived. As such, the waiver of interest is certainly income, but naturally in this case income would not take place because the assessee company would have not got a deduction under section 43B of the interest on accrual basis of which was due to the bank, and the amount of 2 crore which was saved from the loan amount principal under the settlement scheme, that is a saving. But sir, that saving is of capital nature, but it is not a capital nature saving which falls into section 224 clause 18. Therefore, in my opinion, it is not taxable even after this particular amendment. But
There are some other subsidies, like subsidy for promotion of employment, subsidy for setup of the industry in a specific area, like it may be a backward area, it may be a tribal area, where the assessee distinguished that it does not have a correlation to my investment. And he used to save the tax liability, and there was nothing wrong in that. But the government specifically captured such kind of practice by making it tax. आगे चलते हैं सर इसके बाद में सेक्शन 2 क्लॉज 24 के बाद में जो नेक्स्ट अमेंडमेंट अपना है वो है सर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से रिलेटेड. शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में सर जो डेफिनेशन दी है 2 क्लॉज 42 ए में उसमें सर अभी इन्होंने एक 47 क्लॉज 18 और इंसर्ट किया फाइनेंस एक्ट 2015 से. आपके लिए कौन सा फाइनेंस एक्ट लग रहा है? फाइनेंस एक्ट 2015. सो अगर आपको अमेंडमेंट का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मिले तो आई सपोज दैट यू आर रिक्वायर्ड टू मेंशन देयर एज पर द अमेंडमेंट मेड इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 बाय द फाइनेंस एक्ट 2016. आइदर इट मे बी अ मॉडिफिकेशन और इट मे बी एन इंसर्शन, वो डिपेंड करता. तो मैं क्या कहना चाहता हूं सर, ये 47 क्लॉज 18 सरकार लेकर के आई, उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि यदि म्यूचुअल फंड की यूनिट्स स्कीम का आपस में कंसोलिडेशन होता है तो ऐसे कंसोलिडेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं माना जाएगा. अब इस कंसोलिडेशन के अंदर सर आपको यदि एक नई यूनिट मिलती है तो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग पुरानी यूनिट्स के पीरियड से लिया जाना चाहिए, ये अपने आप में लॉजिकल है. तो बस यही बात इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में 2 क्लॉज 42 ए के एक्सप्लेनेशन में अमेंडमेंट करके बात किया. हालांकि 2 क्लॉज 42 ए सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को डिफाइन करता है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे को अलग अलग परिस्थितियों में पीरियड ऑफ होल्डिंग की काउंटिंग संबंधी व्यवस्था देता है कि हाउ दिस पीरियड ऑफ होल्डिंग हैज टू बी काउंटेड. चलिए सर मैं 2 क्लॉज 42 ए के बाद में 6 सबसेक्शन 3 पर जाता हूं. वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, अ ड्रास्टिक चेंज इन हाउ द गवर्नमेंट लुक्स इनटू फॉरेन कंपनीज फॉर बीइंग ट्रीटेड एज रेजिडेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स लॉ. देखिए सर, इन इनकम टैक्स लॉ नेचुरली वी ऑल अंडरस्टैंड द कंपनीज आर ट्रीटेड टू बी रेजिडेंट व्हेन दे आर रजिस्टर्ड इन इंडिया, दैट इज एन इंडियन कंपनी, एंड व्हेन दे आर नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया द होल ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड और बेस्ड इन इंडिया. So that would be the situation in respect of a foreign company. Now, how to determine कि साहब उस कंपनी का पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल इंडिया से ही हुआ है, ये बड़ा मुश्किल काम. और इसीलिए जो बार बार डिस्प्यूट अराइज हुए वो ये अराइज हुए कि अगर एक कंपनी जो फॉरेन कंपनी है वो इंडिया में बोर्ड मीटिंग्स ही नहीं करती, लेकिन मेन सब्सटेंशियल एक्टिविटी, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी इंडिया में, रिसोर्सेज इंडिया से यूज कर रही, या कुछ करती है कुछ नहीं करती, तो होली नहीं हुआ सर, पार्टली हो गया, तो दे स्किप बीइंग रेजिडेंट. एंड स्किपिंग बीइंग रेजिडेंट मींस दैट यू आर स्किपिंग योर फॉरेन इनकम टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि सर आप ग्लोबल इनकम के लिए अब टैक्सेबल हो गए ही नहीं जब आप फॉरेन कंपनी हो, नॉन रेजिडेंट हो तो. लेकिन गवर्नमेंट ने सर अब इस प्रस्पेक्टिव को बदल दिया और ये कह दिया सर कि हम यहां पर जो पोजीशन देखेंगे वो ऐसा देखेंगे कि अगर आपका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया, अब इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड इसके कंपैरिजन में अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर सिचुएटेड होल इन इंडिया को मैं कंपैरिजन करूं सर, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट कुड बी इवन अ सिंगल बोर्ड मीटिंग सर, जिसमें पूरा का पूरा कंपनी का पॉलिसी डिसाइड कर दिया था, पूरा का पूरा ईयर के लिए एक्शन प्लान डिसाइड कर दिया था. सो दिस इज व्हाट द चेंज हैज बीन डन इन द कंपनी रिलेटेड एक्टिविटी. कि कंपनी के केस में सर रेजिडेंशियल स्टेटस इंडियन कंपनी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फॉरेन कंपनी में जो पहले हमारे लिए वो प्रपोजिशन थी वो थी ड्यूरिंग दैट ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड होली इन इंडिया, एंड नाउ इट हैज बीन रिप्लेस टू इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन दैट ईयर इज इन इंडिया. सो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM भी सर इसको बोलते हैं. ये POEM का कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट डिराइव फ्रॉम OECD गाइडलाइन सर, इंटरनेशनल कॉपरेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट विच इज कंटिन्यूअसली अपडेटिंग एंड प्रोवाइडिंग दीज इंटरनेशनल टैक्सेशन रिलेटेड गाइडलाइंस. तो उन्हीं पर्टिकुलर गाइडलाइंस पर बेस होकर के प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स लॉ में भी सर इंट्रोड्यूस हो गया है. मैं आगे चलता हूं सर इसके बाद में. इसके बाद में सर 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7, आई एज्यूम दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एंड देयर शुड बी अ क्वेरी ऑन द सेम. क्या है सर ये पर्टिकुलर मामला? देखिए वोडाफोन केस लॉ से आप सब परिचित हैं, टाइम एंड अगेन आई हैव बीन डिस्कसिंग वोडाफोन केस लॉ विद यू. दिस पर्टिकुलर केस लॉ वोडाफोन हैज
a simple proposition under which the Hutchison International and the Vodafone International, two companies, have exchanged between them the shares of CGP Investment. And this particular CGP Investment was holding majority stake in Hutchison SR Limited India. So the transfer between these two companies, Hutchison and Vodafone, took place outside India. The transfer was that of a share outside India. The physical shares of this particular asset, this particular company, has nowhere took place. The shares were earlier held by this company, now are also held by this particular company. So the transfer was not offered for taxation. And this particular mamle mein sir, jo sara dikkat aaya, wo kisko aaya sir? Vodafone ko aaya, because of the reason of section 195, ki inhone sir dusre non-resident ko payment kiya India ke baad, TDS kyun nahi kaata? Because they have started doing business in India, so they were held liable to pay the particular tax liability as being assessee in default on behalf of Hutchison. So this total dispute has then further come up with an amendment in Finance Act 2012 with effect from assessment year 1962-63. वहाँ से जाकर के सर लॉ में अमेंडमेंट लाया गया और ये बोला गया नहीं सब ये ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल होगा क्योंकि ये अपनी सब्सटेंशियल वैल्यू इससे लेती है कम. तो सर जो इश्यू है वो क्या आया कि सब्सटेंशियल वैल्यू कैसे देखेंगे, हाउ टू सी दैट द शेयर ऑफ दिस कंपनी और दिस कंपनीज वैल्यूएशन इज सब्सटेंशियली टेकिंग प्लेस, सब्सटेंशियली टेकिंग वैल्यू फ्रॉम दिस कंपनीज शेयर. सो दिस पोज्ड अ रिक्वायरमेंट ऑफ डिटरमाइनिंग सम क्राइटेरिया कि इस क्राइटेरिया पर बेस्ड होकर के सर वैल्यू डिटरमाइन कर लिया जाए. तो ये क्राइटेरिया जो है सर, ये एक्सप्लेनेशन 6 के फॉर्मेट में सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में इंसर्ट किया गया. ये जो बात मैंने आपसे बोली सर कि इसके टैक्सेशन को लाए असेसमेंट ईयर 1962-63 से, वो तो लाए सीए साहब एक्सप्लेनेशन 5 से. जो अमेंडमेंट का फॉर्मेट आया सर, वो आया एक्सप्लेनेशन 6 और एक्सप्लेनेशन 7 से. जरा सुनिएगा, मैं इसको पढ़ता हूं. एक्सप्लेनेशन 6 टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, दिस बिफोर रीडिंग 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 रिलेटेड एक्सप्लेनेशन 6, एक बार एक्सप्लेनेशन 5 पढ़ते हैं सर. ये एक्सप्लेनेशन 5 बोलता है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हेयर बाय क्लेरिफाइड दैट एन एसेट और अ कैपिटल एसेट बीइंग एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव सिचुएटेड इन इंडिया इफ शेयर्स और इंटरेस्ट derives directly or indirectly its value substantially from asset located in India. So sir, agar iska share apni value substantially from asset situated in India se leta hai color, so then in that case ye particular asset ka transfer India mein taxable hoga, nahi to nahi hoga. Ab ye substantial term ko define kiya sir explanation 6 se. Aiyega, for the purposes of this clause it is hereby declared share or interest referred to in explanation 5 shall be deemed to derive its value substantially from asset, whether tangible or intangible, located in India, if on the specified date value of such asset exceed the amount of 10 crore rupees. Ab kya bola sir? Ye asset, ye particular share ka transaction, apni value substantially yahan se le lega. Agar jo asset particular under जिस कंपनी में ये एसेट होल्ड की गई है, इसने क्या होल्ड किया है सर, ये शेयर, इस कंपनी की टोटल वैल्यू ऑफ एसेट शुड एक्सीड 10 करोड़ रुपए. यानी सर अगर ये ट्रांजेक्शन ऐसे हुआ होता कि मात्र 5 करोड़ रुपए की हचिसन एसआर लिमिटेड की शेयर है, वैल्यू ही एसेट की इतनी है, नॉट शेयर, वैल्यू ऑफ एसेट इज जस्ट 5 करोड़, तो सर फिर ये पर्टिकुलर सब्सटेंशियल वाला कॉन्सेप्ट चलेगा ही नहीं. सी द डिफरेंस इज व्हाट, द क्वांटिफिकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड नाउ. पहले सर लॉ में क्वांटिफिकेशन नहीं था, अब लॉ में स्पेसिफिकली क्वांटिफिकेशन आ गया. अच्छा, मैं इसे 5 करोड़ की जगह सर यदि 55 करोड़ बोल देता हूं तो सर ये पर्टिकुलर मामला अब बनेगा. सुनिएगा, शेयर और इंटरेस्ट रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 5 शैल बी डीम्ड टू डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया इफ ऑन द स्पेसिफाइड डेट वैल्यू ऑफ सच एसेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 10 करोड़ रुपीज एंड रिप्रेजेंट एटलीस्ट 50% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल एसेट owned by the company or entity as the case may be. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है सर,
कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर दो बातें समझने की। एक तो सर ये कहता है शेयर और इंटरेस्ट डोनेशन फाइव शैल बी डीम टू डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया इफ ऑन द स्पेसिफाइड डेट वैल्यू ऑफ सच एसेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 10 crore rupees एंड रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट 50% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी और एंटिटी एज द केस में। अब टोटल वैल्यू ऑफ एसेट तो इन्होंने क्या बोला 10 crore rupees। इस 55 crore rupees में से मान लीजिए सर 12 crore rupees के शेयर्स इनके पास में है, 55 crore rupees की एसेट में से एसेट हेल्ड आउटसाइड इंडिया एसेट हेल्ड इन इंडिया का हमारे को बाइफर्केशन करना है। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से सर समझाने का कोशिश करता हूं, देयर यू मे बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल एज ऑन 31st of March 2016 अ ट्रांसफर टू प्लेस बिटवीन ए इंक एंड बी इंक ऑफ अ शेयर ऑफ सी इंक एंड सी इंक इज होल्डिंग सर्टेन शेयर्स इन डी लिमिटेड और इट इज होल्डिंग एसेट्स इन इंडिया। देन वी हैव टू सी कि इसकी मान लीजिए इस दिन पर टोटल शेयर होल्डिंग थी, टोटल एसेट्स की वैल्यू थी सर 100 crore, तो 10 करोड़ से ऊपर की वैल्यू आ गई। दूसरी बात, इस 100 करोड़ में से सर 60 करोड़ एसेट सिचुएटेड इन इंडिया है। अगर सर 60 करोड़ की एसेट सिचुएटेड इन इंडिया है तो इस पर्टिकुलर कंपनी का शेयर सब्सटेंशियल वैल्यू कहां से ले रहा है सर? इंडिया से ले रहा है। सब्सटेंशियल वैल्यू कहां से ले रहा है सर? इंडिया से। इट इज इक्वलेंट टू और ग्रेटर देन 50%, सुनिएगा, रिप्रेजेंट्स एटलीस्ट 50%, यानी इक्वल टू 50% हो गया सर। तो एक बार सर एक्सप्लेनेशन 5 पढ़ते हुए 6 पर आऊंगा, सुनिएगा। फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड एन एसेट और कैपिटल एसेट। दो बातें करिए सर, एसेट भी है इसमें और कैपिटल एसेट भी है। एन एसेट और कैपिटल एसेट बीइंग एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया shall be deemed to be and shall always be deemed to have been situated in India if the share or interest derives directly or indirectly its value substantially from asset located in India। अगर इस कंपनी का शेयर इंडियन एसेट की वैल्यू से अपना कलर लेता है तो ये इंडिया में लोकेटेड शेयर मान लिया जाएगा। आगे बोला, the share or interest referred to in explanation 5 shall be deemed to derive its value substantially from asset whether tangible or intangible located in India if on the specified date the value of such asset एक्सीड द अमाउंट ऑफ 10 crore rupees। अगर इंडिया में जो एसेट लोकेटेड है सर उनकी वैल्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, इंडिया में एसेट कितने की है सर 60 करोड़ की है। दूसरा, एंड रिप्रेजेंट एटलीस्ट 50% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल एसेट ओन्ड बाय द कंपनी और एंटिटी, 50% ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल एसेट ओन्ड बाय द कंपनी और एंटिटी एज द केस में भी। इसकी टोटल एसेट कितनी है सर 100 करोड़, इसमें से ये कितना होल्ड कर रहा है सर, ठीक है, टोटल 60 करोड़। अब ये किसका है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 100 करोड़ में से सर 60 करोड़ की तो एसेट उसकी वैल्यू कहां से ले रही है, इंडिया से ले रही है। और इंडियन एसेट की वैल्यू कितने की हो गई सर 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा, क्या बोला सर, एक्सीड, सॉरी 10 करोड़ से ज्यादा, ग्रेटर देन 10 करोड़ होना चाहिए और मिनिमम सर इक्वलेंट टू 50% ऑफ द वैल्यू होना चाहिए। ये दोनों शर्तें सर यदि पूरी हैं तो ये पर्टिकुलर एसेट का ट्रांसफर इंडिया में टैक्सेबल ट्रांसफर होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब मैं इसी एग्जांपल को बदलता हूं, मान लीजिए सर 70 करोड़ की इस कंपनी की टोटल एसेट्स और 70 करोड़ रुपए में से इंडिया बेस्ड जो एसेट है सर वो है मात्र 30 करोड़ की। अब सर हमारी कंडीशन 10 करोड़ वाली तो सेटिस्फाइड होती है, परंतु सर 50% वाली सेटिस्फाइड नहीं होती। मान लीजिए ये कंपनी का ट्रांसफर हो गया, इस कंपनी के शेयर इन दोनों के बीच एक्सचेंज हो गए, क्या सर अब इसका कैपिटल गेन का टैक्स लायबिलिटी इंडिया में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जब तक सीएसआर वोडाफोन केस लॉ के बाद में एक्सप्लेनेशन 5 था, 6 नहीं था, तब तक सर ये ट्रांजेक्शन भी टैक्सेशन ले सकता था क्योंकि सब्सटेंशियली डिफाइंड नहीं था। लेकिन अब सर डिफाइंड हो गया, तो देन इन दैट केस क्या चीज देखना है हमारे को कि ये दो शर्तें जो इस एक्सप्लेनेशन ने बोला वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। इंडिया में लोकेटेड एसेट की वैल्यू सर 10 करोड़ से ज्यादा हो और दूसरी बार ऐसी एसेट की वैल्यू टोटल एसेट की वैल्यू के 50% अथवा उससे अधिक बैठ रही। अब जो अगला इशू आएगा सर, ये जो वैल्यू ऑफ एसेट लेनी है वो कैसे लेनी है, तो आगे बोला सर, the fair market value of an asset shall be the fair market value as on the specified date of such asset without reduction of liabilities if any in respect of asset determined in such manner as may be prescribed। so fair market value lene ki baat sir ye kar raha hai aur specified date par lene ki baat kar raha hai। aage dekhiyega sir, specified date means the date on which the accounting period of the company as the case may be the entity ends preceding the date of transfer of such share or interest और डेट ऑफ ट्रांसफर इफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी और एज द केस में बी एंटिटी
on the date of transfer exceeds the book value of the asset as on the date referred to in sub clause 1 by 15%. अब मान लीजिए सर, मैं इस बात को करता हूं कि इनके पास में टोटल होल्डिंग थी, लेट्स अज्यूम एसेट्स की 80 करोड़ की सीइंग, और लास्ट जो अकाउंटिंग डेट थी सर 31 मार्च 2016, मैं आपके केस में सर 2015 भी बोल सकता हूं क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा लग रहा है सर, 2015-16 लग रहा है, तो 2015-16 के लिए 31 मार्च 2015 का स्टेटस दिया, अकाउंटिंग डेट पर सर टोटल एसेट थी 80 करोड़, इसमें से सीए साहब जो हमारे पास में इंडियन एसेट्स थी उनकी वैल्यू थी मात्र 36 करोड़। कोई टैक्सेशन आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव फ्रॉम इंडिया नहीं आ रहा। लेट्स अज्यूम ऑन 7th of June 2015 देयर इज अ ट्रांसफर बिटवीन ए इंक एंड बी इंक ऑफ सी इंक शेयर। हम इस क्वेश्चन को डिसाइड कर रहे हैं क्या सी इंक के शेयर का ट्रांसफर इंडिया में टैक्सेशन लेगा या नहीं लेगा, तो हम ये देख रहे हैं सर टोटल वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी ग्रेटर देन 10 करोड़ एंड सर इंडिया में लोकेटेड एसेट उसमें से कितनी होनी चाहिए 50% अथवा उससे अधिक। सर इसके हिसाब से तो ये पर्टिकुलर मामला एक्सप्लेनेशन 6 के एम्बिट में नहीं आया, लेकिन इस दिन जो प्रोपोर्शन चेंज हुआ एसेट्स का वो इस प्रकार का हुआ कि एसेट्स की बुक वैल्यू यहां पर हो गई 85 करोड़ और इन वाली एसेट्स की सर जो बुक वैल्यू थी वो बढ़कर के हो गई सर लेट्स अज्यूम 48 करोड़। अब सर क्या हुआ, स्पेसिफाइड डेट कौन सी लेनी है ये चीज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। द स्पेसिफाइड डेट इज प्रेफरेबली एज पर दिस पर्टिकुलर क्लॉज लास्ट अकाउंटिंग पीरियड जो एंड हुआ वो लेना है। मान लीजिए लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में वहां पर भी 31 मार्च मान लेता हूं, तो लास्ट अकाउंटिंग पीरियड लिया। फिर ये कहता जी ये इसके बाद में ये जो पर्टिकुलर डेट है ये भी ले सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ये जो वैल्यू निकल करके आएगी ये इस वैल्यू के 15% से ज्यादा हो। जरा आप देखना सर 15% बेटर है क्या, सुनिएगा पहले स्पेसिफाइड डेट को। स्पेसिफाइड डेट मींस डेट ऑन विच अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी एज द केस में बी एंटिटी एंड्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर और इंटरेस्ट और द डेट ऑफ ट्रांसफर इफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी एज द केस में बी द एंटिटी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्सीड्स बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट रेफर टू इन सब क्लॉज 1 बाय 15%। अब सर जो वैल्यू है वैल्यू ऑफ एसेट क्या 15% से ज्यादा एक्सीड कर रही है? नहीं। टोटल में देखोगे या 46 और 48 में देखना? मेरे ओपिनियन में सर टोटल में देखना है। अगर आप टोटल में देखते हो ये 80 से क्या ये 15% से ज्यादा बढ़ गया क्या सर? नहीं बढ़ा, क्योंकि ये 80 से 15% से ज्यादा नहीं बढ़ा, तो अभी भी आपके लिए स्पेसिफाइड डेट कौन सी रह गई सर? पिछली। और ये स्पेसिफाइड डेट यदि आपकी पिछली रह गई तो देन इन दैट केस ये ट्रांजेक्शन इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं। ठीक है, वापस सुनिएगा मेरे साथ में, ये क्या बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। स्पेसिफाइड डेट मींस द डेट ऑन विच अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी। क्यों मैं स्पेसिफाइड डेट पर फोकस दे रहा हूं सर? क्योंकि स्पेसिफाइड डेट की वैल्यू ऑफ एसेट लेनी है हमें। अब स्पेसिफाइड डेट ही सही नहीं डिटरमाइन होगी तो सर आंसर तो गड़बड़ हो जाएगा। स्पेसिफाइड डेट मींस द डेट ऑन विच अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द कंपनी एज द केस में बी एंटिटी एंड्स प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच शेयर और इंटरेस्ट। नेचुरली आपके डेट ऑफ ट्रांसफर से पहले जो डेट पर अकाउंटिंग पीरियड था उसके हिसाब से जो स्पेसिफाइड एसेट्स की वैल्यू आ रही है वो आ गई। डेट ऑफ ट्रांसफर इफ द, अब ये कह रहा है सर एक्सेप्शन ले आया, ये डेट ऑफ ट्रांसफर एग्जैक्ट पर जाना चाह रहा है। डेट ऑफ ट्रांसफर इफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी और एज द केस में भी एंटिटी, इन्होंने बुक वैल्यू ऑफ एसेट लोकेटेड इन इंडिया नहीं बोला सर, बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स ही है यहां। इफ द बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी और एज द केस में भी एंटिटी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर एक्सीड्स बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1 बाय 15%। तो सर बुक वैल्यू 80 के 85 आई तो हमारे को कोई इस पर्टिकुलर मामले में ये एक्सप्लेनेशन 6 अभी भी नहीं लगा, ना ही एक्सप्लेनेशन 5 लगा। मैं इसको चेंज करता हूं, मान लीजिए आई से दिस हैज बिकम 100 एंड दिस हैज बिकम 51। अब सर यदि स्पेसिफाइड डेट ये ले रहे थे तो हमारे लिए एक्सप्लेनेशन 5 रेड विद एक्सप्लेनेशन 6 लागू नहीं हो रहा था, लेकिन ये जैसे ही देखते हैं सर ये इसके 15% से ज्यादा आ गया, तो सर अब मेरे लिए स्पेसिफाइड डेट ये ना होकर के कौन सी हो गई? एग्जैक्ट डेट ऑफ ट्रांसफर हो गई। ये यदि स्पेसिफाइड डेट हो गई, अब इस दिन भी मैं देखूंगा तो सही सर, क्या देखूंगा कि मोर देन 50% वैल्यू आनी चाहिए, तो मोर देन 50% वैल्यू इक्वलेंट टू और मोर देन 50% वैल्यू आनी चाहिए, वो आ रही है सर। अब ये ट्रांसफर फिर क्या हो जाएगा सर? इंडिया में टैक्सेबल ट्रांसफर। समझे आप क्या कह रहा हूं? ठीक है, कि पहली बात तो ये देख लीजिए कि जो एसेट्स की वैल्यू है वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो। दूसरी बात ये देख लीजिए सर, एसेट लोकेटेड इन इंडिया की वैल्यू 50% अथवा उससे अधिक हो। अगर ये शर्तें पूरी हो रही हैं तो चाहे कोई ट्रांसफर इंडिया के बाहर हो रहा है
तो भी सर वो अपनी सब्सटेंशियल वैल्यू इंडिया से डिराइव किया गया मान लिया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली सर टैक्सेशन कॉन्सिक्वेंसेज वुड फॉलो. सो यू हैव टू डिसाइड दैट विच डेट यू आर गोइंग टू पिकअप. आप कौन सी डेट सर पिकअप करने जा रहे हैं ये चीज देखना जरूरी है. आगे सुनिएगा सर, इन्होंने अकाउंटिंग पीरियड पर और बात की है. नीचे बोला अकाउंटिंग पीरियड मीन्स ईच पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन 31st डे ऑफ मार्च प्रोवाइडेड दैट वेयर अ कंपनी और एन एंटिटी रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 5 रेगुलरली अडॉप्ट्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ एंडिंग ऑन अ डे अदर देन 31st डे ऑफ मार्च फॉर द पर्पज ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ टैक्स लॉज ऑफ द टेरिटरी ऑफ विच इट इज अ रेजिडेंट फॉर टैक्स पर्पजेस और रिपोर्टिंग टू पर्सन होल्डिंग शेयर और इंटरेस्ट देन द पीरियड ऑफ 12 मंथ ending with the other day shall be the accounting period of the company as the case may be the entity. Naturally sir, agar ye zyadatar cases mein US, UK mein to nahi, US mein, agar ye 31 March ki jagah mujhe pichli date sir, yahan par 31 March 15 ki jagah sir 31 March 2014 de de, to meri first specified date wahi hogi. Lekin fir meri exact date of transfer se main ise comparison karunga ki value difference kitna hua. Main isko sir fir ek dusre example se rakhne ka koshish karta hu, aap isko samajhiyega sir. ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसके ऊपर इतना समय आपका ले रहा हूं. इफ आई अगेन एज्यूम सर ए इंक एंड बी इंक हैव ट्रांसफर्ड इन बिटवीन देम द शेयर्स ऑफ सी इंक एंड द शेयर्स ऑफ सी इंक, ठीक है, से पहले जो टोटल एसेट्स की वैल्यू है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं सर. आई एम सेइंग के और इसमें भी सर मैं दो दो प्रपोजिशन रखूंगा. पहला, दूसरा सर और ये तीसरा पर्टिकुलर. मान लीजिए उनकी लास्ट जो स्पेसिफाइड डेट थी वो तो थी सर 31 दिसंबर 2014 और एग्जैक्ट डेट ऑफ ट्रांसफर आई है सर 19th ऑफ सितंबर 2015. आई फिल अप द सेम 31st ऑफ दिसंबर, 19th ऑफ सितंबर, 31st ऑफ दिसंबर एंड 19th ऑफ सितंबर. दिस इज 15, दिस इज 14, दिस इज 15 एंड दिस इज 14. ओके, ये पर्टिकुलर मामला ऐसा हुआ. अब मैं तीन पोजिशन लूंगा एज्यूमिंग दैट ए इंक and B Inc. have transacted the share of C Inc. अब मैं total assets की value ले रहा हूं सर कि C Inc. की total assets की value कितनी है सर और उसमें से इंडिया में located value कितनी है. In first scenario सर, let's assume the total assets value are 17 crore rupees. In this particular case, it is let's assume 6.5 crore rupees. In this particular situation, it is 47 crore rupees. Further सर मैं आपको ये कह रहा हूं कि इसके बाद में सर इंडिया लोकेटेड एसेट्स कितने की है उनकी वैल्यू भी आपको क्रिएट करके दे रहा हूं. लेट्स अज्यूम इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर इंडिया लोकेटेड एसेट्स आर 10 करोड़ रुपीस. इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सर इंडियन लोकेटेड एसेट्स आर 4 करोड़ रुपीस एंड इन दिस सिचुएशन सर इंडिया लोकेटेड एसेट्स आर 14 करोड़ रुपीस. फर्दर इसके अलावा सर जो स्पेसिफाइड डेट दूसरी भी हो सकती है वो आपको देखना है बन सकती है या नहीं बन सकती. मैं उसको एग्जाम्पलीफाई करने का कोशिश कर रहा हूं कि 19 सितंबर 2015 को सर ये जो टोटल वैल्यू है सर ये होगी 25 करोड़ रुपए और ये जो वैल्यू है सर ये हो गई 8 करोड़ रुपए. ऐसे ही इस सिचुएशन में सर कि 19 सितंबर 2015 को सर इनकी वैल्यू हो गई 11 करोड़ रुपए और इसकी वैल्यू हो गई सर 5.5 करोड़ रुपए और 19 सितंबर 2015 को सर इसकी वैल्यू हो गई सर 42 करोड़ रुपीस और इसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होकर के रह गई सर 10 करोड़. अब आपको इनमें से ये डिसाइड करना है कि किस किस सिचुएशन में सर एक्सप्लेनेशन 5 रेड विद एक्सप्लेनेशन 6 ऑपरेट कर जाएगा. व्हाट यू आर सपोज टू डिसाइड इन विच ऑफ दीज सर्कमस्टांस एक्सप्लेनेशन 5 एक्सप्लेनेशन 6 कॉमन अप्लाई. व्हेन आई सेड अप्लाई इट मींस व्हाट सच अ ट्रांसफर टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 9 कुड बी डीम्ड टू बी हैविंग इनकम एक्रूड और अराइज इन इंडिया. ये फिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा ये चीज का आंसर हमें डिसाइड करना है. करिए अब देखिए क्या है सर इस पर्टिकुलर मामले में 17 करोड़ रुपए की एसेट के अगेंस्ट में 10 करोड़ की होल्डिंग थी. बाद में सर स्पेसिफाइड डेट पर तो ये एसेट्स की वैल्यू क्या 15% से ज्यादा बढ़ गई क्या? बढ़ गई. और ये वैल्यू कितनी रह गई? 8 करोड़ रुपए रह गई. यानी लेस देन 50% हो गई. तो स्पेसिफाइड डेट वुड बी 31st ऑफ दिसंबर और 19th ऑफ सितंबर. It should be, in my opinion, 19th of September. And if it is 19th of September and on that date, the value of such particular asset is less than 50%, then this particular fiction should not apply. Have you got the point? What did I say? I said, sir, आपको सबसे पहले specified date का selection करना है rather. और specified date पर value of asset 10 crore रुपए से ज्यादा हो. और दूसरी बात,
कि इंडिया की जो लोकेटेड एसेट्स हैं सर उनकी वैल्यू मोर देन इक्वलेंट टू 50% हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली शर्त स्पेसिफाइड डेट ये आते ही सर बदल गया मामला हमारे लिए, ये केस कवर्ड नहीं दिख रहा। अब सर यहाँ पर देखिए, क्या यहाँ पर अब स्पेसिफाइड डेट कौन सी रही, 31 दिसंबर या 19 सितंबर हो गई सर? नाउ इट हैज बिकम 19th of September हेयर ऑल्सो। अब ये होता ही सर ये 5:30 पर बैठ गया, ये वाला मामला सर कवर्ड आ गया, किस डेट पर नहीं दिख रहा था? 10 करोड़ रुपए। अच्छा, इंडियन लोकेटेड एसेट्स की वैल्यू सर 5.5 करोड़ आ रही है। अब ये वाला मामला सर एक बार जरा वापस से डिटरमाइन कर लेते हैं कि 10 करोड़ रुपए इंडियन लोकेटेड एसेट के लिए बोल रहा है या 10 करोड़ रुपए टोटल एसेट के लिए बोल रहा है, ये इसमें विवाद है, ठीक है। आई रीड इट सर, आई मे बी रॉन्ग बट आई एम ट्राइंग टू इंटरप्रिटेट द सेम। एक्सप्लेनेशन 5 से पढ़ते हैं सर, वो ये कह रहा है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज हियर बाय डिक्लेयर एन एसेट और कैपिटल एसेट बीइंग शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी एंड शैल ऑलवेज बी डीम्ड टू हैव सिचुएटेड इन इंडिया इफ द शेयर और इंटरेस्ट डिराइव्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया। अब देखिए सर, एक चीज तो है शेयर, जो इसका शेयर, दूसरी चीज है ये शेयर अपनी वैल्यू कहां से लेता है सर? इंडियन एसेट से। अब एक्सप्लेनेशन 5 का फोकस सर इंडियन एसेट पर है या शेयर पर है? वो इस शेयर पर है। और आगे बोला सर इंटरेस्ट, ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, ये इंटरेस्ट का मतलब हित, उसका कितना उसके अंदर कोई इंटरेस्ट वेस्टेड है। अब द पॉइंट इज व्हाट सर, कि एक्सप्लेनेशन 5 किसके ट्रांसफर को देख रहा है? इंडियन एसेट के ट्रांसफर को देख रहा है या सी इंक के शेयर के ट्रांसफर को दे रहा है? वो तो सी इंक के शेयर को देख रहा है। अब सी इंक का शेयर सर क्यों टैक्सेबल हो रहा है इंडिया में ट्रांसफर? क्योंकि इंडियन एसेट्स का उसके अंदर सब्सटेंशियल वैल्यू इन्वॉल्व है। अब पढ़ता हूं सर एक्सप्लेनेशन 6, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय डिक्लेयर्ड शेयर और इंटरेस्ट रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 5। तो फिर बात शेयर पर ही करी, शेयर और इंटरेस्ट रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 5 शैल बी डीम्ड टू डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इन इंडिया इफ ऑन द स्पेसिफाइड डेट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स। अब सच एसेट्स कौन सी है सर? वो इंडिया लोकेटेड एसेट्स है। सच एसेट्स कौन सी हो गई सर? इंडियन लोकेटेड एसेट हो गई, ठीक है। नाउ वी आर वेरी क्लियर सर, सच एसेट का मतलब देखिए, इन्होंने शेयर और इंटरेस्ट तो अलग लिख दिया, और आगे इसके बाद में इन्होंने क्या लिखा, शेयर और इंटरेस्ट रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 5 शैल बी डीम्ड टू डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम एसेट लोकेटेड इंडिया इफ ऑन द स्पेसिफाइड डेट द वैल्यू ऑफ सच एसेट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 10 करोड़ रुपीज। तो इसलिए सर आप सब लोगों ने जब मेरे को बोला कि सर ये 5.5 करोड़ रुपए ही है, तो सर ये चाहे 50% पर छू रहा है, लेकिन सर ये एक्सप्लेनेशन 5 रेड विद एक्सप्लेनेशन 6 नहीं लग रहा। यानी ये जो 10 करोड़ रुपए की कंडीशन है सर, वो किसके लिए लागू हो रही है ग्रेटर देन 10 करोड़? इंडियन एसेट्स के लिए। इंडियन एसेट्स की जो वैल्यू है, प्रोबेबली आई सेड रॉन्ग अर्लियर बट नाउ आई एम करेक्टिंग वेरी क्लियरली सर। इस केस में भी सर अगर ये पर्टिकुलर मामला यहां से बच गया, अगर ऐसे नहीं बचता तो भी अदरवाइज मामला बच जाता, अगर मैं सर इसको पहले केस में सर 25 करोड़ रुपए लिख करके और फर्दर सर यहां पर अगर 8 करोड़ की जगह मैं 11 करोड़ रुपए लिख देता, क्या आपके आंसर पर चेंज आता? क्या अभी भी नहीं आता, क्योंकि 50% नहीं है। तो एक चीज सेटिस्फाई होगी दूसरी नहीं होगी तो भी हमारा काम नहीं चलेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब आए सर थर्ड केस में, थर्ड केस में क्या है सर, ये 47 है, ये 14 है, ये गिर करके वैल्यू कितनी रह गई सर? 42 और 10 रह गई। आप बोलिए सर क्या ये मामला आपके ओपिनियन में एक्सप्लेनेशन 5 रेड विद एक्सप्लेनेशन 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है, कितने लोग मानते हैं सर? नहीं आ रहा, कितने लोग मानते हैं? अब स्पेसिफाइड डेट आपने कौन सी ली सर, 19 सितंबर या 31st of December? 31st December, ठीक है। अगर आप 31st of December ले रहे हैं सर तो 47 है, और 47 में 14, 10 करोड़ की कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है सर, परंतु 50% सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, इसलिए क्या, ठीक है। चलिए मैं इसको 47 से सर रिमूव करके अगर 25 कर दूं और यहां सर 42 और 10 कर दूं, अब क्या आपके आंसर में चेंज आएगा? अब आना चाहिए चेंज, कितने लोग मानते हैं? नहीं आना चाहिए, कितने लोग बोलते हैं? फिर कर लीजिए सर, अगर ये 25 है और ये 14 है, सबसे पहला मामला क्या सर, स्पेसिफाइड डेट कौन सी है, 19 सितंबर या 31 दिसंबर? अब हो गई सर 19 सितंबर, क्योंकि 15% से ज्यादा चेंज आ गया। अब सर ये 19 सितंबर हो गई तो मेरे को वैल्यू कितनी चाहिए, 21 करोड़, ये फिर मामला नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो हमारे को सारी शर्तों को सर, और दो ही शर्तें हैं केवल, इंडिया लोकेटेड एसेट की वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो, ठीक है, और दूसरी बात इन एसेट्स की वैल्यू टोटल एसेट्स की वैल्यू के मिनिमम 50% के बराबर। मैं फिर एक क्वेश्चन बनाता हूं सर, देखिएगा, इफ मैं इसी डेटा को सर यहां से उड़ा रहा हूं और इसकी जगह फिर एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूं,
if let's assume in this particular case it was a 50 crore rupees, ठीक है, and if it was 15 crore rupees, and subsequently sir 19 सितंबर 2015 को सर मामला बढ़कर के हो गया सर यहां पर हमारे लिए 60 करोड़, ठीक है, ये तो हो गया सर 60 करोड़, और ये वाला मामला सर हमारे पास में जाकर के हो गया 30 करोड़। अब बोलिए सर क्या अब आपको लगता है क्या एक्सप्लेनेशन 5 रेड विद एक्सप्लेनेशन 7 लग रहा है, 6 लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर, क्यों लग रहा है, इस स्पेसिफाइड डेट आपने ये ली, ये ली, अब ये ले ली स्पेसिफाइड डेट, इस स्पेसिफाइड डेट पर वैल्यू वेरिएशन कितना आ गया सर 15%, इस डेट पर सर प्रोपोर्शन कितना हो गया है इंडियन एसेट्स का सर वो 50% एग्जैक्टली बैठ गया, तो ये दोनों शर्तें सर हमारे लिए सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। बस यही चीज मैं मानता हूं कि एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, अगर आप इसके ऊपर कन्फाइन होकर के अपना आंसर दे सकोगे तो यू विल बी राइट। अब एक बात और सर जो हमें सीखनी है एक्सप्लेनेशन 7 से, एक्सप्लेनेशन 7 एक और इंप्रूवमेंट डेवलप करके दे रहा है, वो कह रहा है सर फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज टू अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी शेयर और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज टू अ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी शेयर ऑफ और इंटरेस्ट इन अ कंपनी और एनी एंटिटी रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया रेफर टू इन एक्सप्लेनेशन 5 इफ सच कंपनी और एंटिटी डायरेक्टली ओन्स एसेट सिचुएटेड इन इंडिया एंड द ट्रांसफरर एट एनी टाइम इन द 12 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर नीदर होल्ड्स द राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल इन रिलेशन टू सच कंपनी और एंटिटी नॉर होल्ड्स वोटिंग पावर और शेयर कैपिटल और इंटरेस्ट एक्सीडिंग 5% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर और टोटल शेयर कैपिटल और टोटल इंटरेस्ट एज द केस में भी सच कंपनी और एंटिटी। अब समझिए सर मेरे केस में सी इंक को मैं अगर ऐसे एस्टेब्लिश करना चाहूं, मैं फिर सर क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा, इफ लेट्स अज्यूम दिस इज ऑन दिस डेट 37.5 करोड़ रुपीस एंड ऑन दिस डेट द वैल्यू ऑफ एसेट लोकेटेड इन इंडिया आर जस्ट 9 करोड़ रुपीस, देन सब्सिक्वेंटली सर ऑन दिस डेट 19th ऑफ सेप्टेंबर this was 40 crore rupees and subsequently the value has been to 12 crore rupees. mera fir aapse question hai sir kya explanation 5 read with explanation 6 lagu ho raha hai ya nahi ho raha, theek hai, lagu ho raha hai kitne log mante hai sir, nahi ho raha kitne log bolte hain, kyun nahi lagu hua sir, specified date kya decide kar liya aapne, ye iska 15% se zyada variation aaya nahi aur 15% se zyada variation aaya nahi, ye 50% baith nahi raha, ye mamla gaya, theek hai, main isko fir change kar raha hu, I let's assume pose this is 80 crore rupees and this is 42 crore rupees. This has become 85 crore rupees and this has become just 40 crore rupees. अब बोलिए सर अब ये मामला explanation 5 read with explanation 6 लागू हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है सर, क्योंकि आपकी स्पेसिफाइड डेट ये है और इस स्पेसिफाइड डेट पर मोर देन इक्वलेंट टू 50% वैल्यू बैठ रही, ठीक है, एंड टोटल एसेट लोकेटेड इंडिया 80 करोड़ रुपए की आ रही। अब सर इशू क्या है, ये कहना चाहता है बी इंक ने ए इंक को या ए इंक ने बी इंक को सी इंक के शेयर ट्रांसफर कर दिए, ना हु इज ट्रांसफरर, ए इंक, ए इंक जब शेयर बेच रही है सर, अगर इसके पास में सी इंक में मान लीजिए 4.5% इक्विटी थी, ना ध्यान से समझना सर, ये एसेट का ट्रांसफर इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज इनकम लेकर के आएगा, क्यों लेकर के आएगा सर, क्योंकि इसकी सब्सटेंशियल वैल्यू इंडिया में बन रही, इसने जो शेयर ट्रांसफर किए वो इसके टोटल शेयर होल्डिंग के मात्र 4.5% शेयर थे, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है सर। सरकार ने बोला जी अगर आप इंडिया से बाहर ट्रांसफरर हो ऐसी एंटिटी के शेयर को, ठीक है, जो कि इंडिया में सब्सटेंशियल वैल्यू होल्ड करती है, तो ऐसी कंपनी के शेयर का ट्रांसफर आप यदि 5% तक की शेयर होल्डिंग रखे हुए हो, ठीक है, और आपको कोई राइट टू मैनेजमेंट राइट टू पार्टिसिपेशन इन द कंट्रोल अफेयर्स ऑफ द कंपनी नहीं है, तो सर ये ट्रांसफर चाहे ये एसेट इंडिया से सब्सटेंशियल वैल्यू लेती है हम इसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे। इज इट बेनिफिशियल टू द एसएससी और अगेंस्ट द एसएससी सर, नेचुरली बेनिफिशियल टू द एसएससी। आप भी फाइनेंस मिनिस्टर होते तो आप भी ऐसा कुछ प्रोविजन बनाते कि हाँ यार उन लोगों को तो छोड़ो जिनका जेन्युइन मामला है, 5% कोई कंट्रोलिंग स्टेक नहीं दे जाता, ठीक है, 5% जिसका था उसके हाथ में कंट्रोलिंग स्टेक नहीं, ये बात अलग है, एक्वायरर के हाथ में कंट्रोलिंग स्टेक आ सकता है इससे, लेकिन 5% इज नॉट अ सब्सटेंशियल थिंग विद द गवर्नमेंट एज रिकॉग्नाइज्ड इनटू दिस पर्टिकुलर केस, सुनिएगा, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज
no income shall be deemed to accrue or arise to a non-resident from transfer outside India of any shares in, of, or interest in a company or entity registered or incorporated outside India, referred to in explanation 5. If such company or entity directly owns the assets situated in India and the transferer, अब ये बात हो रही है सर transferer A इनके लिए अपने example में, and the transferer at any time in the 12 month preceding the date of transfer neither holds the right of management or control in relation to such company or neither, sorry, nor holds voting power or share capital or interest exceeding 5%. यदि आपको ये कह दे सर कि पिछले 12 महीने में एक बार इसकी होल्डिंग 7.5% और बाद में इसके घटते घटते वो चीज 4.5% पर आ गई और जब 4.5 आई तब इसने बेची, सर उस केस में क्योंकि 12 महीने में एक बार 5% से ज्यादा था ये ट्रांजैक्शन इंडिया में, उसके लिए टैक्सेबल हो जाए। आया बात समझ में सर? ये इंटरनेशनल टैक्सेशन का ही एक फॉर्मेट है कि जिस प्रकार से सर सरकार इन ट्रांजैक्शंस को कर्ब कर रही है फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग एश्योर्ड कि इंडियन एसेट्स की वैल्यू से यदि कोई पर्टिकुलर एसेट आउट ऑफ इंडिया कलर ले रही है तो उसका इंडिया में टैक्सेशन होना है या नहीं होना। सो आई बिलीव सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज डू टेक केयर अबाउट दिस। ओके, अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट पुटेड दैट एग्जाम्पल इन टू माई बुक, ठीक है, माई बुकलेट पर, आप सर मैंने आपको यहां पर लिखवा करके करा दिया, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए सर मैं इसके बाद आगे चलता हूं, नेक्स्ट सुनिएगा सर, वो है 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 के नीचे एक इन्होंने वो भी सर डीमिंग फिक्शन की बात करता है, उसमें क्लॉज सी के नीचे सर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किया है और आई रीड दैट एक्सप्लेनेशन फर्स्ट फॉर योर रेफरेंस। बेसिकली 9 सबसेक्शन क्लॉज 5 डील्स विद द डीमिंग फिक्शन इन रिलेशन टू टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम इन इंडिया दैट व्हेन द टैक्सेशन इनकम व्हेन द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट इज डीम्ड टू अक्रू राइज इन इंडिया। सर तीन बातें की गई है, पहला जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी को इंटरेस्ट देवे यानी नॉन रेजिडेंट को देवे वो इंटरेस्ट इनकम इंडिया में डीम्ड टू अक्रू राइज मानी जाए। जब एक इंडियन एंटिटी किसी पर्सन को अपने इंडियन बिजनेस के संदर्भ में पेमेंट करती है तो ऐसी परिस्थिति में भी वो इनकम डीम्ड टू अक्रू राइज मानी जाएगी। सिंपली स्पीकिंग, मैं एक फॉरेन कंपनी, मान लीजिए आई एम एन इंडियन कंपनी, मैं बाहर से 10 करोड़ रुपए लेकर के आया इंडिया में, उस 10 करोड़ से मैंने यहां पर प्लांट लगाया और भारत से बाहर उसका इंटरेस्ट का पेमेंट किया। सामने वाला कह सकता है सर मैंने तो इसको इंडिया से बाहर ही पैसे दिया था, इसने मेरे को ब्याज का पेमेंट भी इंडिया से बाहर किया, नीदर इनकम अक्रूड इन इंडिया नॉर इट हैज बीन रिसीव्ड इन इंडिया, बट सर ये फिक्शन चलेगा तो क्या होगा, उसकी ये पर्टिकुलर इनकम इंटरेस्ट की इंडिया में टैक्सेबल होगी नॉन रेजिडेंट की जिसने हमारी इंडियन कंपनी को लेंडिंग किया। तीसरा पोजीशन, एक नॉन रेजिडेंट ने यदि दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट इनकम दी है वो इंटरेस्ट इनकम भी रिसिपिएंट नॉन रेजिडेंट के लिए इंडिया में डीम टू अक्रू राइज हो जाएगी यदि नॉन रेजिडेंट ने जो पैसा बोरो किया है वो इंडियन बिजनेस के लिए किया, ठीक है, तो भी सर डीमिंग फिक्शन लग जाएगा। अब इसमें जो बात आई वो क्या आई नीचे एक्सप्लेनेशन से, इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट इन द केस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट being a person engaged in the business of banking, any interest payable by the permanent establishment in India of such interest to the head office or any permanent establishment or any other part of such non-resident outside India shall be deemed to accrue or arise in India and shall be chargeable to tax in addition to any income attributable to the permanent establishment in India and the permanent establishment in India shall be deemed to be a person separate and independent of the non-resident person of which it is a permanent establishment and the provision of the act relating to computation of total income, determination of tax and collection of recovery shall apply accordingly. So, maan lijiye sir, there is a branch of a foreign bank opened up in India and that borrows from its HO situated outside India, lends that money into India. When they lend the money in India, they earn the interest income, they offer the taxation on the same, not a problem. Used to happen earlier, will continue to happen even. But the issue is regarding when they borrowed the interest from their foreign company, foreign bank, foreign HO abroad and they repaid the interest to that particular bank, that is to their head office. Even this interest by virtue of this fiction, by virtue of insertion of this explanation will be treated to be the income deemed to accrue or arise in India and hence would be taxable in India. Okay sir, baat aaya samajh mein? Yani pehle is issue par clarity ka abhav hone ki wajah se thoda sa clouds the, सब ये अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी। अब सर उस फॉरेन पर्टिकुलर एचओ ने भी कहीं ना कहीं से वो इंटरेस्ट जो इंडियन एंटिटी से चार्ज किया वो इनकम इंडिया में कमाई। अब उस पर डिस्प्यूट हो सकता था कि साहब क्या वो एक्रुअल इंडिया में हुआ या नहीं हुआ,
सरकार ने उसको डीमिंग फिक्शन में डाल दिया। अब आज की डेट में क्या बात क्लियर हो गई सर कि इफ अ फॉरेन हेड ऑफिस गिव्स द लैंडिंग टू द इंडियन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इट एंड दैट इज अ बैंक, देन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सच फॉरेन हेड ऑफिस फ्रॉम इंडियन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट शैल बी ट्रीटेड टू बी इनकम टैक्सेबल इन इंडिया एज इनकम डीम्ड टू एक्रू और राइज इन इंडिया एंड देयरफॉर द टैक्सेशन कॉन्सिक्वेंसेस शैल फॉलो। हैव यू गॉट द पॉइंट? ओके चलिए सर इससे आगे चलता हूं। सेक्शन 9A ये नया इंसर्शन ही हो गया सर, इसके ऊपर भी सर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मेरे को लगती है बहुत छोटा सा कि कॉन्सेप्ट क्या है सर। सी इन इंडिया द फाइनेंशियल कैपिटल इज मुंबई एंड द वर्ड फाइनेंशियल कैपिटल आई मे नॉट बी राइट बट स्टिल आई थिंक दैट इट इज टू एन एक्सटेंट सिंगापुर एंड व्हाट हैपेंस सर दैट दीज इंटरनेशनल फंड मैनेजर्स दे ऑपरेट देयर एक्टिविटीज मोस्टली फ्रॉम सिंगापुर इवन apart from other favorite destinations. So what used to happen, the India got a kind of position under which the Indian fund manager used to get situated into countries like Singapore or any other place where they were managing the funds of those international entities like FIIs, etc. So when such an activity used to take place outside India, then jo usme Indian एटमॉस्फेयर में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काम हो सकता था वो बाहर जाकर के हो रहा है, तो एक तरीके से उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो हब हम इंडिया में बना सकते हैं वो हब नहीं बनता, ठीक है, वो यहां से एक तरीके का टैलेंट भी बाहर जाता है। उस चीज को समझते हुए अब गवर्नमेंट ने यह बोला कि साहब यदि आपका फंड मैनेजर इंडिया में है तो केवल फंड मैनेजर इंडिया में होने से हम उसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं मान लेंगे, क्योंकि सर फंड मैनेजर यहां बैठा है, अब वो यहां बैठ करके बोल रहा है कि अच्छा भाई ये खरीद लो ये बेचो ये खरीदो बेचो, एज्यूमिंग दैट दैट पर्टिकुलर सेल परचेज इज हैपनिंग अब्रॉड, बट सर वो बंदा बैठा किधर है सर? इंडिया में। नाउ मोमेंट दैट फंड मैनेजर इज सिटिंग इन इंडिया इट विल बी एज्यूम एज इफ द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया, तो सर फिर टैक्सेशन इंडिया में आ जाएगा, क्योंकि इंडियन पी के थ्रू अगर नॉन रेजिडेंट को इनकम कमाता है तो उसको टैक्सेशन तो इंडिया में देना ही पड़ेगा। सो दिस इज अ न्यू रिजीम अंडर सेक्शन 9A अंडर विद द गवर्नमेंट एस है कि आपका फंड मैनेजर इंडिया में होने मात्र से हम टैक्सेशन पीई के रूप में नहीं करेंगे, एज्यूमिंग दैट अदर कंडीशंस आर ड्यूली कंप्लाइड। व्हाट आर दोस कंडीशंस, उनको एक बार पढ़ते हैं, सुनिए। नॉट सेंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9। अब ऐसा क्यों बोला सर? क्योंकि सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 बोल ही गया था सर, अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इंडिया में आएगा, बिजनेस कनेक्शन के थ्रू इनकम आएगी, तो वो सर फिर इंडिया में डीम टू एक्रू राइज है, इसलिए सर सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 9 के फिक्शन को तोड़ा। I read it. Not withstanding anything contained in subsection 1 of section 9 and subject to provisions of this section, in the case of an eligible investment fund, the fund management activity carried out through an eligible fund manager acting on behalf of such fund shall not constitute business connection in India of the said fund. क्या बोल दिया सर बड़े क्लियरली? उस फंड का फिर वो बिजनेस कनेक्शन ही नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब टैक्सेशन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट दिखा करके नहीं। हाँ, ये जरूर कहता हूं सर, if that fund is also having income from Indian operation, then it would be taxable. But if it is only managing its global fund through an Indian fund manager, then only by saying that an Indian fund manager is managing your activity, it can't be said that you have a permanent establishment in India. So that will save the kind of tax over there, and that will promote the fund managers to sit in India and start operation. And then what will happen, sir? Indian securities markets would also take the benefit of the same and would get more mature, because the more consultant would be available in India. Suniyega. Notwithstanding anything contained in section 6, an eligible investment fund shall not be said to be resident in India for the purpose of that section merely because eligible fund manager undertaking fund management activity on its behalf is situated in India. 3. Eligible investment fund referred to in subsection 1 means a fund established or incorporated or registered outside India which collects funds from its member for investing it for their benefit and fulfills the following condition. Now, eligible fund कौन सा है सर, ये थोड़ा देख लेते हैं। The fund is not a person resident in India. Next, the fund is a resident of a country or a specified territory with which an agreement referred to in subsection 1 of section 90 or subsection 1 of 90A has been entered into. That is, DTA is in place with that country to which that fund pertains to. Next, aggregate participation or investment in the fund directly or indirectly by the person resident in India does not exceed 5% of corpus of the fund. मान लीजिए सर 100 करोड़ का फंड है और उस फंड के अंदर सर जो पार्टिसिपेंट है उसमें इंडियन पर्सन भी हैं,
तो इंडियन पर्सन का स्टेक सर 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 5 करोड़ से ज्यादा इंडियन एंटिटीज का इन्वेस्टमेंट उस फंड के कॉर्पस में नहीं होना चाहिए। द फंड एंड इट्स एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन द कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी वेयर इट इज एस्टेब्लिश और इनकॉर्पोरेटेड और इज अ रेजिडेंट। नेचुरली सर ये तो इंटरनेशनल ड्यू डिलीजेंस है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रेगुलेशन फॉलो करना है। द फंड हैज अ मिनिमम ऑफ 25 मेंबर्स हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट कनेक्टेड पर्सन। कम से कम सर फंड में 25 मेंबर्स होने चाहिए। अब मेंबरशिप पर ही आपको चैलेंज कर दे साहब, 20 मेंबर वाला फंड है, इंडिया के थ्रू मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज हो रहा है लेकिन इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं है सर, वहां पर पी एस्टेब्लिश हो जाए ठीक है, लेकिन 25 मेंबर वाला है सर या उससे ज्यादा है, यानी वाइडली हेल्ड फंड है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा वाइडली हेल्ड फंड है, उस परिस्थिति में सर सरकार छोड़ रही। एनी मेंबर ऑफ द फंड अलोंग विद द कनेक्टेड पर्सन शैल नॉट हैव एनी पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन द फंड एक्सीडिंग 10%। अब ये जो पर्टिकुलर मेंबर ऑफ द फंड है और इनके जो कनेक्टेड पर्सन है सर, इनका एक जने का इंडिविजुअली फंड में 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंटरेस्ट। नेक्स्ट, एग्रीगेट पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली of 10 or less member along with their connected persons in the fund shall be less than 50%. अब aggregate participation of interest जो है वो 10 या 10 से कम members का minimum 50% से नीचे होना चाहिए। Next sir, the fund shall not invest more than 20% of its corpus in an entity. और ये fund sir 20% से ज्यादा एक entity में invest करता नहीं है। Next, किसकी? खुद के फंड्स का, जो टोटल फंड है सर उस फंड में, उस फंड का डिस्पोजेबल अमाउंट का सर 20% से ज्यादा सिंगल एंटिटी में नहीं है। नेक्स्ट, द मंथली एवरेज ऑफ द कॉर्पस ऑफ द फंड शैल नॉट बी लेस देन 100 करोड़ रुपीस, यानी इट हैज टू बी 100 करोड़ रुपीस फंड मिनिमम ऑन एन एवरेज। नेक्स्ट, द फंड शैल नॉट कैरी ऑन कंट्रोल एंड मैनेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी बिजनेस इन इंडिया और फ्रॉम इंडिया। ये फंड सर इंडिया से कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा ठीक है। नेक्स्ट, द फंड इज नीदर एंगेज इन एन एक्टिविटी विच कॉन्स्टिट्यूट्स अ बिजनेस कनेक्शन इंडिया nor has any person acting on its behalf whose activities constitute a business connection in India other than the activities undertaken by the eligible fund manager on its behalf. And next, the remuneration paid by fund to an eligible fund manager in respect of fund management activity undertaken by him on its behalf is not less than arm's length price of the said activity. Yani aapko arm's length price par to usko remuneration dena hai ताकि इंडिया में टैक्स लायबिलिटी एएलपी पर तो एटलीस्ट भारत सरकार को रिकवर हो, ये ना हो कि उसको भारत से बाहर रेमुनरेशन ज्यादा दे दे, दो नंबर में मिल जाए, ऐसा कुछ मामला नहीं बैठना चाहिए। एएलपी पर उसको अपने फंड मैनेजमेंट की एक्टिविटीज का रेमुनरेशन मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता सर ये शर्तें हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी के लिए, लेकिन मुझे ये जरूर लगता है सर कि 9A के ऊपर एक 3 नंबर का क्वेरी इस प्रकार से हमसे पूछे कि अगर इस प्रकार से फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी कर रहे हैं तो क्या ये फंड मैनेजमेंट एक्टिविटी से होने वाली इनकम जो फंड को होगी वो इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे चलता हूं सर, 9A के बाद में आई मे मूव इनटू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 11A। सर सुकन्या समृद्धि योजना में जो आप पैसा डिपॉजिट कराते हैं उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा, ये चीज सर 10-11A के अंदर स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर कर दी गई। दूसरा 10-23C सर, 10-23C में इन्होंने बोला स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा फंड, इनकी अगर कोई इनकम होती है तो वो इनकम जैसे प्राइम मिनिस्टर नेशनल लीव फंड की इनकम एग्जम्प्ट होती है ऐसे इन फंड्स की भी इनकम एग्जम्प्ट हुआ करेगी। सेक्शन 10 क्लॉज 38 में सर, इसमें बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड यूनिट पर बात की गई है, मैं इसका सर बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन 115UA में करूंगा, वहां पर इसकी चर्चा करूंगा। 11 एंड 13 इन दोनों को सर जो रिस्पेक्टिव कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट है सर, स्पेसिफिकली सेक्शन 11 पर ही बोलेंगे, दैट इज इन रिलेशन टू 11 सबसेक्शन 2। आप सब जानते हैं सर कि अगर एक ट्रस्ट पब्लिक चैरिटेबल पब्लिक रिलीजियस ट्रस्ट है तो उसको सर अपनी टोटल इनकम जो कैलकुलेट हुई है उसमें से सर 15% तो फ्री एक्युमुलेशन मिलता है, बाकी के 85% को अप्लाई डीम्ड अप्लाई एक्युमुलेट करके दिखाना पड़ता है। अप्लाई ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर होता है, डीम्ड एप्लीकेशन पर ये बोल रखा था कि दो परिस्थिति में हो सकता है सर, आइदर द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड और इट इज रिसीव्ड बट कुड नॉट बी अप्लाइड। इन बोथ ऑफ द सर्कमस्टांसेस इफ द ट्रस्ट विशेस इट मे अप्लाई फॉर डीम्ड एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 139(1)(1)(f). एज सच द एक्युमुलेशन वॉज कंसर्न, एक्युमुलेशन इज गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ 11 सबसेक्शन 2 रेड विथ फॉर्म नंबर 10। ये फॉर्म 10 के लिए सर रिस्पेक्टिव रूल में बोला कि फॉर्म 10 वॉज टू बी फाइल्ड
within 139-110. But this time limit was not provided in the section itself, and due to such an absence, certain SSCs have got this particular benefit from the courts that, sir, since the time limit is not provided in the law, you cannot mandatorily say that the SSC has to apply for accumulation before 139-1 expires. And therefore, the law has been now very clearly amended by the Finance Act 2015 to provide that where the accumulation is required to be proposed, it must be proposed within 139-1 time limit. Otherwise, the benefit of accumulation shall not be available. So now it is very clear, sir. Do you want to go into, if you want to go into deemed application or for accumulation, you have to adhere to the time limit of 139-1. आगे चलता हूं सर इसके बाद में 32 सबसेक्शन 1 सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 सर देखिए 32 आप सब लोगों को सर वेल वर्स्ड है एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इवन सर के एग्जामिनर भी ज्यादातर आपसे डेप्रिसिएशन बेस्ड क्वेरी भी पूछते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेरी सर पिछले अटेम्प्ट में आई थी दैट वाज रिगार्डिंग के एक एसेट ऑब्सोलीट हो रखी है ब्लॉक में वैल्यू पड़ी है लेकिन काम में नहीं आ रही डेप्रिसिएशन एसएससी क्लेम करे जा रहा है यो मना कर रहा है बोले भैया डेप्रिसिएशन काहे को मिलेगा जब आपकी एसेट इन यूज ही नहीं है तो एसएससी कह रहा है सर आई हैव पुट टू यूज इट सम टाइम अगो इफ सम इयर्स अगो इवन देन इफ इट हैज बीन पुट टू यूज इवन इफ टुडे इट इज ऑब्सोलीट स्टिल द डेप्रिसिएशन क्लेम इज टू बी परमिटेड एंड द आंसर टू दैट क्वेश्चन वॉज गिवन इन फेवर ऑफ द एसएससी कि सर जब तक आप सोल डिस्कार्डेड डिमोलिश डिस्ट्रॉय नहीं करते सोल डिस्कार्डेड डिमोलिश डिस्ट्रॉय तब तक सर वो ब्लॉक में से चीज घटती नहीं ठीक है ये घट दीजिए ब्लॉक में से घट जाएगी ये नहीं करेंगे तो नहीं घटेगी चलिए मैं आता हूं अमेंडमेंट पोर्शन पर सी द अमेंडमेंट इज इन रिलेशन टू 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 ए एडिशनल डेप्रिसिएशन एंड इट इज अ फेवरेट इन रिलेशन टू द मैन्युफैक्चरिंग इन रिलेशन टू द प्रोडक्शन इंडस्ट्री दैट यू कैन क्लेम 20% ऑफ द एडिशनल डेप्रिसिएशन वेयर यू आर पुटिंग अप एन एसेट टू यूज इन टू अ बिजनेस इन द नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सर्टेन अदर कंडीशंस आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड But no capacity enhancement criteria specifically mentioned. Now, this additional depreciation of 20% would certainly reduce to 10% where the put to use period is less than 180 days. So, there was a question before the courts at various times that whether the remaining 10% could be claimed by the SSC in the subsequent assessment year or not. And this has been now amended very clearly and provided favoring to the SSC. That even the remaining 10% could be claimed by the SSC in the next assessment year. आपको next assessment year में वो 10% मिलेगा। इसके साथ में सर जो अगला amendment इसमें जुड़ा सर, read with 32 AD में भी ऐसी बात आ रही है कि सर चार specific state if I am correct, तेलंगाना, बिहार, West Bengal and आंध्र प्रदेश। इनके अंदर सर अगर आप कोई particular asset लगा रहे हैं, तो आपको सर 35% का additional depreciation दे रहा। 35% का एडिशनल डेप्रिसिएशन दे रहा यानी इन चार स्टेट के बाहर और इन चार स्टेट में भी सर हर डिस्ट्रिक्ट नहीं कवर्ड है ओनली सर्टेन बैकवर्ड एरिया विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट वो आपको बोलेगा सर एग्जाम ठीक है और इसलिए मुझे क्या लगता है सर इन चार बैकवर्ड स्टेट में से एक पर्टिकुलर नोटिफाइड एरिया उठा करके आपको उस पर्टिकुलर एसेट के संदर्भ में डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन और 32 एडी का इन्वेस्टमेंट अलाउंस तीनों क्लेम करवा ले गेटिंग मी व्हाट आई सेड कि ये तीनों बातें सर अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो तीनों को कोरिलेशन में जाकर के क्वेश्चन आपसे कराए मैं अभी उस पर आता हूं परंतु सर द फर्स्ट थिंग इज दैट वेयर इन दीज फोर डिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द बैकवर्ड एरिया विच इज नोटिफाइड यू इंस्टॉल न्यू प्लांट एंड मशीनरी वट एवर स्टेटस यू आर अ कंपनी यू आर अदर देन कंपनी एंड द एसेट इज पुट टू यूज फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन इक्वलेंट टू 180 डेज यू आर एंटाइटल टू 35% अदरवाइज इट विल बी 17.5% अगेन दैट 17.5% इफ लेस देन 180 डेज would be claimed in the next year. बाकी का अमाउंट नेक्स्ट ईयर में हम क्लेम कर सकते हैं इसके साथ सर अब मैं एक बार सेक्शन 35 एडी और पढ़ लेता हूं फिर सर इसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन 35 एडी सर नॉट 35 एडी सॉरी इट इज 32 एडी इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन सर्टेन स्टेट्स वेयर एन एसएससी सेट्स अप एन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2015 इन एनी बैकवर्ड एरिया नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश और इन द स्टेट ऑफ बिहार और इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना और इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बेंगाल एंड एक्वायर्स एंड इंस्टॉल्स एनी न्यू एसेट फॉर द पर्पज ऑफ सैड अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज
during any period beginning on 1st day of April 2015 and ending before 1st day of April 2020. In the said backward area, then there shall be allowed a deduction of a sum equal to 15% of actual cost of such new asset for the assessment year relevant to the previous year in which such new asset is installed. ठीक है सर, एक बात तो इन्होंने करी सर कि आपका सेटिंग अप ऑफ द अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज जो होना चाहिए वो ऑन एंड आफ्टर 1st अप्रैल 2015 होना चाहिए। इससे बात क्लियर हो गई सर कि नई यूनिट ही लग रही है, अंडरटेकिंग नई है, एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग में एक्सटेंशन ये नहीं कवर कर रहा। आगे ये बोला सर कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर के 31 मार्च 2020 के बीच में आपका ये पर्टिकुलर नया एसेट का प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान दीजिएगा सर, ये जो फोकस दे रहा है एक्विजिशन पर दे रहा है, इंस्टॉलेशन पर दे रहा है या पुट टू यूज पर दे रहा है। ठीक है, तो एक्वायर तो होगा ही सर, और अगला पॉइंट क्या है सर, इंस्टॉल, और तीसरा पॉइंट क्या होगा सर, पुट टू यूज। इसने किस पर फोकस दिया सर, एक्वायर्स एंड इंस्टॉल, पुट टू यूज पर नहीं फोकस दिया। दिस इज द डिफरेंस इन 32(1)(2)A एंड 32(AD), इट इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ इंस्टॉलेशन ओनली। आगे के सर जो दो सबसेक्शन है वो ये कहते हैं कि अगर आपने जो एसेट एक्वायर कर रखी है, यदि आप अमालगमेशन या डीमर्जर नहीं हुए, उनको तो छोड़ दीजिए सर, बाकी परिस्थिति में यदि आपका वो पर्टिकुलर एसेट विद इन 5 ईयर ट्रांसफर हो जाती है, 5 ईयर है ठीक है, विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन यदि वो एसेट ट्रांसफर हो जाती है, तो जो बेनिफिट आपने 32(AD) में लिया, जिस ईयर में आप नॉन कंप्लायंस करोगे उसमें टैक्सेशन आए। एंड मान लीजिए अमालगमेशन हुआ, डीमर्जर हुआ, बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन 47(13), 47(14) के नेचर का हो, ऐसी पर्टिकुलर परिस्थिति के अंदर लॉ ने बोला ठीक है, मान लीजिए अ प्रोपरेटरशिप फर्म विच अवेल्ड 32(AD) विद इन 3 ईयर गॉट कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, देन फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 ईयर द कंडीशन टू होल्ड द एसेट नाउ लाइज विद द कंपनी। इफ लेट्स अज्यूम कंपनी सेल्स ऑफ द एसेट दैट इज ट्रांसफर्स द एसेट विद इन नेक्स्ट 2 ईयर, दैट इज टोटल विद इन 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, देन इट विल बी द कंपनी हु विल बी लाइबल टू पे द टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 32(AD). इज इट क्लियर सर? एक बात और, न्यू प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन हमारी ओपिनियन में सेम है सर जो 32(1)(2)A में दी है, एक बार उसे रीड करते हैं, सुनिएगा। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन न्यू एसेट मींस एनी न्यू प्लांट एंड मशीनरी मेड बी सर सेक्शन 32(1)(2)A एडिशनल डेप्रिसिएशन और मेड बी 32(AC) और 32(AD), ऑल आर हैविंग देयर कनेक्शन ओनली टू द प्लांट एंड मशीनरी, नो अदर एसेट इज कवर्ड देयर ऑफ बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्लांट और मशीनरी which before its installation by the assessee was used either within or outside India by any other person, any plant or machinery installed in any office premises or any residential accommodation, including accommodation in the nature of guest house, any office appliances including computer or computer software, any vehicle, any plant or machinery, the whole of the actual cost of which is allowed as a deduction, whether by way of depreciation or otherwise, in computing income chargeable under the head PGBP of any previous year. आया बात समझ में सर? नंबर वन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से लिमिटेड होना चाहिए, नंबर टू प्लांट एंड मशीनरी न्यू होना चाहिए, नंबर थ्री ये प्लांट एंड मशीनरी जो नया होगा ये ऑफिस प्रीमाइजेस का नहीं होना चाहिए, ऑफिस इक्विपमेंट का नहीं होना चाहिए, और सर इसमें व्हीकल्स भी शामिल नहीं है, और इसमें 100% जिनका डेप्रिसिएशन या अलाउंस क्लेम हो जाता है वो भी शामिल नहीं है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं सर, आप अटेम्प्ट करने का कोशिश करिएगा दैट हाउ यू आर गोइंग टू क्लेम द डिडक्शन इन द हैंड्स ऑफ द असेसी इन द रिस्पेक्टिव question or the query which I am raising before you. Let's assume a particular new undertaking which is set up in the backward area of Telangana. It gives you the following details of its income computation. It says, sir, we have a gross profit to the tune of rupees 90 lakh. 90 lakh rupees ka sir inke paas mein gross profit hai. Ye particular ek established ki gayi sir company hai. Ye company ke paas mein sir, let's assume kuch interest income hai which is in the form of the FDs which it has held from the surplus fund. Let's assume that amount is further 5 lakh rupees. Then this company says that we have certain administrative and establishment expenditure, we have certain depreciation, we have certain income tax provision, and we have certain remaining net profit. Administrative establishment expenditure being 30, this being 20, income tax provision let's assume 10, and then what is left off is the net profit. How much? Now they provide the information to you, sir, that this particular company has set up an undertaking into the state of Telangana. It has commenced its production into the state of Telangana only.
It may be a new company or it may be an existing company. The undertaking must be new. That we should be clear, sir. Okay? It may be like Tata might have set up a nano plant again into state of Andhra Pradesh. Then in that case, sir, Tata Motors hi laga rahi hai. Tata Motors nahi company nahi hai. Lekin Tata Motors undertaking nahi lagani chahi. Okay? Ab is particular maamle mein, sir, main ye bol raha hoon. This depreciation pertains to certain assets which are of rupees 100 lakhs. 100 lakh rupees ki, sir, ye asset hai. इस 100 लाख रुपीस की जो एसेट है ना सर, इसका मैं आपको कुछ बाइफरकेशन दे रहा हूं। ये 100 लाख रुपीस की जो एसेट है सर, ये एक्वायर्ड है। इसमें से जो इंस्टॉल हुई है सर, वो 80 लाख की हुई है। इसमें सीए साहब जो पुट टू यूज हुआ है, दैट पुट टू यूज इज ऑफ 70 लाख। ठीक है, सो दिस इज एक्विजिशन 100, इंस्टॉल 80 एंड पुट टू यूज 70। आउट ऑफ दिस पुट टू यूज बीइंग 70 सर, पुट टू यूज फॉर अ ग्रेटर देन 180 डेज or equivalent to 180 days is 50 lakh and the remaining is less than 180 days. Okay? This is 20 lakh. Now I ask you that you have to compute the taxable business income of this particular undertaking. This undertaking is, sir, हमारे को taxable income चाहिए. I repeat, the depreciation pertain to 100 lakh rupees asset which are acquired, which are installed to this tune, which are put to use to this tune. Out of this greater than less than I have already elaborated, and this is the P&L through which I am asking you to compute the taxable income of the company. Bilkul backward area, nahi to question hi nahi bane. How much is the answer? 20 23 32. Any other answer? Devo Raghav, total income 23 29.75, 30.5, 11. देखो अब टाइम नहीं है बहुत ज्यादा आप लोगों के पास, है ना, मैं डराऊंगा नहीं, लेकिन यू हैव टू चेक वेयर वी आर गोइंग इन करेक्ट. सी द नेट प्रॉफिट बीइंग 35 टू बी फर्दर एनहांस बाय दिस, टू बी ऑल्सो एनहांस बाय दिस. ठीक है, यू मे रिड्यूस इट सर्टनली सर इन कंप्यूटिंग द बिजनेस इनकम एंड देन लेटर एड इट इन द अदर सोर्स. But for the purpose of determining the PGPP income, assuming that the full of the depreciation and the related value given to you is in respect of plant and machinery only, and therefore I wish to claim in respect of acquisition nothing from 32 or 32AD. So mereko idhar tension karne ka zarurat hi nahi sir, information could be of some use from here, and therefore sir on this 80 you all might have therefore claim 35%. Kita mil raha, sorry, not 35%, it is 32 एडी में कितना था सर, एसी में कितना था? ठीक है, उसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, पर दोनों में डिफरेंस क्या है सर? वो 25 करोड़ से ज्यादा मांगता है. ठीक है, इसके अंदर कोई 25 करोड़ जैसा कंडीशन नहीं है, और नॉन कंपनीज कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट. सो यू विल क्लेम 15% हियर अंडर सेक्शन 32AD. अब सर ये तो पूरे पर 80 पर ले लिया, और 70 पर भी फिर कोई इशू दिक्कत बची नहीं. इसमें से सर 50 पर आपने पूरा 15% ले लिया, और 50 पर आपने फर्दर 20%. लेकिन सर यहां 20 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 35, बिकॉज इट इज इन द स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द तेलंगाना. सो सर ये 35%, और सर यहां पर कितना मिलेगा? यहां पर हमारे को 15 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, ये डेप्रिशिएशन मिल जाएगा. सो द टोटल डेप्रिशिएशन इज दिस एंड 32AD इज दिस. मेरे को टोटल डेप्रिशिएशन का क्वांटम बोलिए, टोटल डेप्रिशिएशन. Depreciation is 30 lakhs, right? And what about this? ठीक है, आपको सर अब 12 भी मिल गया और 30 भी मिल गया, यानी टोटल डिडक्शन पीजीबीपी में आपको एडिशनल 30 प्लस 12, ठीक है, टोटल 42 का डिडक्शन और मिला. इसके बाद जो बच गया वो क्या हुई आपके पास में? टोटल इनकम कितनी आई? 23. और कोई आंसर? अब इसमें गलती क्यों हुई? ठीक है, इसमें कुछ गलती का स्कोप ही नहीं है सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आपको तो बस क्लासिफिकेशन करना है. This has a classification. अभी मैंने इसको ज्यादा manipulative नहीं बनाया. मैं बोल देता सर out of this 80, 10 lakh rupees asset pertains to the pollution control equipment. तो आप सर फिर उस pollution को छोड़ देते, केवल 70 वाली के ऊपर ही 15% claim करते. ठीक है, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, तो आपको 80 पर सीधे 15% लेना है. इसके ऊपर सर आपको 15 भी लेना है, 35 भी लेना है, और इसके ऊपर आपको 20 वाले के ऊपर 15 का हाफ यहाँ लेना है और 35 का हाफ यहाँ लेना है. अब मैंने नेक्स्ट ईयर पूछा नहीं, नहीं तो नेक्स्ट ईयर पूछता तो आप नेक्स्ट ईयर इसमें से और अमाउंट आगे लेकर के चले जाते. ठीक है, सो इट इज वेरी क्लियर सर, दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर पोजीशन वुड
विद्या। हाँ, अगर सर ये 100 लाख में से इस साल इंस्टॉलेशन 80 का हुआ और 20 लाख का इंस्टॉलेशन अगले साल होगा, whether the assessee would be entitled to claim on that 20 lakh rupees 32 AD next year or not? In my opinion, yes. ठीक है, in my opinion, yes. For the balance amount, assessee should be entitled to claim in the next year. I hope it is done, sir. ये दोनों का मिक्स होकर के एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. Should I move ahead? और कोई क्वेश्चन सर? हाँ, चलिए पढ़ते हैं सर. द क्वेश्चन इज के एक्वायर्ड तो आपने किया फाइनेंशियल ईयर 15-16 में और इंस्टॉल किया सर आपने 16-17 में. तो मैंने अभी आपको बोल दिया कि साहब जो इस केस में मेरे केस में 20 लाख रुपीज है, इसका बैलेंस अमाउंट आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा. तो द क्वेश्चन इज कि क्या 20 लाख रुपीज पर बैलेंस आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा अभी या नहीं मिलेगा? पहली बात तो सर इन्होंने ये नहीं बोला कि इन्वेस्टमेंट का एक मिनिमम लिमिट है. एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल बोला, इसके पढ़ते हैं सर. एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर कैसे लिखा है? रीड इट. वेयर एन असेसी सेट्स अप अंडरटेकिंग और एन एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल अ थिंग ऑन एंड आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ 2015 इन एनी बैकवर्ड एरिया नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहार इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश स्टेट ऑफ बिहार तेलंगाना और इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड एक्वायर्स एंड इंस्टॉल्स एनी न्यू एसेट फॉर द पर्पज ऑफ सेड अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज During the period beginning on 1st day of April 2015 and ending before 1st day of April 2020. ये क्या बोला सर? Acquire and install करना है आपको asset को किससे किसके बीच में? 1 अप्रैल 15 से, ठीक है, 31 मार्च 20. मान लीजिए सर हमने मार्च 2015 में ही कोई एक asset acquire कर ली थी और उसको install हमने कर दिया ला करके जून 2015 में. इस asset का हमारे को 32 AD नहीं मिलने वाला. मैं अगर ऐसा बोलूं सर कि मैंने अब एक्वायर कर ली सर अप्रैल 2015 में और इंस्टॉल करी अप्रैल 2016 में, तो मैंने सर टोटल पीरियड के अंदर अंदर अपना एक्विजिशन एंड इंटरेस्ट का, सॉरी, एसेट का इंस्टॉलेशन पूरा कर लिया. इट इज नॉट सेड इन द सेम प्रीवियस ईयर. ठीक है, आई रीड इट सर. सेम प्रीवियस ईयर कैसे लिखा हो सकता है? आपको बुक के अंदर ऐसा मिला? ठीक है, आई रीड इट अगेन, सुनिएगा. ये बोल रहा है सर, and acquires and install any new asset for the purposes of said undertaking or enterprise during the period beginning on 1st day of April 2015 and ending before 1st day of April 2020 in the said backward area, then there shall be allowed a deduction of sum equal to 15% of actual cost of new asset for the assessment year relevant to the previous year in which such new asset is installed. Acquired and installed यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर क्या बोला? केवल installed. जिस ईयर में आप इंस्टॉल कर लोगे और आपने सर एक्विजिशन एंड इंस्टॉलेशन 1 अप्रैल 15 से 31 मार्च के बीच किया है, तो आपको सर उसका 32 AD का डिडक्शन मिलेगा. कोई दिक्कत ही नहीं. ठीक है, प्लीज बी क्लियर. अगर मेरी बुक में भी गलत है सर तो भी आप करेक्ट कर लीजिएगा. ठीक है, प्लीज करेक्ट इट इन दिस सेंस. दिस इज द राइट ट्रीटमेंट विच वी विल बी अडॉप्टिंग. चलिए मैं इससे आगे चलता हूं सर. एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन माई ओपिनियन, ध्यान रखिएगा. अब सर इसके बाद में सेक्शन 36 में क्या है सर? वी ऑल नो दैट इट इज अ डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल रेड विथ सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 8 एंड 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3 प्रोविजो दे रहा हूं. इन दोनों की कंबाइंड इंटरप्रिटेशन से ऐसा बात आता है कि सर पुट टू यूज से पहले का ब्याज तो कैपिटलाइज होता है और पुट टू यूज के बाद का ब्याज जो होता है वो सर हमारे को चार्ज टू रेवेन्यू हो जाता है. ये जो 36(1)(3) के नीचे प्रोविजो था वो प्रोविजो कुछ इस प्रकार से लिखा गया जिससे लग रहा था कि जब आप एक नया अंडरटेकिंग लगाते हो या नया बिजनेस करते हो, ठीक है, तब तो आपको निश्चित रूप से कैपिटलाइज करना है. लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर ही कोई पर्टिकुलर एसेट पुट टू यूज करते हो तो उसका पुट टू यूज से पहले के ब्याज का क्या ट्रीटमेंट होगा वो क्लैरिटी नहीं थी. सो देयर वर सर्टेन जजमेंट्स व्हिच हैव गिवन द फेवर टू द असेसी कि इफ Like say in a case of an existing business, the total replacement of plant is taking place and that period of 6 months was taken till the date of acquisition and it's put to use and during that period any interest is booked, then that interest could be even claimed or charged to the revenue. There were judgments in such a favor and even there was no clarity in 36(1)(3) that whether it will be disallowed or not. And now the government has specifically amended 36(1)(3) to provide for
कि अगर आपकी एसेट नहीं है, बिजनेस नया है, एक्सटेंशन है, एग्जिस्टिंग बिजनेस में रिप्लेसमेंट है, एसेट यदि नहीं है आपके बिजनेस की, पुट टू यूज से पहले का ब्याज अब कैपिटलाइज होगा, कोई डाउट नहीं रह गया सर इस विषय पर। यह क्लैरिटी 3613 में अब आ चुकी। मैं आगे चलता हूं सर इसके बाद में। आई गो बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47। आप सर 47 के आगे चाहें तो सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 एक्सप्लेनेशन 6 जो आप मैंने बिगिनिंग में आपके साथ डिस्कस किया वो भी लिख सकते हैं, कुछ कुछ ये कलर वहां से लेगा। देखिए सर, द एग्जाम्पल विच आई कोटेड बिफोर यू दैट अ ट्रांजेक्शन बिटवीन ए इंक एंड बी इंक वेयर द ट्रांसफर ऑफ सी इंक शेयर वॉज मेड फ्रॉम ए इंक टू बी इंक द टैक्सेशन वुड अट्रैक्ट इन इंडिया और नॉट, दैट वॉज द क्वेश्चन विच वी कंसिडर्ड इन द डिस्कशन ऑफ सेक्शन 9। Naturally, sir, in income tax law, when we go into section 47, which gives us the list of exempt transfer, the amalgamations, demerger, business reorganization are always promoted by the government. And even to an extent that we have seen in section 47, there are transfers which are exempted by virtue of saying, ke yadi kisi foreign country ke andar amalgamation hua hai, yani foreign companies mein hua hoga, ya foreign countries mein demerger hua hai, तो ऐसे डीमर्जर्स और अमलगमेशन तक को सर सरकार ने एग्जम्प्ट किया है। तो वो क्यों एग्जम्प्शन किया है सर? ताकि बिजनेस का प्रमोशन हो। अब सेक्शन 9 के साथ में सर जो इसकी मैपिंग बैठ रही है वो क्या बैठ रही है कि जो पीछे ए इंक और बी इंक के बीच में सी इंक का शेयर का ट्रांसफर हुआ वो हो सकता है सर सेल हुआ हो या हो सकता है किसी अमलगमेशन या डीमर्जर की वजह से। सो व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड इज अमलगमेशन एंड डीमर्जर। टू क्लॉजेज आर रिस्पेक्टिवली इंसर्टेड इन सेक्शन 47। One is clause 6AB and second is clause 6CC. Clause 6AB pertains to amalgamation and clause 6CC pertains to demerger. And I said कि अगर सर मेरे वाले एग्जाम्पल में A इंक ने B इंक को शेयर सेल किए थे तो सर आज भी सेक्शन 9 लागू रहेगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं आपके सामने इसको एग्जाम्पल से रखने का कोशिश करता हूं, इफ लेट्स अज्यूम A इंक विच इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया got amalgamated into B Inc. And due to this particular amalgamation, C Inc. shareholding also exchanged hand from this company to this company. And this C company is falling into section 9 subsection 1 clause 1 that it is deriving its shares value substantially from asset located in India. Then because of section 9 fiction, the income shall be deemed to accrue or arise in India. However, because of section 47 clause 6AB, what will happen? If this amalgamation is taking place outside India and at least 25% of shareholder from this company are going from here to here and this transaction in whichever country did take place has not been taxed as per the tax laws of that country, then in India also such particular tax liability would not attract. Now in Vodafone case law, sir, there was no amalgamation or demerger. There was a case of sale of share of CGP investment by Hutchison to Vodafone. Yani that kind of cases are still covered for the purpose of taxation, and now how they have to be determined in value terms, that is very clear by virtue of those explanation which are newly inserted into section 9 subsection 1 clause 1. Okay, aur aise hi sir yadi main ye bolu ke A limited ne khud ko demerge karke A inc to ek rakha aur B inc aur bana li, to aisi paristhiti mein sir yadi C inc ke share B inc mein diye aur 75% of shareholder A inc ke B inc mein chale jate hain, yani unko demerger par share mil jate hain 75% holders को, and such transaction does not attract tax in the country in which transfer took place, then in such circumstance even this particular transaction is exempted by virtue of 6CC. I hope the matter is clear. Okay, I move ahead sir. इसके बाद sir 80CCC and sir 80CCC में आप सब लोगों को pension fund pension plan से related जो contribution हम करते हैं वो 1 लाख की लिमिट थी, 1.5 लाख रुपए उसको कर दिया जस्ट टू मेक इट इन लाइन विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 80C। 80CCD में सर हमारे पास में 3 क्लासिफिकेशन है, ये बात हमारे को ध्यान रखना है। व्हाट दीज क्लासिफिकेशन आर 80CCD सबसेक्शन 1, 80CCD सबसेक्शन 1B एंड 80CCD सबसेक्शन 2। इफ आई एम करेक्ट देन आई एम ऑफ द माइंड दैट एन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशनल पेंशन स्कीम is eligible to the extent of 10% of the salary, where salary includes basic plus DA if the DA is allowed for consideration in the retirement benefits. 10% of the salary and where you are not an employee, 10% of GTI.
Here it is employer's contribution to the national pension scheme. First it gets taxable in the hands of the employee, then the employee gets a deduction thereof. This is something not in line with the PF. In the PF, the employer's contribution is not added generally in the income of the employee. It is straight away exempt in the hands of employee. Would be taxed in certain circumstance when it is withdrawn before certain expiry of 5 years period, except in certain circumstance. Now here, this is provided 10%, this is 10%. There is another limit provided into ATCCE, which says ATC, ATCCC and ATCCD. Subsection 1, be very specific, subsection 1. In combined, all the three could not exceed 1.5. ये तीनों मिला करके सर 1.5 लाख से ज्यादा नहीं होंगे, तो सर 1.5 लाख तो ये हो गया। इसका हमारे को 10% ऑफ सैलरी अथवा 10% ऑफ जीटीआई यहां होगा नहीं सर, क्योंकि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है इसलिए सैलरी होगा, ये डिडक्शन मिलेगा। ये एक्स्ट्रा सर इन्होंने 50,000 दे दिया टू प्रमोट द स्कीम, एंड देयरफॉर पीपल स्टार्टेड सेइंग यार वो लिमिट जो है ना 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई। वो 1.5 से 2 केवल इन्हीं केसेस में हुई। मैं इसको यहां तक जाकर के बोल सकता हूं सर कि एम्प्लॉय ने मान लीजिए कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है 1,75,000, ठीक है, और उसका सैलरी का मात्र ये बनता है सर 8%। कोई LIC नहीं है, कोई PF वगैरह कुछ भी नहीं है, एम्प्लॉयर ने भी सर 1,75,000 दे दिया। मान लीजिए इस एम्प्लॉय की सर 10 लाख रुपए की सैलरी है। अब मैं आपसे बोलता हूं सर टोटल इनकम निकालिए, तो आप इसकी टोटल इनकम कितनी निकाल करके लाएंगे? इफ दीज आर द टू डिडक्शन, 10 लाख रुपीज सैलरी इनकम, 175 इज द एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द NPS, 175 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉय, दिस 1,75,000 इज नॉट एडेड हेयर 10 लाख, ये 10 लाख रुपए के अलावा इसको 1,75,000 रुपए का नेशनल पेंशन स्कीम का एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है। मैं आपसे कह रहा हूं सर, यू आर सपोज टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, कंप्यूट इट। टेन लाख रुपीज इज द सैलरी अपार्ट फ्रॉम 175 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, 175 विच इज लेट्स अज्यूम 8%। अब मैं 8% अगर बोल रहा हूं तो मेरे को सैलरी को तो थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। लेट्स अज्यूम मैं इसको 8% की कंडीशन को अगर हटा देता हूं, इसको सर एक बार अपन कर देते हैं 16 लाख, ठीक है। 16 लाख में 1,75,000 रुपीज ये दिया, 1 लाख जस्ट टू करेक्ट माई क्वेरी। 16 लाख रुपीज इज द सैलरी आउट ऑफ विच बेसिक एंड डीए, नाउ आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक सर, बेसिक एंड डीए कंबाइंड बिकम 10 लाख। 175 इज द एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस पर्टिकुलर नेशनल पेंशन स्कीम, 175 इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 16 लाख। आई एम आस्किंग यू दैट यू हैव टू डिटरमाइन द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, डिसाइड हाउ मच इज द टोटल इनकम, 14,50,000, 25 लाख, 14,25,000। एनी अदर आंसर? सी 16 लाख, व्हाट आई सेड दैट दिस 1,75,000 इज नॉट कवर्ड हियर, इट इज नॉट इंक्लूडेड हियर। सो प्राइमा फेसाइ द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय वुड बिकम 17,75,000। यू ऑल आर करेक्ट, ओके, because I said that this is different to the PF. Here it is first getting added, then getting reduced. Out of this, basic plus DA is 10 lakh rupees. Now we have to just suppose, we are supposed to reduce ATCCD1, ATCCD1B and ATCCD subsection 2. It is very simple to determine subsection 1, which is limited to the extent of 10% of the salary, and say a salary includes basic plus DA, it becomes 1 lakh. This is also limited to 10% of the salary. This would also become 1 lakh. Am I right or wrong? Kitna hai? Yehi to likha tha 10. Bhai 16 to iski salary hai. Isme basic plus diye sir 10 hai. To iska matlab baki ka portion perquisite ka allowances ka hoga. Theek hai? Aur ye jo portion hai ye alag hai NPS. NPS to iski income mein jayega hi. Employer ka. फिर जो एम्प्लॉयर से आया 10% ऑफ सैलरी तक इसको घट जाएगा, यानी एम्प्लॉयर ने ज्यादा दे रखा है 10% से ज्यादा, दिस 1 लाख, दिस 1 लाख। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट द रिमेनिंग 75,000 फ्रॉम दिस, नॉट फ्रॉम दिस, दिस इज नॉट इनटू 1B, बट कैन दिस बी इनटू सबसेक्शन 1B और नॉट, ठीक है। तो पॉइंट इज व्हाट सर, इस 1,75,000 में से 1 लाख तो गया,
लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम में सर 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन 1B में और मिल गया, तो सर ये 50,000 रुपए हम और एग्जॉस्ट करेंगे। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये 1.65 ही होता, ठीक है, तो अगर ये सर 1.65 होता तो देन इन दैट केस 1,00,000 क्लेम किया, 50,000 फिर ले लेते। मान लीजिए ये केवल 1.45 होता तो ऐसी परिस्थिति में सर 1,00,000 तो यहाँ 50 ले सकते थे, लेकिन 50 की जगह मिलेगा कितना सर हमारे को, केवल 45। क्लियर हो गया सर ये मामला। सो 17.75 माइनस 2.5 कितना आया, 15.25, 15,25,000 सर इस बंदे की टोटल इनकम। आई रिपीट व्हाट डिड आई से सर, सबसेक्शन 1B इज इन एडिशन टू सबसेक्शन 1। मुझे सबसेक्शन 2 पर तो एडिशनल बोलना ही नहीं है, क्योंकि सबसेक्शन 2 तो पहले जैसा ही है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ सैलरी। लेकिन सर क्या था, वो जो कैपिंग हमारी 80C, 80CCC, 80CCD1 ये मिला करके जो बैठ रही थी 1.5 लाख की, वो कहीं ना कहीं एनपीएस को रोक रही थी आगे बढ़ने से। एनपीएस को प्रमोट करने के लिए सरकार ने सबसेक्शन 1B में एक्स्ट्रा 50,000 और दे दिए कि आप तो दो सर, एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करो, सो दैट पर्टिकुलर थिंग वुड गेट प्रमोटेड एंड दिस विल गिव अ बूस्ट अप टू द एनपीएस। नेशनल पेंशन स्कीम को सरकार ने प्रमोट किया है बाय वर्च्यू ऑफ गिविंग द एडिशनल डिडक्शन टू द ट्यून ऑफ 50,000। इसमें कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। आगे चलता हूं सर, इसके बाद 80D में जो आप लिमिट्स क्लेम करते हैं सर, वो इंश्योरेंस प्रीमियम की सर, वो लिमिट्स 15,000 से बढ़ाकर के 25,000 रुपए और सीनियर सिटीजन के केस में सर 15,000 से बढ़ाकर के 30,000 रुपए कर दी गई, ठीक है। तो 25,000 और 30,000 की नई लिमिट है नॉन सीनियर सिटीजन में, और इसी में सर 5,000 का जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप आता है वो इसी में कवर्ड है। फर्दर सर 80DD, ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की बात करता है, उसमें जो नॉर्मल डिसेबिलिटी में 50,000 का डिडक्शन था उसे बढ़ा के 75 कर दिया, और जो सीवियर डिसेबिलिटी थी उसमें 1,00,000 को बढ़ा करके इन्होंने 1,25,000 कर दिया। 80DD भी जो है सर, वो स्पेसिफिक डिजीज या एलिमेंट्स पर ट्रीटमेंट की बात करता है, तो ये 80DD में सर जो स्पेसिफिक डिडक्शन है वो 40,000 से बढ़ा करके 60,000 कर दिया, एंड सुपर सीनियर सिटीजन के केस में सर बढ़ा करके 80,000 रुपए कर दिया। 80G में सर इन्होंने स्वच्छ भारत कोष को, क्लीन गंगा फंड को और नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज को, तीनों को 100% कैटेगरी में डिडक्शन के लिए शामिल किया। 80JJA पर सर स्पेसिफिक क्वेरी आ चुका, मैं इसके ऊपर सर अब जरूरी नहीं समझता डिस्कशन फॉर टाइम बीइंग, आई एम गोइंग फर्दर। 80U में सर जो लिमिट्स थी हमारी उनको भी बढ़ा दिया, कि नॉर्मल डिसेबिलिटी के केस में 50,000 से 75,000 और सीवियर डिसेबिलिटी में सर 1,00,000 से बढ़ा करके 1,25,000 रुपए। फर्दर इन सेक्शन 92B द अमेंडमेंट इज मेड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग। इन डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग द अर्लियर कुमुलेटिव लिमिट ऑफ ऑल डोमेस्टिक स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन वॉज 5 करोड़, नाउ इट हैज बीन एनहांस्ड टू 20 करोड़। यदि 20 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन है तो ऐसी परिस्थिति में आपका ट्रांसफर प्राइसिंग लगेगा, नहीं तो ट्रांसफर प्राइसिंग वुड नॉट बी एप्लीकेबल। 20 करोड़ रुपए से ज्यादा है सर, या इवन इक्वलेंट टू 20 करोड़ है, जरा सेक्शन 92BA पर आइएगा सर, 92BA सुनिएगा। वेयर द एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन टू बाई द असेसी इन द प्रीवियस ईयर एक्सीड अ सम ऑफ 20 करोड़, यानी 20 करोड़ तक भी सर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं है, उसके बियॉन्ड सर डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लागू हो जाएगी। क्लियर हो गया सर। यस्टरडे ओनली आई रिसीव्ड अ क्वेरी एंड आई थॉट क्यों कि आई विल आस्क फ्रॉम यू कि हाउ डू यू डील विद सच काइंड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग पोजीशन, दैट देयर इज अ फर्म, मान लीजिए दैट पर्टिकुलर फर्म There is a firm named Lotus Gems. Okay, this is an Indian partnership firm. This Indian partnership firm comprised of 3 partners, A, B, and C. This has no correlation to the amendment. I'm just giving you a query for your transfer pricing understanding. Then, one of this partner A. Sorry. So this is Lotus Gems. He has opened a undertaking, Rose Gems, in Hong Kong. This undertaking, which is Lotus Gems India, is selling the products, gems and jewelry product, to this company. Last year they have sold 2.5 crore rupees jewelry to this concern. This partner and B and C all are resident. Isne jo firm banayi sir wahan par,
A ने, who is a partner in India in Lotus Gems and he is a proprietor of Rose Gems Hong Kong. इस पर्टिकुलर प्रोप्राइटरशिप फर्म को लोटस जेम्स ने ट्रांसफर किया एंड रोज जेम्स इज अ रजिस्टर्ड एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ हांगकांग ज्यूरिसडिक्शन. द क्वेश्चन केम व्हेन दिस ट्रांजैक्शन ऑफ 2.5 करोड़ रुपीस सेल हैपेंड फ्रॉम लोटस जेम्स इंडिया टू रोज जेम्स हांगकांग, वेदर ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल और नॉट. गेटिंग मी? द क्वेश्चन इज वेदर इन सच अ सिनेरियो इन योर ओपिनियन ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल और नॉट, क्योंकि इशू क्या आ गया आपके पास, वेदर ऑन दिस 2.5 करोड़ रुपीस एएलपी इज टू बी कंप्यूटेड और नॉट. एएलपी कंप्यूटेशन है सर तो टीपी रिपोर्ट लगेगी 92E में जाकर के. माय क्वेश्चन इज व्हाट इन दिस ट्रांजैक्शन इन योर कंसिडर्ड ओपिनियन वेदर द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल. यस दे शुड बी एप्लीकेबल, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? नो दे शुड नॉट बी एप्लीकेबल, कितने लोग? देखिए क्या है सर, ट्रांजेक्शन में प्राइमा फेसाई अपियर टू बी कवर्ड इन द ट्रांसफर प्राइसिंग सिनेरियो बिकॉज एन एंटिटी इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन इज एन ओवरसीज एंटिटी, बट दिस इज अ जनरल अंडरस्टैंडिंग टू द ट्रांसफर प्राइसिंग. द स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग टू द ट्रांसफर प्राइसिंग सेज द ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन शैल अप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मीन्स द ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस वेयर वन ऑफ द पार्टीज इज अ नॉन रेजिडेंट. Now, since in the given case, this party is situated outside India, can we say it to be a non-resident or not? Only whether this party, Rose Gems Hong Kong, is a non-resident party or not, this is the question. Yes, it is a non-resident party. No, it is not a non-resident party, sir. Even if it is a registered firm, sir, registered to the proprietorship firm bhi India mein ho jati hai. MSME mein hoti hai na, sir. Partnership firm bhi India mein registered ho jati hai. Ab residential status, sir, jo proprietorship firm ka aap determine karte ho, वो विद रिस्पेक्ट टू द ऑनर करते हो. इफ द ऑनर इज बेस्ड इन इंडिया, ही इज रेजिडेंट इन इंडिया, दिस फर्म इज रेजिडेंट इन इंडिया. नाउ यू सी, इफ दिस फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 लाख रुपीज इन INR टर्म आउट ऑफ इंडिया इन हांगकांग, वेदर दिस पर्टिकुलर सम वुड बी टैक्सेबल इन इंडिया और नॉट. ये 15 लाख यदि उन्होंने हांगकांग में कमाए, 2.5 करोड़ रुपए का माल खरीद करके उसको मान लीजिए 2.65 में बेच दिया, क्या ये 15 लाख पर सर इंडिया में टैक्स देना है या नहीं देना? देना है. क्यों दे दिया सर ये टैक्स? तो देना ही नहीं था, एंटिटी तो आउटसाइड इंडिया है क्योंकि बंदा रेजिडेंट है और रेजिडेंट की कैसी इनकम टैक्सेबल है? ग्लोबल है. प्रूव हो गया ना सर ये तो रेजिडेंट है, और जब रेजिडेंट रेजिडेंट ने ट्रांजेक्शन कर लिया तो ट्रांसफर प्राइसिंग लगी कहां? ये ओपिनियन इस प्रकार से सर बना करके दी मैंने, ठीक है. दिस इज नॉट कि मैंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन आपको बता रहा हूं कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे हमारे को देखना है. हु इज द पर्सन एट द हेल्म ऑफ अफेयर वेन टू बी सीन. अगर मैं ये बोलता कि ये इस कंपनी का डायरेक्टर है और दोनों ही डायरेक्टर रेजिडेंट डायरेक्टर है पर कंपनी हांगकांग में फ्रेम्ड है, अब क्या ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाती क्या सर? अब लग जाती क्योंकि कंपनी है विच इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. लेकिन मैं यदि प्रोपरेटरशिप फर्म बोल रहा हूं सर, उसका प्रोपरेटर से सेपरेट एंटिटी ही नहीं बनता है, तो सर ये क्या हो गई? रेजिडेंट हो गई. सो माई ओपिनियन इन द गिवन केस वॉज ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल. आया बात समझ में सर? इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये मानता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अभी भी सर फुल फ्लेजेड क्वेरी नहीं आ रही, ठीक है. आप जल्दी पास हो जाए अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंटरनेशनल टैक्सेशन पर 30 मार्क्स का वेटेज आ रहा है, ठीक है, और उस दिन ट्रांसफर प्राइसिंग की महत्ता और बढ़ने वाली है, ठीक है. ट्रांसफर प्राइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कमिंग अटेम्प्ट. मैं हर बार बोलता हूं सर इंपॉर्टेंट, मेरी आदत है क्योंकि मुझे वो इंपॉर्टेंट लगता है. मुझे पेपर बनाने का मौका नहीं मिलता, कभी बनाऊंगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग में से, क्योंकि सर ये पढ़े बिना अगर आप सीए बन गए, ठीक है, तो कल क्या आप ट्रांसफर प्राइसिंग करोगे? क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है एंड दिस इज अ डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन, इसमें दिक्कत आएगी, ठीक है, क्योंकि एएलपी का कंप्यूटेशन अपने आप में सबसे बड़ी बात है जो विवाद में रहेगी. चलिए सर आगे चलते हैं. इसके बाद में सर सेक्शन 111A में बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड डिस्कशन है, मैं उस पर अभी चर्चा करूंगा. फिर सर 115A में रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज जो नॉन रेजिडेंट इंडिया में कमाता है. इसमें एक बात ध्यान रखिएगा सर, अगर पी के थ्रू इनकम अर्न करिए, इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू किया है, तो 115A लगता ही नहीं, फिर तो 44DA लगेगा. लेकिन अगर पी के थ्रू नहीं किया, इंडिया से बाहर से रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड करिए, तो सेक्शन 9 वो ये कहता है सर, सच इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया एंड हेंस द टैक्स लायबिलिटी एट द रेट 10% वुड अप्लाई, ठीक है. ये पहले रेट 25 थी, अब इसको घटा करके सर कितना कर दिया इन्होंने, 10% कर दिया. सो टू दे हैव मेड इट रेशनल नाउ, लॉजिकल कर दिया सर. आगे चलता हूं सर, 115J भी आइएगा.
आई मे सिंपली से सर के मैट पर इस बार क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, आई कैन नॉट टेक अ रिस्क विद टॉपिक लाइक मैट, ठीक है, इस तरीके की रिस्क मैं मैट पर नहीं ले सकता सर, मैट हमेशा ही इंपॉर्टेंट है मेरी ओपिनियन, अगेन बिकॉज ऑफ द लॉजिक के आईपीसीसी लेवल पर मैट है ही नहीं। अब सर मैट में जो कुछ इंसर्शंस आए सर, उन इंसर्शंस को डिस्कस करते हैं कि इन्होंने क्या चीजों पर क्लैरिटी दी है, कि मैट इज ऑल्सो टू सम एक्सटेंट हैविंग लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स इन इट, दैट इन कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट्स व्हाट इज टू बी इंक्लूडेड व्हाट इज टू बी एक्सक्लूडेड इन द लिस्ट गिवन अंडर सेक्शन 115 जेबी एक्सप्लेनेशन टू देयर ऑफ इज एक्सप्लेनेशन वन एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्लेनेशन वन देयर ऑफ इज एक्सक्लूसिव दैट आई कीप ऑन कोटिंग के सर ये लिस्ट एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बिफोर आई सेट अप दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ मैट, मेरे को सर आपको पहले बिजनेस ट्रस्ट पर ले चलना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन सर यहां से कलर लेगा, उसके हिसाब से सर मैट के डिस्कशन पर आऊंगा मैं। सर बिजनेस ट्रस्ट पर एक सरल उदाहरण से आपके सामने बात रखता हूं कि बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन कैसे है, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया है। दिस इज एन इन्वेस्टमेंट टूल विच हैज बीन क्रिएटेड डेडिकेटेडली फॉर अचीविंग सर्टेन स्पेसिफिक पर्पस फॉर कंबाइनिंग एंड फॉर फाइंडिंग आउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट के साथ कोई वेंचर है जिसको आपका हेल्प का जरूरत रहा है, जैसे पहले वेंचर कैपिटल फंड होते थे सर, उसी प्रकार से बिजनेस ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर के आए। एक सेपरेट सेक्शन सर इन्होंने बना दिया 115 यू है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली इन्होंने बनाया 1023 FC, फिर बनाया सी साहब 1023 FCA, फिर बोला सर 1023 FD, 194 LBA, ठीक है, फिर सर और कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट आ गया 111A, सेक्शन 10 क्लॉज 38 एंड पर एफ सेक्शन 139(4)E, ठीक है, ये कुछ जगह इन्होंने ऐसा कुछ लिंकिंग करने का कोशिश किया है। और सर इसके अंदर कुछ ऐसा भी है शायद 47 क्लॉज 17, ये जितने प्रोविजन मेरे को ध्यान में आते हैं सर मैंने यहां पर लिख दिया। अब इनको बांधने का कोशिश करते हैं कि सर ये प्रोविजन क्या है। देखिए सर दो तरीके के बिजनेस ट्रस्ट का रिकॉग्निशन माना गया है, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये डेफिनेशन सर 2 क्लॉज 13A के अंदर सरकार ने इंसर्ट भी करी है, आई रीड द डेफिनेशन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ माय अमेंडमेंट बुकलेट। द टर्म बिजनेस ट्रस्ट एज डिफाइंड इन 213A इज रीडिफाइंड टू प्रोवाइड दैट बिजनेस ट्रस्ट एसेट मींस एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर सेबी रेगुलेशन 2014 मेड अंडर सेबी एक्ट, अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट अंडर द सेबी रेगुलेशन 2014 मेड अंडर सेबी एक्ट एंड द यूनिट्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन अकॉर्डेंस विद अफोरसेड रेगुलेशन। बहुत बढ़िया सर, इन्होंने यूनिट्स को लिस्टेड करा दिया, यूनिट्स की लिस्टिंग से हमारे को बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां एसटीटी लगती है और एसटीटी लगती है तो 1038 या 111A हमारे लिए ऑपरेट होना शुरू होते हैं। अब बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट में अगर मैं बोलूं सर तो इसको ऐसा बोलूंगा कि इफ लेट्स अज्यूम देयर इज अ बिजनेस ट्रस्ट एंड देयर इज अ कंपनी इन विच दिस बिजनेस ट्रस्ट इज इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग बट यू आर ऑलरेडी स्टैंडिंग इन टू दिस पर्टिकुलर कंपनी, आइदर यू अप्रोच टू देम कि भाई हमारे को और इन्वेस्टमेंट चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास ये प्लान है, मे बी यू आर अ स्टार्टअप, नॉट नेसेसरी यू शुड बी अ स्टार्टअप, या ये बिजनेस ट्रस्ट आपके पास में आता है कि वाई डोंट यू ऑफलोड सर्टेन इक्विटी, ठीक है, और यू मे टेक अ लोन फ्रॉम अस इवन। नाउ व्हाट हैपेंस सर, दिस कंपनी कुड बी टर्म्ड एज एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल एंड दिस इज द स्पॉन्सर, टेक्निकली अब बात कर रहा हूं, ये स्पॉन्सर है सर, इसने स्पॉन्सर किया है ये एसपीवी और अब ये अपना स्टेक सर डायल्यूट करेगा। वाइल दिस पर्सन विल डायल्यूट हिज स्टेक इन एसपीवी द बिजनेस ट्रस्ट वुड गेट द शेयर जनरली एंड इन टर्न इट वुड गिव द यूनिट सर, यानी यहां पर तो क्या जाएगा सर शेयर और इसको इन टर्न क्या आ जाएगा सर यूनिट आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस दिस बिजनेस ट्रस्ट वाइल इट मे बी गिविंग द लोन मे बी इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज इन द लोन फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ शेयर और भी पूंजी सर ये इन्फ्यूज कर सकते हैं तो उसके लिए भी सर इनको पैसा चाहिए तो वो सर बाकी के इन्वेस्टर्स को और लेकर के आएंगे अपने साथ। ये इन्वेस्टर को बिजनेस ट्रस्ट क्या देगा सर यूनिट देगा और इन टर्न ये जो यहां पर यूनिट्स के थ्रू पैसा लगाएंगे इनको बिजनेस ट्रस्ट क्या देगा सर रिटर्न देगा और ऐसे ही सीए साहब ये जो स्पॉन्सर है इसको भी अब रिटर्न मिलेगा इन यूनिट्स के ऊपर।
बिजनेस ट्रस्ट को सर ये एसपीवी डिविडेंड देगी, इंटरेस्ट देगी, अगर रेंटल वाला मामला है तो सर रेंट देगी। तो वेरियस पोजीशंस क्रिएट हो गई सर इनकम पे टैक्सेशन की। ठीक है, कि पहले हमें समझ में आ रहा है जो बिजनेस ट्रस्ट चलता कैसे, टैक्सेशन तो बाद में डिस्कस करेंगे, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या है सर, कि क्या क्या चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब सर ये जो चीजें इन्वॉल्व है इसमें एक टैक्सेशन आपको इसका संभालना है, एक टैक्सेशन इसका संभालना है, एक इसका संभालना है। इसका तो टैक्सेशन कुछ अलग नहीं है सर, क्योंकि ये तो इनकम ही कमा रही है, इनकम कमा रही है तो या तो इंटरेस्ट देगी या डिविडेंड देगी, डिविडेंड देगी तो सर सीडीटी पेड करके देगी, और इंटरेस्ट देगी तो टीडीएस काट करके दे देगी। अब टीडीएस लगता है नहीं लगता वो चीज हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब सर जो यहां पर 1023 एफसी, एफसीए, एफडी, ये तीन की चर्चा मैं करता हूं पहले आपके साथ में, आइएगा मेरे साथ में। 1023 एफसी, उससे अपने आप क्लैरिटी आता चला जाएगा सर। ये भी सर एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, मैं मानता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उस पर क्वेरी आ सकता है सर बिजनेस ट्रस्ट पर, कि बिजनेस ट्रस्ट का टैक्सेशन आप कैसे, और सी इंस्टीट्यूट का जो सप्लीमेंट्री है सर उसके अंदर स्पेसिफिकली क्वेरीज है। आई वुड सजेस्ट आप वो क्वेरीज भी कर लेंगे ना ढंग से तो दैट विल वर्क फॉर यू। उसमें काफी एलिबरेटेड मैनर के अंदर सर उन्होंने डिस्कस किया टैक्सेशन को, अमेंडमेंट को। आई रीड 1023 एफसी, व्हाट डज इट से? एनी इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब मैंने आपके सामने तीन पोजीशन रखी सर, इनको डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या रेंट मिलेगा। रेंट कैसे मिलेगा सर? अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, मैं अभी दोनों को स्पेसिफिकली बाइफरकेट कर दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी हो सकता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी हो सकता है। हो सकता है ये कंपनी रियल एस्टेट में हो और इन्होंने इसमें पूंजी लगाई हो, हो सकता है ये कंपनी नहीं है, ये कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है जिसको इन्होंने खड़ा किया या खरीदा और उसके अंदर ये रेंटल इनकम कमा रहे। 1023 एफसी इज स्पेसिफिकली एग्जम्प्टिंग द इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ओनली, नॉट एनी अदर इनकम। ध्यान से सुनिएगा सर, एनी इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट बाय वे ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब नीचे देखिए सर, शायद स्पेशल पर्पस व्हीकल को डिफाइन किया है। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज द एक्सप्रेशन स्पेशल पर्पस व्हीकल मींस एन इंडियन कंपनी इन विच द बिजनेस ट्रस्ट होल्ड कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड एनी स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग और इंटरेस्ट एज मे बी रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेशन अंडर विच सर ट्रस्ट इज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। तो आपका सर स्पेशल पर्पस व्हीकल वो है जिसके अंदर सर आप कंट्रोलिंग स्टेक रखते हैं, यानी जनरली मैं मानता हूं मोर देन 50%। नेक्स्ट एफसीए, एनी इनकम ऑफ अ बिजनेस ट्रस्ट बीइंग अ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बाय वे ऑफ रेंटिंग और लीजिंग और लेटिंग आउट एनी रियल एस्टेट एसेट ओन डायरेक्टली बाय सच बिजनेस ट्रस्ट। ठीक है, अब कौन सी इनकम ले ली सर? रेंटल इनकम एग्जम कर दी। किसके हाथ में एग्जम करी सर? यूनिट होल्डर के हाथ में या बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में? तो आप दोनों के आगे बीटी लिखिए सर। 1023 एफसी बिजनेस ट्रस्ट को एग्जम्पशन दे रहा है, एफसीए भी सीएस ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को एग्जम्पशन दे रहा है। आगे सुनिएगा सर, एफडी, एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर टू इन 115 यूए रिसीव बाय यूनिट होल्डर फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट नॉट बीइंग पोर्शन ऑफ इनकम विच इज ऑफ द सेम नेचर एज द इनकम रेफर टू इन 23 एफसी और क्लॉज 23 एफसीए। अब इसको और थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ में सर रखने का कोशिश करता हूं, देखिएगा। इफ लेट्स अज्यूम, मैं एक बार सर इन सेक्शंस को मिटा रहा हूं, इनमें से जो काम में पड़ेगा सर उसको इधर लिख लेते हैं। 1023 एफसी, 1023 एफसीए एंड 1023 एफडी। और सर मैंने साथ के साथ बोला अपन इसको भी देखेंगे, 1038, 115 यूए सर सेक्शन 111 ए और सर 47 क्लॉज 17। ठीक है, अब मैं बात करना चाहता हूं सर एक बिजनेस ट्रस्ट, मैं उसको पहले सरल रूप में लिखता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को सीए साहब इंटरेस्ट की इनकम आई, डिविडेंड की इनकम आई, कैपिटल गेन की इनकम आई। इंटरेस्ट की इनकम सर एसपीवी से आई, नॉन एसपीवी से आई, ध्यान से समझना। डिविडेंड की इनकम आई और कैपिटल गेन की इनकम सी सब लॉन्ग टर्म आई या शॉर्ट टर्म आई। ठीक है, अब मैपिंग करते हैं सर 1023 एफसी और एफसीए, ये बिजनेस ट्रस्ट इनमें से कौन सी इनकम के लिए टैक्सेबल होगा? इंटरेस्ट इनकम बिजनेस ट्रस्ट को यदि एसपीवी से आता है इसके हाथ में सर वो टैक्सेबल नहीं,
लेकिन नॉन एसपीवी से आएगा तो सर एग्जम्पशन नहीं है। अगर डिविडेंड इनकम आती है तो एज्यूमिंग दैट सर डिविडेंड इनकम इज 1034 तो आई वुड से इट इज एग्जम्प्ट, क्योंकि ऑलरेडी सीडीटी लगकर के आया होगा। अगर कैपिटल गेन की इनकम आ रही है सर, तो ना तो सर 1023 एफसी चल रहा है ना एफसीए चल रहा है, तो हेंस इट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस। आई होप इट इज वेरी क्लियर सर, आप ऐसे इसको बना लीजिएगा। फॉर्चुनेटली इन दिस बुकलेट विच इज देयर बिफोर यू आई हैव एलैबोरेटेड देम इन द पॉइंटेड फॉर्मेट ऑल्सो, और उस पर एग्जाम्पल भी देने का कोशिश किया। तो देखिए सर, आई एम सेइंग इंटरेस्ट डिविडेंड कैपिटल गेन, इंटरेस्ट सर एसपीवी बेस नॉन एसपीवी बेस डिविडेंड कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। हमने 1023 एफसी से इंटरप्रिटेशन निकाला, इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होता प्रोवाइडेड एसपीवी से आए, तो ये तो एग्जम्प्ट हो गया सर, लेकिन नॉन एसपीवी तो हो जाएगा टैक्सेबल। इसी प्रकार से सर डिविडेंड है वो एग्जम्प्ट ही होगा, क्योंकि पीछे कंपनी ने सीडीटी प्रोवाइड फॉर करके दिया है इसको। इधर सर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है, क्योंकि एग्जम्प्शन नहीं थी ना तो एफसी में ना एफसीए में, तो ये सर टैक्सेबल हो जाएगा। अब सर बिजनेस ट्रस्ट के टैक्सेशन का अपोजिट टैक्सेशन आ जाएगा यूनिट होल्डर के हाथ, और जैसे ही सर मैं यूनिट होल्डर बोलता हूं तो मैं एसपीवी यूनिट होल्डर भी लेता हूं, इन्वेस्टर यूनिट होल्डर भी लेता हूं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? ठीक है, क्योंकि इसको भी सर शेयर के बदले क्या आ गया, यूनिट आ गया, और इसको भी क्या आ गया सर, इसको तो यूनिट ही मिला है ओरिजिनली। अब सुनिए, यदि सर एसपीवी का इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं है तो ये यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। मैंने क्या बोला सर, अपोजिट है। ये सर नॉन एसपीवी का इंटरेस्ट बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्स दे दिया तो अब यूनिट होल्डर नहीं देगा। डिविडेंड सर इसके हाथ में एग्जम्प्ट है, और डिविडेंड आगे ही बढ़ेगा डिविडेंड के रूप में, इस पर सर मैं एग्जम्प्शन मेरे को लेनी पड़ेगी, टैक्सेशन नहीं। एंड दिस ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू व्हाट वी रीड इन 115 AC। जीडीआर में जब डिविडेंड जाता है तो इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है, उस डिविडेंड पर बेस्ड होकर के सर फॉरेन डिपॉजिटरी रिसीट जिसने इशू की होती है इंडियन कंपनी के लिए, वो भी डिविडेंड आगे बांटता है, वो डिविडेंड 1034 में एग्जम जाता है। ये वैसा ही ट्रीटमेंट। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर सीएसएफ बिजनेस ट्रस्ट टैक्स दे चुका है तो ये इन्वेस्टर अब टैक्स नहीं देगा। जरा 1023 एफडी पढ़िएगा सर, एफडी सुनिएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर टू इन 115 UA रिसीव बाय अ यूनिट होल्डर फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट नॉट बीइंग दैट पोर्शन ऑफ इनकम व्हिच इज ऑफ द सेम नेचर एज द इनकम रेफर टू इन क्लॉज 23 एफसी और एफसीए। एफसी एफसीए को ये नहीं छोड़ रहा, यानी उसको तो क्या कर रहा है सर, टैक्स कर रहा है, और बाकी को छोड़ रहा है। तो बाकी किसको छोड़ा सर, जो एफसी और एफसीए नेचर का नहीं है, कैपिटल गेन इनके हाथ में एग्जम, इंटरेस्ट नॉन एसपी वाला इसके हाथ में एग्जम, लेकिन जो एफसी अथवा एफसीए में चला गया वो इसके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। और डिविडेंड सीएस अब यहां नहीं ट्रीट किया, डिविडेंड तो ऑलरेडी एग्जम टी है, मैं ये कह रहा हूं। आया बात समझ में? अगर आप ऐसे चलते हो सर तो ये बात अपने पास में सामने क्रिस्टल क्लियर होकर के आ गई कि कैसे इसका टैक्सेशन देखना। Have you got my point? Any confusion in this level? ठीक है, अब मैं सर इसी को चेंज कर देता हूं टू फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस ट्रस्ट, मैं इसको और तरीके से रखता हूं। जरा देखिए, इफ आई से 20 लाख 20 लाख 20 लाख, ठीक, आउट ऑफ दिस दिस इज 15 लाख, दिस इज 5 लाख, ठीक है, दिस इज होल बीइंग 20 लाख रुपीज, दिस इज 10 लाख, दिस इज 10 लाख। आउट ऑफ द बिजनेस ट्रस्ट लेट्स अज्यूम देयर आर ओनली 10 यूनिट होल्डर्स, 10 यूनिट होल्डर, यू आर वन ऑफ द यूनिट होल्डर्स एंड यूर टैक्स लाइबिलिटी सपोज टू बी कंप्यूटेड। नाउ हाउ डू यू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी सर? ये जो 15 लाख रुपए आया है सर, जब एसपीवी का इंटरेस्ट आपको बटेगा तो आपके हाथ में टैक्सेशन नहीं आएगा, ठीक है? तो टैक्सेशन, सॉरी, किसके हाथ में टैक्सेशन नहीं आया सर? बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में नहीं आया, तो आपके हाथ में सर अब ये टैक्सेशन आएगा। टैक्सेशन आएगा तो एक सेक्शन सर यहां कवर करता हूं, 194 LBA। 194 LBA कहता है यदि बिजनेस ट्रस्ट एसपीवी से आया इंटरेस्ट आगे बांटती है तो 194 LBA में टीडीएस काटेगी। कितना काटेगी जरा आइएगा 194 LBA पर, 194 LBA सुनिएगा सर, वेयर द डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर टू इन 115 UA बीइंग ऑफ द नेचर रेफर टू इन क्लॉज 23 FC और FCA ऑफ सेक्शन 10 इज पेएबल बाय अ बिजनेस ट्रस्ट टू इट्स यूनिट होल्डर बीइंग अ रेजिडेंट, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट शेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच पेमेंट टू द अकाउंट ऑफ पेई और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश और बाय इशू ऑफ चेक ड्राफ्ट और बाय एनी अदर मोड व्हिच एवर इज अर्लियर डिडक्ट इनकम टैक्स देयर ऑन एट द रेट 10%। और सर नेक्स्ट क्लॉज के अंदर नॉन रेजिडेंट के लिए कितनी रेट दे दी, 5%। आया बात समझ में सर? तो अब हमारे को यह देखना है सर
कि यदि ये पर्टिकुलर पेमेंट एसपीवी का इंटरेस्ट जा रहा है जो बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में एग्जम था, इसलिए सर यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है। यदि ये रेजिडेंट है तो 10% टीडीएस काटो, नॉन रेजिडेंट है तो 5%। आया बात समझ में सर? रेजिडेंट पर 10% टीडीएस काटने का मतलब सर फाइनल टैक्सेशन नहीं है, परंतु नॉन रेजिडेंट पर 5% टीडीएस फाइनल है बिकॉज ऑफ सेक्शन 115A। ठीक है। अब सर यदि इस 20 में से 15/10 1.5 लाख रुपए इसके हाथ में आ गया, वो 1.5 लाख यदि रेजिडेंट यूनिट होल्डर है तो 1.5 लाख पर 10% टीडीएस कटेगा, उसके हाथ में 1.5 लाख की इनकम जाएगी। परंतु एसपीवी का जो नॉन एसपीवी रिलेटेड इंटरेस्ट आया उस पर तो बिजनेस ट्रस्ट ने टैक्सेबल दिया, मुझे फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। डिविडेंड का सर 20 लाख का 1/10 हिस्सा 2 लाख इसके हाथ में आया, कोई टैक्सेशन आना ही नहीं सर। ये 10 लाख रुपए सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों ही टैक्स हो चुके बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में, तो इसके हाथ में टैक्सेशन ही नहीं है। यानी इसके हाथ में टैक्सेशन सर केवल कितने लाख के रुपए आएगा? 1.5 लाख। आप दोनों एंड पर डिसाइड कर सकते हो। यू मे डील विद द टैक्सेशन ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, ठीक है, एज वेल एज द इन्वेस्टर इन द यूनिट्स, दोनों को इसको डील करके आपको देना आता है। मैं सर अब इसको कन्वर्ट करता हूं टू द रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT। अब सुनिए सर, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी सर क्या कमाएगा? अगर मैं बिजनेस ट्रस्ट को इन्वेस्ट आईटी की जगह REIT लिख देता हूं सर, तो देन इन दैट केस REIT के केस में भी सर हमारे को इंटरेस्ट इनकम भी आ सकती है सर। REIT के केस में हमारे को रेंटल इनकम आएगी सर। REIT के केस में हमारे को इंटरेस्ट इनकम भी आ सकती है, और REIT के केस में हमें कैपिटल गेन इनकम भी आ सकती है। इंटरेस्ट इनकम कुड बी अगेन फ्रॉम एसपीवी नॉन एसपीवी, ठीक है। रेंटल इनकम पर तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है सर, ठीक है। इंटरेस्ट, इसको इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड लिखना है, और कैपिटल गेन को सर मैं बाइफरकेट कर देता हूं, कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म एंड कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म। ओके, नाउ व्हेन REIT वुड बी रिसीविंग द इंटरेस्ट फ्रॉम एसपीवी, इट विल एंजॉय द एग्जम्पशन। मैं यहां बिजनेस ट्रस्ट के लिए लिख रहा हूं सर, इट इज एग्जम्प्ट। अगर नॉन एसपीवी से आएगा सर तो उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर यदि रेंट आएगा तो ये रेंट इसके हाथ में एग्जम्प्ट है। कौन से क्लॉज से एग्जम्प्ट है सर? 1023 FCA। क्लियर हो गया सर ये मामला? 1023 FCA से इसके हाथ में एग्जम्प्शन है। डिविडेंड इनकम तो सर 1034 में आ ही रही है, ठीक है। कैपिटल गेन यदि लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो कैपिटल गेन ये सब लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म अपने आप में किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? अगर होगा तो एग्जम्प्शन दिया नहीं, या तो सर 1038 लग जाएगा या सर 111A लग जाएगा, वो जो भी होगा सर ट्रस्ट के हाथ में होगा। अब सर इधर से यूनिट होल्डर के हाथ में घुमा देते हैं, यदि इसके हाथ में एग्जम्पशन तो इसके हाथ में टैक्सेबल, इसके हाथ में टैक्सेबल तो इसके हाथ में एग्जम्प्ट, इसके हाथ में रेंट एग्जम्प्ट, तो सर वो रेंटल इनकम अब किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी? इन्वेस्टर के। तो मान लीजिए 10 बिल्डर ने मिलकर के एक बिजनेस ट्रस्ट में पैसे लगाए, और इस बिजनेस ट्रस्ट ने कोई बिल्डिंग खड़ी करी, और वो बिल्डिंग खड़ी हुई और बिल्डर्स ने उससे केवल रेंट कमाया, तो वो रेंट सर अब बिजनेस ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होकर के किसके हाथ में टैक्सेबल होने चला जाएगा? इट विल टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दोस बिल्डर्स इंडिविजुअली, ठीक है। तो ये क्या है सर? पूलिंग ऑफ फंड हो रहा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड प्रोजेक्ट्स हो रहा और पूलिंग ऑफ फंड हो रहा उसके लिए। ऐसे ही सर ये इनकम तो मेरे हिसाब से एग्जम्प्ट है, और ये इनकम पर ऑलरेडी बिजनेस ट्रस्ट का टैक्स लग गया। जैसे 1034 का एग्जम्प्शन, ऐसे 1038 में एग्जम्प्शन, तो शेयर होल्डर भी यानी यूनिट होल्डर भी एग्जम्प्ट, और सर 111 एक बार टैक्स दे चुका तो एग्जम्प्ट। अगर ये चीज आपने बना ली सर और देख ली एग्जाम में जाने से पहले, फिर मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है अपने को, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिजनेस ट्रस्ट के टैक्सेशन का तो मामला डन। आया बात समझ में सर? अब मैं इसको मैट के साथ मैप करता हूं सर, कि मैट में मैं क्या कहना चाहता हूं इसके संदर्भ में। ये बात तो क्लियर हो गई सर कि इस स्पॉन्सर ने शुरू में क्या दे दिए थे? शेयर, और शेयर के बदले क्या आ गया था सर? यूनिट। तो जब एक स्पॉन्सर शेयर देता है और शेयर के बदले यूनिट देता है, इस ट्रांजेक्शन को सर फॉर टाइमिंग टैक्सेबल नहीं माना गया, ठीक है। अब होगा क्या सर? टैक्सेबल तो नहीं है, परंतु ये यदि स्पॉन्सर भी एक कंपनी है और ये अपनी बुक्स में ये रिकॉर्ड करती है कि इन्हें 25 रुपए की यूनिट मिल गई 10 रुपए के शेयर के बदले, तो सर इनको एक बार टाइमिंग 15 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये 15 रुपए का प्रॉफिट नोशनल है, क्योंकि अभी वो यूनिट बेच नहीं सकता, उसका कोई लॉक इन होगा, परंतु उसने बुक्स में मान लीजिए रिकॉग्नाइज कर लिया, तो P&L के क्रेडिट साइड में ये अमाउंट पड़ा, ठीक है। बुक प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में डेबिट साइड के आइटम को हम जोड़ते और क्रेडिट साइड के आइटम को हम घटाते। सरकार ने एग्जम्पशन दे दी कि साहब ये 15 लाख रुपए जो है ना आपका, ये 15 रुपए जो भी है
ये 15 रुपए अगर मैट की कंप्यूटेशन में बुक प्रॉफिट में है तो घटा दो। अगर ये ऐसा होता सर कि 10 रुपए का शेयर हमें 8 रुपए की यूनिट देकर के जाता, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिम चला गया, तो ऐसी परिस्थिति में सर नोशनल लॉस होता, ये नोशनल लॉस भी सी सब क्या हो जाता, ऐड हो जाता। यानी जो ट्रीटमेंट यहां करोगे वैसा ही ट्रीटमेंट यहां कर देना, यहां अगर घटाओगे तो यहां जोड़ोगे, ठीक है। इसी प्रकार से सर फर्दर मान लीजिए ये यूनिट अगले साल 27 रुपए की हो जाती है, तो मैं हो सकता है सर 2 रुपए का गेन और रिकॉग्नाइज कर लू। ये 2 रुपए का गेन भी अभी भी नोशनल गेन है, इसके ऊपर भी सर टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, फिर घटा दो। मान लो ये यूनिट की भी वैल्यू घट करके 6 रुपए ले आते हम, तो ऐसी परिस्थिति में सर ये 2 रुपए का नोशनल लॉस भी अभी ट्रीट नहीं होगा, तो इसका भी सर मैट के पर्पजेस से अगर आपने ऑलरेडी डेबिटेड है तो इसको एडबैक कर दो। तीसरा पोजिशन सर, फाइनली ये यूनिट बिकेगी, और जिस दिन बिकेगी सर तो उस दिन आप क्या करोगे सर, 28 रुपए में मान लो आपने बेची और 25 रुपए, सॉरी आप तो 27 तक ले आए थे, तो आप 1 रुपए का प्रॉफिट बुक करोगे, जबकि आपको प्रॉफिट सर 1 रुपए का नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट कितने का हो गया सर, 18 रुपए का। तो ये कहता जी इसे 1 को तो माइनस कर दो और 18 जोड़ दो, यानी अल्टीमेटली सरकार किसी दिन तो आपसे मैट लेगी। और इसी प्रकार से सर यहां पर ये जो यूनिट है आपकी फाइनली सर मान लीजिए 4 रुपए में ही बिक जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में सर क्या होगा, आप तो आज तो डेबिट करोगे 8 माइनस 4, तो ये कह रहा सर एक बार तो पूरा जोड़ लो और उसके बाद में 10 माइनस 6 4 6 माइनस कर लो। ये लॉजिकली बात क्लियर है अपने को, ये इसका टैक्सेशन हो गया। दूसरी बात सर जो इस अमेंडमेंट से आई वो क्या आई कि जब ये एसपीवी का स्पॉन्सर जो है ये यूनिट बेचता है तो इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कहां से काउंट करना है सर, पीरियड ऑफ होल्डिंग इसके शेयर्स के होल्डिंग के पीरियड से लेना चाहिए साथ में, या इसका पीरियड ऑफ होल्डिंग जिस दिन इसको यूनिट आई उस दिन से लेना चाहिए। इसी प्रकार से सर इन्वेस्टर की भी यूनिट देखनी है, इन्वेस्टर ने तो सर नेचुरली जिस दिन यूनिट खरीदी है उसी दिन से सर देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए लॉ में पहले क्लैरिटी नहीं थी, जो फाइनेंस एक्ट 2015 ने क्लैरिटी दे दी। क्या कि ये पर्टिकुलर बंदा भी अब जब अपनी यूनिट बेचेगा तो यूनिट बेचते समय इसके शेयर का होल्डिंग पीरियड काउंट करना है, ये अमेंडमेंट आ गया सर लॉ के अंदर फाइनेंस एक्ट 2015 से। आई होप सर इस व्यवस्था से आपके पास में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का पूरा कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है। एंड एज आई रिकमेंडेड टू यू सर के सी इंस्टीट्यूट की बुकलेट जो है सप्लीमेंट्री, ठीक है, उसके अंदर भी इस पर एग्जाम्पल भी है, करिए सर, बहुत सरल है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ओनली थिंग इज विच आई वुड सजेस्ट, हमारे को इसको पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। हम लोग क्या सर सेक्शन देखकर क्लॉजेस देखकर के उखड़ जाते हैं, अरे यार अब ये और पढ़ना पड़ेगा। जब आप ऐसे सोचोगे तो चीज तो सर पहले ही आपने माइंडसेट बैठा लिया कि मुझे इसको समझना ही नहीं, ठीक है। तो आई एम जस्ट सेइंग सर ओपन अप द सेक्शन, यू ऑल आर माय स्टूडेंट, यू नो हाउ टू रीड द एक्ट, ठीक है, एंड यू कैन गेट दिस पर्टिकुलर एज देयर, ठीक है। ये पर्टिकुलर मामला हुआ, अब मैं ट्रस्ट पर आता हूँ सर 115 JB पर, मुझे अब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है सर, जो एडिशनल बात है वो मैं सिखा देता हूँ आपको मैट के अंदर। रेंट पर सुनिएगा, इस पर जो रेंट है 194I में, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट की इनकम एग्जम्प्ट है इसलिए 194I में बिजनेस ट्रस्ट को दिए गए रेंट के ऊपर टीडीएस काटना नहीं, बिजनेस ट्रस्ट को दिए गए रेंट के ऊपर टीडीएस काटने की आवश्यकता खत्म कर दी गई, ठीक है। अब चलता हूं सर 115 JB, इसमें सर जो इंसर्शन हुआ एडिशन के क्लॉजेज में, पहला तो हुआ क्लॉज एफ ए, वो कह रहा है सर यदि एओपी से कोई खर्चे है और कॉरेस्पॉन्डिंगली रिडक्शन के क्लॉजेज में है, एओपी की कोई पर्टिकुलर इनकम है तो इनकम है तो घटा दीजिए और खर्चे है तो जोड़ दीजिए। सिंपली स्पीकिंग द मेंबर शेयर इन द एओपी बीवाई व्हेन द मेंबर इज अ कंपनी, सिंस एओपी इज ऑलरेडी टैक्स एट एमएमआर और एट अ हायर रेट, देयरफॉर दिस पर्टिकुलर केस वुड नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी, तो इसलिए सर उसे मैट में माइनस करना लॉजिकल था। दूसरा सर जो इन्होंने बोला क्लॉज एफ बी, ये इंपॉर्टेंट है सर, अमाउंट और अमाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर रिलेटेबल टू इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग टू एन एसएससी बीइंग अ फॉरेन कंपनी फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज चार्जेबल टू टैक्स एट द रेट और रेट स्पेसिफाइड इन चैप्टर 12 इफ द इनकम टैक्स पेबल देयर ऑन इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अदर देन प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर इज एट अ रेट लेस देन द रेट स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1। तो सर इसने ये क्लियर कर दिया कि फॉरेन कंपनीज के खर्चे जोड़ देंगे जो आपकी किसी कैपिटल गेन इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज की इनकम की है जो कि मैट की रेट से कम रेट पर टैक्सेबल होते हैं, जब उनके खर्चे जोड़ रहा है तो इसका मतलब इनकम क्या करेगा, घटा देगा। सो टू पुट अ कंक्लूजन टू इट वी कैन से कैपिटल गेन इनकम ऑफ अ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विच इज टैक्सेबल मे बी अंडर 1038 और मे बी अंडर सेक्शन 111A।
interest income as per 115A may be taxed at the rate 5%, 10% whatsoever. Some cases it is really 20% even. And the royalty and fees for technical services in non-PE cases where the tax rate applicable is 10% only. Or even in a DTA, the rate may be more favorable as compared to the 10% rate. In all such circumstances, such foreign company shall not be liable to pay the MAT liability, because MAT straight away means 18.5. तो सर ये चीज लॉजिकली रिक्वायर्ड थी जिसको उन्होंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। आगे सीए साहब इसके बाद में इन्होंने यही चर्चा जो मैंने आपको बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड बोली यूनिट्स के केस में एसपीवी में वो वाला डिस्कशन किया, मैं एक बार पढ़ता हूँ। अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नोशनल लॉस ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर ऑफ स्पेसिफाइड स्पेशल पर्पज व्हीकल टू अ बिजनेस ट्रस्ट इन एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स अलॉटेड बाय द ट्रस्ट रेफर टू इन क्लॉज 17 ऑफ सेक्शन 47 और अमाउंट रिप्रेजेंटिंग नोशनल लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम एनी चेंज in the carrying amount of such units or the amount of loss on transfer of unit referred to in clause 17 of section 47. मैंने already आपको elaborate कर दिया है, notional losses debited है तो जोड़ते जाइए, actual loss आपको allowed हो जाएगा। आगे चलता हूँ सर, अब MAT से बाद में, MAT तक का discussion सर ये हो गया। Now after 115 JB, 115 UA, 115 UA has a connection to businesses, ये done है। अब सर मैं चलता हूं 115 यूबी, वो भी एक नया चैप्टर आया सर फाइनेंस एक्ट 2015 से, वो सर लगता है इन्वेस्टमेंट फंड के टैक्सेशन पर। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का भी एक स्कोप ऑलरेडी था, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, सेबी गाइडलाइंस है सर उसके अंदर एआईएफ 1, 2, 3, 4 चार कैटेगरी के एआईएफ है, एफआईएम करें उसमें से दो कैटेगरी के एआईएफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ, उसके लिए सर ये पर्टिकुलर चैप्टर क्रिएट किया गया है। तो ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो इनकम कमाते हैं सर, एक बात समझना जो मैंने बिजनेस ट्रस्ट में भी आपके सामने बात रखी है, जब बिजनेस ट्रस्ट इनकम के लिए एग्जम्प्ट हुआ और यूनिट होल्डर ठीक है या इन्वेस्टर टैक्सेबल हुआ तो इसका नाम दिया जाता है सर पास थ्रू स्टेटस। क्या नाम दिया जाता है सर? पास थ्रू, वो इनकम पास ऑन हो गई, इसके हाथ में टैक्स ही नहीं हुई, ये तो एक तरीके से एजेंट की तरह काम किया। फाइनल टैक्सेशन किसका हो गया सर? यूनिट होल्डर का हो। ऐसे ही सर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो एआईएफ 1 और एआईएफ 2 कैटेगरी के होंगे उनके लिए 115 यूबी ये कहता है कि एआईएफ की जो भी इनकम होगी एक्सेप्ट पीजीबीपी वो इनकम पूरी पास थ्रू स्टेटस एंजॉय करेगी। एआईएफ की जो भी इनकम होगी पीजीबीपी के अलावा, देखिए बिजनेस ट्रस्ट तो इन्वेस्टमेंट में करता है इसलिए उसके लिए पीजीबीपी इनकम होगी नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो होता है सर वो वेरियस वेंचर्स में काम कर सकता है जिसमें एक वेंचर बिजनेस करना भी हो सकता है। तो जो 115 यूबी है रेडवी सेक्शन 1023 एफबीए एफबीबी ये दोनों की कंबाइंड इंटरप्रिटेशन ये आती है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की इनकम जो पीजीबीपी इनकम नहीं है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के हाथ में तो टैक्सेबल नहीं होगी। किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी सर? उनका जो इन्वेस्टर है उसके हाथ में टैक्सेबल होगी। अब इन्वेस्टर को तो सर उस पर टैक्स देना है लेकिन एआईएफ उस पर एग्जम्पशन करेगी, बट दिस एग्जम्पशन वुड नॉट प्रिवेल व्हेन देयर इज पीजीबीपी। तो मैं फिर कह सकता हूं सर, एंड यू आर रादर वेरी श्योर, पीजीबीपी इनकम ऑफ द एआईएफ सिंस बीइंग टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ एआईएफ वुड गो एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर। हो गया सर ये मामला तो डन। अब अगला इशू ये आएगा सर, एआईएफ यदि टैक्सेबल होगी तो क्या रेट पर टैक्सेबल होगी, और यदि सर एआईएफ पास थ्रू स्टेटस में दे रही है तो क्या वो टीडीएस काटेगी या नहीं काटेगी? तो उसके लिए सेक्शन 194 एलबीबी और लिख लीजिए आगे। व्हाट आई एम आस्किंग यू राइट डाउन that you have to read 115 UB in conjunction with 1023 FBA, 1023 FBB and section 194 LBB and also write 139 4F. In business trust, I have mentioned 139 4E but I have not discussed. Business trusts are now required to mandatorily file their return of income because of 139 4E. और सर इसी प्रकार से alternative investment fund को भी mandatorily return file करनी है 139 4F में। Corresponding amendment है। अब मैं पढ़ता हूं सर 115 यूबी, सुनिएगा। यूए मैंने पढ़ा नहीं है सर, बहुत सिंपल सा था, आप स्वयं पढ़ लीजिएगा। Tax on income of investment fund and its unit holder। यहां पर भी सर वर्ड यूनिट होल्डर आ रहा है, इन्वेस्टर की जगह यूनिट होल्डर इज अ बेटर वर्ड। Notwithstanding anything contained in any other provision of this act and subject to provisions of this chapter, any income accruing or arising to or received by a person being unit holder of an investment fund out of investment made in investment fund shall be chargeable to income tax in the same manner as if it were the income accruing or arising to or received by such person
had the investment made by investment fund being made by him directly. जैसे कि वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फंड ने नहीं किया, आपने किया, तो आपकी इनकम हुई सर, फिर किसकी इनकम नहीं हुई? इन्वेस्टमेंट फंड. इससे अपने आप एग्जम्पशन दिख गई. नेक्स्ट, वेयर इन एनी प्रीवियस ईयर नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड इज अ लॉस. मैं सर लॉस वाली बात पर बाद में चर्चा करता हूँ, थ्री पर बाद में चर्चा करता हूँ. सबसेक्शन फोर सुनिएगा ऑफ 115 UV. टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड शेल बी चार्ज टू टैक्स एट द रेट और रेट स्पेसिफाइड बाय द फाइनेंस एक्ट ऑफ द रिलेवेंट ईयर वेयर सच फंड इज अ कंपनी और फर्म. ठीक है, तो कंपनी और फर्म है तो रिलेवेंट रेट लग जाएगी, यानी 30% रेट लग जाएगी. एंड एट मैक्सिमम मार्जिनल रेट इन अदर केसेस. बाकी सारे केसेस में सर क्या लग जाएगी? MMR रेट. ये MMR रेट ज्यादा भारी पड़ती है सर, क्योंकि ये स्लैब रेट की हाईएस्ट रेट है, तो सरचार्ज 12% लग जाएगा. ठीक है, शायद मेरी जो इन नोट्स के अंदर है उसमें MMR सहित मैंने रेट कोट करी है, पर वो गलत है. 33 point कुछ लिखी है. ठीक है, इट शुड बी 34 point something, बिकॉज 30% तो नॉर्मल मैक्सिमम मार्जिनल रेट, प्लस 12% का सरचार्ज, प्लस 3% का एजुकेशन से SHEC. कितना हो गया रेट? 34.608 की फाइनल रेट पड़ेगी, वो आप करेक्ट कर लीजिएगा. अब मैं एक बार सर पहले चलता हूं FBB के ऊपर. FBB और FBA 1023. मिल गया सर FBB. पहले FBA पढ़ते हैं फिर FBB. एनी इनकम ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड अदर देन इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन ऑफ बिजनेस प्रोविजन. इससे क्लियर हो गया सर, इन्वेस्टमेंट फंड की सारी इनकम एग्जम्प्ट है. केवल कौन सी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है सर? उसकी PGBP इनकम एग्जम्प्ट नहीं. दूसरा, एनी इनकम रेफर टू इन 115 UB एक्रूइंग और अराइजिंग टू और रिसीव बाय अ यूनिट होल्डर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट फंड बीइंग दैट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम विच इज ऑफ द सेम नेचर एज इनकम चार्जेबल अंडर द हेड PGBP. यूनिट होल्डर के हाथ में कौन सी इनकम एग्जम्प्ट हो रही है? PGBP, क्योंकि वो उसके हाथ में टैक्सेबल हो गई. ये क्लियर हो गया सर. अब अपन एग्जाम्पल बनाते हैं, सुनिएगा. मान लीजिए सर, देयर इज सम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ कैटेगरी 1 एंड दिस पर्टिकुलर फंड हैज जनरेटेड इनकम विच इज इन द नेचर ऑफ, से फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट, विच इज इन द नेचर ऑफ PGBP, विच इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल गेन, विच इज इन द नेचर ऑफ डिविडेंड. सारी इनकम हमने ले ली सर, ये इनकम कमा सकता है. इंटरेस्ट कमा लिया, PGBP कमा लिया सर, कैपिटल गेन कमा लिया, डिविडेंड कमा लिया. अब दिस इंटरेस्ट इनकम SPV हो नहीं हो वो नहीं देखना. SPV का कॉन्सेप्ट किसमें है सर? बिजनेस ट्रस्ट में. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ने इन्वेस्टमेंट किया सर, इंटरेस्ट कमाया 10 करोड़ का, PGBP कमाया सर 5 करोड़ रुपए का, कैपिटल गेन कमाया सर 2 करोड़ का, और डिविडेंड कमाया सर 13 करोड़ का. टोटल सर इसके अंदर 20 यूनिट होल्डर्स है एंड यू आर वन ऑफ देम, आप उनमें से एक है. तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी अब हमारे को निकालनी है कि कैसे होगा. पहला इशू ये कि वेदर इन्वेस्टमेंट फंड वुड बी टैक्सेबल, AIF वुड बी टैक्सेबल और नॉट, एंड इन्वेस्टर दैट इज द यूनिट होल्डर वुड बी टैक्सेबल और नॉट. तो एक तो हम टैक्सेशन ले लेते हैं सर इन्वेस्टमेंट फंड का, दूसरा सर यूनिट होल्डर. इंटरेस्ट इनकम वुड नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ AIF, PGBP वुड बी टैक्सेबल, कैपिटल गेन वुड नॉट बी टैक्सेबल. दिस इज बाय डिफॉल्ट नॉट टैक्सेबल बिकॉज ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 34. ठीक है, यूनिट होल्डर as such who is receiving interest would be taxable. For PGBP, he would not be taxable. FBB, 10 clause 23, FBB. Capital gain income would be taxable in his hands. And the dividend income would also go exempt because of 1034. क्योंकि ये तो pass-through status है सर. इसके हाथ में exempt, तो इसके हाथ में भी क्या चली जाएगी सर? फिर ये exempt होगी. आगे बात clear सर, इससे बाहर कुछ नहीं. अब सर ये जो particular taxation आना है आपके हाथ में, प्राइमा फेसाई हमारे हिसाब से सर 10 करोड़ पर टैक्सेशन हुआ, और सी साहब कितने पर टैक्सेशन हुआ? 2 करोड़ पर. तो 10/20 एक हिस्सा ये हो गया सर, और 2 करोड़/20 एक हिस्सा ये हो गया. ये आपकी इनकम हो गई इफ यू आर द यूनिट होल्डर. डन. नाउ अ क्वेश्चन वुड कम, व्हाइल दिस पर्टिकुलर ट्रस्ट इज मेकिंग पेमेंट टू यू, वेदर इट वुड डिडक्ट, सॉरी नॉट ट्रस्ट, AIF वुड बी मेकिंग पेमेंट टू यू, वुड इट डिडक्ट टैक्सेड सोर्स और नॉट? तो आगे लिख लेना सर 194 LBB.
ये 194 LBB में वो आपको TDS काट करके पेमेंट करेगी, आपको कैसे पता चलेगा साहब, वो सरकार को कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ पेमेंट हुआ है? तो सरकार TDS से ट्रेस कर लेगी। तो जैसे 194 LBA सर ट्रस्ट पर था, देखिए 115 UA बिजनेस ट्रस्ट, 115 UB AIF, 194 LBA बिजनेस ट्रस्ट, 194 LBA LBB इज इन रिलेशन टू द इन्वेस्टमेंट फंड, हो गया। और सारे सेक्शंस को एक जगह समेट करके रख दो, सेक्शन रटने पर मत ध्यान दो, अपने आप याद रह जाएंगे, ठीक है, नहीं याद रहते तो टेंशन नहीं है, ये पता है क्या एग्जम्प्ट है क्या टैक्सेबल है, मुझे कोर चीज पर ध्यान देना है सर, सेक्शन रटाना मेरा काम नहीं। लेकिन सेक्शन आपके पास लिखा है तो कल आप कंफ्यूज होगे घर पर, तो आप उसको निश्चित रूप से रिलेवेंस लोगे उसकी, कि अच्छा ये बात यहां से निकल करके आए, ये लॉजिक चाहिए सर सीए फाइनल लेवल पर। आजकल स्टूडेंट में यही लॉजिक फेल होते चले जा रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे कि किधर से रेफरेंस ले रहा हूं। रटने से नहीं चलेंगे सर, ये चीजें याद ही नहीं हो सकती, इसको पकड़ना आसान काम नहीं है। लेकिन जिसके पास कॉन्सेप्ट है सर, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। एक का टैक्सेशन दूसरे का एग्जम्पशन, एक का एग्जम्पशन दूसरे का टैक्सेशन, अल्टरनेटिव तरीके इन्होंने अडॉप्ट करे हैं सर। ये क्यों किए हैं सर, इसके अपने लॉजिक्स हो सकते हैं, इनकी अवधारणा कुछ बनी है, जिसके बेसिस पर कुछ डिमांड आई होगी इंडस्ट्री से, तो सरकार ने ये प्रमोशनल चीजें निकाल करके लाई, ठीक है। तो सर ये पर्टिकुलर मामला ऐसे हो गया। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स बातें इन्होंने डिस्कस कर ली, क्या कॉम्प्लेक्स बातें डिस्कस करी सर, मैं उसको आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए ये है सर 10 करोड़, और ये हो गया सर हमारे पास से 15 करोड़ माइनस, और ये भी हो गया सर 6 करोड़ माइनस, ऐसा सी इंस्टीट्यूट की बुकलेट में भी है, डिविडेंड 13 करोड़ में लिख देता हूं। अब ये कहता जी अब कैसे टैक्सेशन लाओगे, अब क्या पास थ्रू स्टेटस में जाओगे या नहीं जाओगे? तो बोला साहब अब पीजीवीपी कैसे सेट ऑफ ले सकता है ये देख लो, इससे लेगा नहीं, लेगा क्या, ये ऑलरेडी लॉस में, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट होता तो ले लेता क्या, प्रॉफिट होता तो ले लेता सर, ठीक है, क्योंकि पीजीबीपी कुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन, बट कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट पीजीबीपी। अब सर ये 13 करोड़ रुपए है, इससे तो लेगा नहीं क्योंकि ये तो एग्जम्प्ट इनकम है, लेकिन सर ये इससे एडजस्टमेंट ले लेगा, अगर ये इससे एडजस्टमेंट ले लेगा तो देन इन दैट केस इधर तो कुछ टैक्सेशन आना ही नहीं। लेकिन अगर सर ये 30 होता तो देन इन दैट केस क्या बोलता सर, 15 सेट ऑफ हो जाएगा और बाकी का 15 किसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, इन्वेस्टर यानी यूनिट होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन सर सी इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री मॉड्यूल में भी दिया है, आप उसको कर लीजिएगा। मैंने भी अपने एक एग्जांपल और आपको जो बुकलेट दिया अमेंडमेंट, इसके अंदर भी है, ठीक है, कर लीजिएगा। बहुत सिंपल है सर, कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे लेना है। एक और इश्यू सर ये लाता है, वो क्या है कि यहां पर सर इंटरेस्ट की इनकम हो सकता है 30 करोड़ यदि हो तो इसमें से मिली 20 करोड़ और 10 करोड़ मिली नहीं, पर एक्रूअल बेसिस पर बुक कर ली। यदि सर एक्रूअल बेसिस पर इनकम बुक करेंगे तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी यूनिट होल्डर के हाथ में वो 10 करोड़ का टैक्सेशन जाएगा या नहीं जाएगा? तो लॉ ये कहता है सर तब भी जाएगा, एक्रुअल बेसिस पर भी टैक्सेशन तो जाएगा, परंतु यदि एक्रुअल बेसिस पर टैक्सेशन कर दिया तो फिर जब उसको फाइनली अमाउंट रिसीव्ड होगा फिर दोबारा टैक्स नहीं करोगे, नहीं तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो ये तो बात सेल्फ एज्यूम्ड, ठीक है। अब मैं इस बात की पुष्टि करा देता हूं सर यूबी से, यूबी में आइएगा सबसेक्शन 2 115 UB। इट्स नॉट विजय माल्याज यूबी, इट्स गवर्नमेंट्स यूबी। माल्या भाग्या कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। सबसेक्शन 2, वेयर इन एनी प्रीवियस ईयर द नेट रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 1023 FBA ऑफ सेक्शन 10 इज अ लॉस। अब क्या बोला, अभी 1023 FBA का इफेक्ट मत दो, क्योंकि वो इफेक्ट देता तो सर ये इनकम एग्जम्प्ट होती और केवल यही टैक्सेबल होती। ये कह रहा है विदाउट गिविंग इफेक्ट टू 1023 FBA, तभी ये चीज हो रही है सर, नहीं तो वो एग्जम्प्ट थी तो कैसे एडजस्ट होती। विदाउट गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 23 FBA ऑफ सेक्शन 10 इज अ लॉस अंडर एनी हेड ऑफ इनकम एंड सच लॉस कैन नॉट बी और इज नॉट होली सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम ऑफ सेट प्रीवियस ईयर देन सच लॉस शैल बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड एंड इट शैल बी सेट ऑफ बाय द इन्वेस्टमेंट फंड in accordance with provisions of chapter 6 and such loss shall be ignored for the purposes of subsection 1, ठीक है। तो सर अब ये लॉस को आपको कैरी फॉरवर्ड करने की परमिशन, यानी ये 15 होता सर ये 10 ही होता तो आपका ये 5 भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता, ये 6 भी कैरी फॉरवर्ड हो जाता, अगले साल आपको इसमें कुछ फायदा होता वो एडजस्ट होता, इसमें भी कुछ गेन होता तो वो भी आपस में एडजस्ट होता, फिर रिमेनिंग का ही टैक्सेशन आगे जाता। नेक्स्ट, इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फंड शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ द सेम नेचर एंड इन द सेम प्रोपोर्शन इन द हैंड्स ऑफ पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1
as it had been received by or had accrued to or arisen to the investment fund during the previous year subject to provisions of subsection 2. ये भी clear है sir कि वो income same proportion में unit holder के हाथ में tax होने जाएगी, केवल वो sir जो 1023 FBA में trust के लिए sorry इस investment fund के लिए exempt हो चुकी है, जो exempt नहीं हुई है sir यानी PGBP वो unit holder के हाथ में taxation होने जाने ही नहीं वाली. Provisions of chapter 12D and 12E shall not apply. इसका मतलब क्या है सर, आप पर CDT के provision इस investment fund के ऊपर नहीं लगेंगे, क्योंकि tax finally कौन दे रहा है सर, यहाँ पर tax दे रहा है ultimately unit holder, तो फिर CDT लगाने की आवश्यकता नहीं. Income accruing to or arising to or received by investment fund during a previous year, if not paid or credited to the person referred to in subsection 1, shall subject to provisions of subsection 2 be deemed to have been credited to the account of said person. क्या बोला सर, be deemed to have been credited to the account of said person on the last day of the previous year in the same proportion in which the person would have been entitled to receive the income had it been paid in the previous year. जैसे कि वो particular amount जो accrue हो गई वो भी pay कर दी गई. Next, the person responsible for crediting or making payment of income on behalf of investment fund and investment fund shall furnish within such time as may be prescribed to the person who is liable to tax in respect of such income and to the prescribed income tax authority a statement in the prescribed form verified in the prescribed manner giving details of nature of income paid or credited during the previous year and such other relevant detail as the case may be. Naturally sir aapko statement dena investor ko bhi ki bhaiya aapke hath mein kya kya amount hamare hisab se taxable hogi uske basis par wo apni ITR mein us income ko shamil kar lega. Ye sir investment fund alternative investment fund ka taxation maine aapke sath deal kiya, isko main bar bar keh raha hu sir supplementary se और साथ के साथ जो मेरी अमेंडमेंट की बुकलेट में एग्जाम्पल है आप देख लीजिएगा. मैं आगे चलता हूं सर इसके बाद में 132B. अब सर ज्यादा बड़े अमेंडमेंट नहीं है, छोटे छोटे अमेंडमेंट है. देखिए सर 132B जो सेक्शन है ये हमारे को बोलता है कि सीज्ड एसेट्स का एप्लीकेशन कैसे करना है. अब 132B बोला सर सीज्ड एसेट का एप्लीकेशन जो करेंगे ना वो कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है इन छह इयर्स को जिनको सर्च में लिया गया, ऑलरेडी उन पर कोई एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी थी इनकम टैक्स की, तो वो ऐसी कोई लाइबिलिटी जो 153A के कंप्लीशन से डिटरमाइन होगी, वो ऐसी कोई लाइबिलिटी जो उस फाइनेंशियल ईयर या उस असेसमेंट ईयर को पर्टेन करती है जिससे रिलेटेड फाइनेंशियल ईयर के अंदर अभी सर्च एंड सीजर हुआ ही है, ऐसी कोई लाइबिलिटी जिसके लिए असेसी असेसी इन डिफॉल्ट है लाइक फॉर टीडीएस कॉन्सिक्वेंसेस. लेकिन अब तक ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन नहीं थी कि सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर के कारण से अगर कोई डिमांड निकल करके आती है तो उसको भी इससे रिकवर कर सकते हैं या नहीं, तो वो बात इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दी कि सर सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर की वजह से यदि कोई डिमांड है इधर आपके पास में सीज्ड एसेट पड़ी है तो इवन सीज्ड एसेट को उस सेटलमेंट कमीशन के ऑर्डर से बनी डिमांड के अगेंस्ट में भी एडजस्ट कर सकते हैं. सिंपल है. नेक्स्ट चलते हैं 148 इनकम एस्केप्ड असेसमेंट रिलेटेड नोटिस देयर ऑफ टाइम पीरियड 0 टू 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर बट अप टू 6 ईयर इन सर्टेन केसेस 0 टू 16 ईयर एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. 148 रिक्वायर्स अ प्री सैंक्शन एज पर द प्रोसीजर ऑफ सेक्शन 151. द कंप्लीट चेंज दैट इज द सब्स्टिट्यूशन टू प्लेस इन रिलेशन टू सेक्शन 151 प्रोवाइडिंग दैट इफ अप टू 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर एन असेसमेंट अंडर 148 इज बीइंग ओपनड अप सिंपली टेक द प्रायर परमिशन ऑफ जॉइंट कमिश्नर and after that particular period that is from 4 to 6 years you take the permission of CCIT or CIT. pehle assessment hua nahi hua wo nahi dekhna hai, 4 saal mein 148 karna hai JCIT ki permission le lo, 4 saal baad karna hai CCIT CIT ki permission le lijiye. theek hai, ye sir level itna important hai ki yahan tak ka case law aap dekh sakte hain jisme ye judgment aaya ki permission leni thi JCIT ki, permission le li CIT ki aur assessee ne challenge kar diya. भाई साहब ये क्या हुआ, आपने सीआईटी की परमिशन ली, जेसीआईटी की तो ली नहीं, और दैट असेसमेंट वाज क्वेश्ड दैट देयर वाज अ टेक्निकल एरर द परमिशन वाज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फ्रॉम जेसीआईटी हाउ कम यू टेक द परमिशन फ्रॉम सीआईटी. ठीक है, चलिए सर ये सब हमारे ऊपर है कि हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे उसका फायदा क्लाइंट तक पहुंचा सकते हैं. आगे चलिए सर, इंक्रीज इन स्कोप ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी यूज फॉर कंडक्टिंग थर्ड पार्टी सर्च. सर इस पर क्वेरी आ चुकी 153C पर पिछले अटेम्प्ट में. वो क्वेरी इस प्रकार की थी कि एक कंपनी गया सर्च हुई, ए का मटेरियल मिला, तो ए के मटेरियल के ऊपर सर जाकर के आपको ए का भी क्या वहां पर एओ के लिए मैंडेटरी है क्या, ए के लिए भी 153C में सर्च असेसमेंट करेगी. अब ये चीज डिपेंड करेगी कि क्या उस इंफॉर्मेशन से सरकार को लगता है क्या
कि ए का हमारे को सर्च असेसमेंट करना है। इससे क्या होता है सर, कई लोग जेन्युइन भी बेचारे मारे जाते हैं जिन्होंने एंट्री दी, जिनका मटेरियल मिल गया, वो भी 153 सी में 6-6 साल का असेसमेंट फेस करे, सो दे हैव बीन एक्सेप्टेड। नेक्स्ट सर, 158AA, स्पेशल प्रोविजन फॉर अवॉइडिंग रिपीटेटिव अपील का एक सेक्शन है सर 158A। ये उसी तरीके का सेक्शन सर, वो जो सेक्शन है 158A, ये तो बनाया गया सर असेसीज के लिए, और 158AA ऐसा सेक्शन है सर जो लेकर के आए हैं इन रिलेशन टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू प्रोवाइड देम अ रिलीफ। ये कहता है सर, अंडरलाइंग एजम्पशन है कि आप असेसी के किसी एक केस में किसी हाईकोर्ट के ऑर्डर पर जो 260A में आया हो, या किसी हाईकोर्ट की SLP पर जहां रेवेन्यू ने SLP की हो ऑलरेडी, सॉरी रेवेन्यू ने कोई पर्टिकुलर SLP फर्दर आगे सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर रखी है, या हाईकोर्ट के ऑर्डर पर सर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, तो वहां पर एक मैटर उसी एसएससी का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और वैसा ही मैटर किसी दूसरे पर्टिकुलर केस में उसी एसएससी के फिर से पेंडिंग हो गया CIT अपील के ऑर्डर से, जो हो सकता है एसएससी के फेवर में। तो अब रेवेन्यू को नेचुरली सर अगर CIT अपील के ऐसे किसी ऑर्डर से जो पहले से एक ट्रेंड बना लिया है और CIT अपील ने फिर फेवर दिया है, और रेवेन्यू को सर यदि CIT अपील के ऑर्डर से प्रॉब्लम है, तो रेवेन्यू शुड अप्रोच टू द ITAT। तो यहां पर सर जो परमिशन बनाई गई वो क्या बनाई गई, रेवेन्यू शुड इंटीमेट दिस पर्टिकुलर फैक्ट टू द एसएससी कि सर हम एक एप्लीकेशन करने जा रहे हैं ITAT के पास में, कि जब वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जावे उस दूसरे केस में आपके लिए, वो जजमेंट इस केस में भी लागू कर दे। इससे क्या होगा सर, जो अपीलेट प्रोसीडिंग ITAT में इस दौरान चलती, जबकि मामला ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में, वो चलाने की अब जरूरत नहीं रही, और जिस दिन वो मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड हो जाएगा, अगर रेवेन्यू के फेवर में हो गया तो रेवेन्यू अपील कर देगी, और रेवेन्यू के अगेंस्ट हो गया तो सर अपील करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया उस पर्टिकुलर मामले में। तो दिस मोडस ऑपरेंडी हैज बीन सो फिक्स्ड इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 158AA। तो ये 158AA का सर सार है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करता। नेक्स्ट सर सेक्शन 192, इसमें एक सबसेक्शन 2D इंसर्ट कर दिया, और उसमें ये बोल दिया सर TDS प्रोविजंस में कि एम्प्लॉयर्स आर नाउ रिक्वायर्ड टू मैंडेटली कलेक्ट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज द प्रूफ इन रिलेशन टू द क्लेम द रिलीफ द डिडक्शन द लॉसेस व्हिच आर क्लेम बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। एंड सर ये जरूरी भी है ताकि जो फॉर्म 16 है उसकी जेन्युइननेस बरकरार रहे, ठीक है। और ये चीज अगर आप आज की डेट में मार्केट में देखेंगे सीरियसली इंप्लीमेंट हो रही है, तो सर एम्प्लॉयज को भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि पहले वो बोल देते थे कुछ भी और डिडक्शन एम्प्लॉयर दे देता था, अब वैसी चीज नहीं चल रही सर, अब एम्प्लॉयर प्रूफ कलेक्ट करता है और उसके बाद में ही सर वो पर्टिकुलर रिलीफ या डिडक्शन एम्प्लॉय को दिया जाता है। नेक्स्ट सर 192A, इस पर क्वेश्चन पिछली बार आ चुका कि 30,000 से ऊपर का यदि पेमेंट होता है तो 10% एट द टाइम ऑफ पेमेंट PF विड्रॉल पर टैक्सेबल लग रहा था टैक्सेशन। अब वो चीज मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं मानता, मैं सर आगे बढ़ रहा हूं इसके बाद में 194A। इसमें सर 3 अमेंडमेंट आए। पहला अमेंडमेंट CBS के कारण से है कि अब सर ब्रांच वाइज 10,000 लिमिट की जरूरत नहीं है, तो लिमिट कैसी कर दी गई सर, जॉइंट यानी ऑल द ब्रांचेस ऑफ अ सिंगल बैंक, ठीक है, टू बी टेकन टुगेदर फॉर कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 10,000। दूसरा सर जो मामला आया वो क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाइक कोऑपरेटिव बैंक जब वो अपने मेंबर को इंटरेस्ट देते थे तो विदाउट एनी लिमिट विदाउट TDS उनको पेमेंट किया जा सकता था, वहां पर भी अब कैपिंग फिक्स कर दी गई सर 10,000 रुपए, यानी 10,000 तक तो TDS नहीं काटेगी कोऑपरेटिव बैंक यदि अपने मेंबर को दे रही है, 10,000 के बाद सर उससे भी TDS काटना पड़ेगा। तीसरा सर जो इन्होंने बात करी वो बात है कि कंपलसरी एक्विजिशन सॉरी मोटर एक्सीडेंट से रिलेटेड जो क्लेम आते हैं वो क्लेम का टैक्सेशन ही सर एट द टाइम ऑफ पेमेंट हो रहा है, तो TDS जो पहले सर एक्रुअल बेस चल सकता था उस TDS को सर अब इन्होंने क्या कर दिया है, एक्चुअल पेमेंट जब आएगा वहां से तभी TDS काटना पड़ेगा, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं होगा तब तक आपको TDS काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो टैक्सेशन भी तभी दे रहा है सर। नेक्स्ट चलता हूं सर 194C। इसमें सर जो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए पैन नंबर सबमिट करके TDS से एग्जम्पशन लेने की व्यवस्था थी वो चीज अब बदल दी, उसमें इन्होंने ये बोला कि सर हमारा इंटेंशन तो सबको देने का नहीं था, ये पर्टिकुलर केस में हम केवल उनको देना चाहते थे जो टाइनी ऑपरेटर्स है, तो इन्होंने बोल दिया कि कोई भी ट्रक ऑपरेटर जिसके साल में कभी भी 10 अथवा 10 से कम ट्रक्स थे यानी गुड्स कैरेज व्हीकल थे उससे तो हम TDS नहीं काटेंगे अगर वो पैन नंबर दे देगा, बाकियों से काटेंगे। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं सर कि एक कंपनी जिसके पास में 200 ट्रक्स का फ्लीट है उसको आप फ्रेट का पेमेंट कर रहे हो सर, वो अब पैन नंबर दे करके TDS से नहीं बच सकता, TDS काटना। एक बंदा जिसके पास साल के शुरू में सर 6 थे
अब एंड होते होते सर 26 हो गए, इसका 194 सी में टीडीएस काटना है नहीं काटना है, ये भी पैन नंबर दे रहा है सर। काटना है कितने लोग बोलते हैं, नहीं काटना कितने लोग बोलते हैं, मेरी ओपिनियन में सर नहीं काटना, क्योंकि इस साल इसके पास ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइम 10 अथवा 10 से कम ट्रक थे, जैसा लिखा है सर लैंग्वेज, होना उल्टा चाहिए था, लेकिन फॉर टाइमिंग इसकी बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन ये बनती है कि साल में कभी भी 10 या 10 से कम थे तो थे ना सर उसके पास, वे शुरू में तो चाहिए थे, ठीक है, तो फॉर टाइमिंग इसकी बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन ली जा सकती है, ऐसा मेरी ओपिनियन है। आगे चलता हूं सर, इसके बाद 194 आई में आरईआईटी को सर एग्जम्प्ट कर दिया, ये बात मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। 194 एलबी में आरईआईटी यदि सर रेजिडेंट को देगी रेंट का पेमेंट तो 10% टीडीएस काटेगी सर, ठीक है, और सॉरी नॉट रेंट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यदि रेजिडेंट को देगी सर तो 10% काटेगी, और नॉन रेजिडेंट को देगी तो ऐसी परिस्थिति में सर वो 40% काटेगी, और यदि नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है तो 40 काटेगी, और अगर नॉन रेजिडेंट अदर देन फॉरेन कंपनी है सर तो 30% प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सर एसएचजीसी। क्या टैक्सेबल है क्या नहीं है अब मुझे बोलने का जरूरत नहीं, आई हैव ऑलरेडी एलिबरेटेड टू यू। 194 LBB सर आपके पास में क्लियर है कि यदि इन्वेस्टमेंट फंड बांटता है तो सर टीडीएस 10% की रेट पर काटेगा। 195(6) में सर इन्होंने अब बड़ा क्लियरली बोल दिया, वेयर यू आर मेकिंग द पेमेंट टू अ नॉन रेजिडेंट देन 15 CACB इज अ मस्ट। पहले सर ये मस्ट नहीं होता था, तो इसकी वजह से बहुत सारे मामलों में डिस्प्यूट खड़े होते थे। 15 CACB मस्ट होने से ये हो गया सर कि सीए सर्टिफिकेशन भी बहुत सारे केसेस में प्रैक्टिकली अब लगता है। तो आई वुड रीड इट व्हाट इट सेज, सबसेक्शन 6 इज इंसर्टेड। मैं जरा सबसेक्शन 6 ही पढ़ लेता हूं सर, 195 सबसेक्शन 6 सुनिएगा। ये नया इंसर्शन है सर बाय वे ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और फॉरेन कंपनी एनी सम वेदर और नॉट चार्जेबल अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जबकि सर आप पहले लैंग्वेज देखेंगे ना तो पहले बोलता था द पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ एनी सम इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय द बोर्ड। अब ये बात क्लियर नहीं थी कि क्या सब वो उसका चार्जेबल टू टैक्स होना जरूरी है या नहीं है सीएसीबी के लिए। अब बात आ गई 15 CACB आपके लिए मैंडेटरी हो गया चाहे वो चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली सर 15 CB तो तब लगेगा जब चार्जेबल टू टैक्स है, उसमें भी ए कैटेगरी अलग है सर सी कैटेगरी अलग है। लेकिन 15 CA तो अब हर केस में रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको ऑनलाइन 15 CA फाइल करना ही पड़ेगा और उसके बिना सर बैंक आपकी रेमिटेंस को ही नहीं भेजता। आई रीड इट, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू अ नॉन रेजिडेंट नॉट बीइंग अ कंपनी और फॉरेन कंपनी एनी सम वेदर और नॉट चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ सच सम इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो सर ये एज मे बी प्रिस्क्राइब इज 15 CA and CB। आगे चलते हैं सर 197A, आप करेक्ट कर लीजिए सर 194 LBA, मैंने REIT के लिए स्पेसिफिकली लिखा है, देखिएगा जरा देख लीजिए आप 194 LA, हो सकता है मैं गलत हूं। देखिए सर 194 LBA, आगे इन्होंने जो थर्ड जो सबसेक्शन लिया LBA में वो क्या कह रहा है, वेयर एनी डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम रेफर टू इन 115 UA बीइंग ऑफ द नेचर ऑफ 1023 FCA। ये 1023 FCA क्या थी, रियल एस्टेट वाली, ठीक है, इज पेबल बाय बिजनेस ट्रस्ट टू इट यूनिट होल्डर बीइंग अ नॉन रेजिडेंट और अ फॉरेन कंपनी द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट सेल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ सच इनकम टू द अकाउंट ऑफ पेयर एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ इन कैश और बाय इशू ऑफ चेक डाफ और बाय एनी अदर मोड डिडक्ट देयर ऑन एट द रेट इन फोर्स। तो सर रेट इन फोर्स क्या हो गई नॉन रेजिडेंट के लिए, बाय डिफॉल्ट 30 प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस एसएचजीसी, और फॉरेन कंपनी के केस में 40 हो गई। और सर रेजिडेंट का तो मामला आज भी सबसेक्शन 1 से ही कवर्ड हो रहा है, तो सबसेक्शन 1 तो कितनी रेट दे रहा है सर 10, ठीक है डन। चलिए आगे चलते हैं सर, इसके बाद में सेक्शन 197A सर जो 15G 15H की बात करता है, वो 15G 15H में दो सेक्शन इन्होंने और ले लिए सर। एक तो सेक्शन ले लिया सर इन्होंने इसके अंदर 194DA, और एक सेक्शन सर इन्होंने और लिया 192A। 192A पीएफ विड्रॉल में भी अगर 15G या 15H बीइंग सीनियर सिटीजन नॉन सीनियर सिटीजन दे देगा तो टीडीएस नहीं काटेंगे। और 194DA में सर इंश्योरेंस पॉलिसी जहां 1 लाख या ज्यादा का पेमेंट होता है जो 1010D में एग्जम्प्ट नहीं होती सर, उसके ऊपर 2% की टीडीएस रेट है सर, वो 2% की टीडीएस भी नहीं लगेगी यदि 15G 15H आप दे देते हो।
और 15G 15H सर अब ऑनलाइन हो गया, तो सरकार को मैपिंग है आपके 26 AS के साथ, वो 15G 15H को कनेक्ट करा के बता देती है। आगे चलता हूं सर, 200A प्रोसेसिंग ऑफ TDS स्टेटमेंट ऑल्सो कंसिडर 234E। ठीक है सर, ये बात स्पेसिफिकली अब इन्होंने क्लियर कर दी कि TDS स्टेटमेंट के साथ में सर 234E की जो फीस लगती है सर, वो 234E की फीस अब उसमें स्पेसिफिकली पहले मेंशन नहीं था सेक्शन 200A में, अब वो 234E की मेंशनिंग स्पेसिफिकली क्रिएट कर दी। नेक्स्ट सर सेक्शन 234B, 234B पर सर पिछली बार क्वेरी आ गया, वो क्वेरी ये नहीं था, ठीक है, जो अमेंडमेंट है वो अलग है, जो अमेंडमेंट लेकर आए सर और जो क्वेरी था वो क्या था वो सुन लीजिए। क्वेरी तो ये था कि एसएससी के अगेंस्ट में जो पिछले अटेम्प्ट में अटेम्प्ट में क्वेश्चन था वो ऐसा था कि एसएससी का असेसमेंट हुआ, डिमांड डिटरमाइन हुई, डिमांड में 234B नहीं डिटरमाइन हुआ, बाद में उन्होंने डिमांड करी 234B के अलग, एसएससी बोल रहा है अगर आपके ऑर्डर में 234B नहीं है तो अब मैं नहीं दूंगा, ठीक है, लगता तो सही है लेकिन उस पर्टिकुलर मामले अपने को तो यही कहना चाहिए, लेकिन वहां पर डिनाइल आया सर, क्यों, क्योंकि 234B इज एन ऑटोमेटिक लेवी सर, मैंडेटरी प्रोविजन है, ठीक है, तो दैट कुड बी सेड दैट देयर इज अ मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड इन द ऑर्डर पास बाय द यू दैट ही फॉरगॉट टू मेंशन 234B, सो ही लेटर डन रेक्टिफिकेशन अंडर 154 एंड रिकवर्ड द इंटरेस्ट दैट वॉज लेजिटिमेट। अब जो 234B में सर इन्होंने अमेंडमेंट किया है ना सर, वो अमेंडमेंट इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू 147 153A किया है और विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 245D किया है। देखिए क्या है, पहले इस प्रकार से बात चल रही थी कि असेसमेंट ईयर 2012-13 के लिए मान लीजिए एसएससी का एक असेसमेंट हो गया और वो 143(1) में हुआ या एक रेगुलर असेसमेंट सबसेक्शन 3 में हुआ, वो मान लीजिए हुआ सर 15 जून 2014। अब जो री असेसमेंट कंप्लीट हुआ सर वो मान लीजिए खत्म हुआ है 3 सितंबर 2018। तो पहले सर जो इंटरेस्ट का प्रावधान चल रहा था वो इंटरेस्ट चलता था इसके बाद से यहां तक के लिए 234B। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ की टैक्स लायबिलिटी यहां मानी खुद, यहां पर असेसमेंट आपका हो गया सर 3 करोड़ का, तो देन इन दैट केस आपका जो ईओ असेसमेंट करेगा वो सर 3 करोड़ पर लायबिलिटी डिटरमाइन कर देगा आपके 1 अप्रैल से लेकर के टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट यहां तक। 1 अप्रैल कहां से सर, 1 अप्रैल 2012 से, ध्यान से समझना सर। 234B कहां से लगता है, फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट डेट ऑफ द असेसमेंट ईयर टू द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ 234B। 1 अप्रैल 2012 से जो 2 करोड़ की लायबिलिटी का डिफरेंस आया, 15 जून 2014 तक का इंटरेस्ट ले लिया, इसके बाद में सर आपका असेसमेंट मान लीजिए 8 करोड़ पर हुआ तो 5 करोड़ और बढ़ गए सर आपकी टैक्स लायबिलिटी। पहले जिस तरीके से लॉ लिखा था वो ये कह रहा था सर इस असेसमेंट के बाद से यहां तक के पीरियड का ब्याज लेंगे, अब इस असेसमेंट के बाद से सर यहां तक के पीरियड का ब्याज लोगे तो 5 करोड़ का ब्याज 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 15 जून 2014 तक का तो बच गया, सही हुआ गलत हुआ, वो तो सही रहा था, अब पलट दिया, सही तो यही होना चाहिए था सर 1 अप्रैल से ही देना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ईयर के लिए कितनी थी 8 करोड़, जबकि देकर कितना बैठा था 1 करोड़, ठीक है, तो अब कैलकुलेशन सर इसकी 1 अप्रैल से होगी, ये लॉजिकल कर दिया, ठीक है, बात गले से नहीं उतरती तो भी मैं आपको बोल देता हूं सर 1 अप्रैल 2012 से ही सरकार लेगी। अब ऐसे ही सर सेटलमेंट कमीशन में भी होगा, जब 245D में मान लो ये मामला ले गया एसएससी और 245D में सर फाइनली लायबिलिटी 12 करोड़ रुपए हो गई, तो देन इन दैट केस वो 12 करोड़ भी सर यहां से इंटरेस्ट लेने की जगह कहां से लेगा, 1 अप्रैल से लेगा, ये लॉजिकल बात की, ठीक है, ये अमेंडमेंट पर बेस क्वेरी नहीं आई थी, ठीक है, तो ये अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं। आगे चलता हूं सर 245A, इसमें जो अमेंडमेंट आया सर केस की डेफिनेशन पर, इस पर ऑलरेडी क्वेरी आ चुका पिछले एग्जामिनेशन के अंदर, वो क्वेरी ये था सर कि एसएससी का एक ईयर का 147 था वो खुला और एसएससी को लगा यार मेरे तो 2-3 पिछले 147 और खुल सकते हैं जिनके अंदर मेरी ये वाली इनकम है जो कंसील्ड है वहां पकड़ में आ जाएगी, तो मैं सेटलमेंट में जा रहा हूं इस ईयर को लेकर तो क्यों ना उन 2-3 को भी ले जाऊं, तो सरकार ने केस की डेफिनेशन में अमेंडमेंट करके ये बोला कि जिस दिन आपको 147 का नोटिस आया किसी केस के रियल में, तो अगर उस दिन किन्हीं और ईयर्स के लिए भी 147 के लिए 148 का नोटिस आ सकता था और आपने उन ईयर के लिए 139 142 में रिटर्न भर रखी थी तो आप उन ईयर को भी साथ में ले जाइए, तो ये एक प्रिविलेज एसएससी को मिल रही थी, ये प्रिविलेज पर सर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुके। नेक्स्ट सर 245H, 245H जो इम्यूनिटी मिलती है सर इसमें बड़ा स्पेसिफिकली बोला कि जब ITSC आज की डेट में सर इम्यूनिटी ग्रांट करेगी तो वो जो इम्यूनिटी सर ग्रांट करेगी प्रोसिक्यूशन से उससे पहले रीजन रिकॉर्ड करेगी, अगर बिना रीजन रिकॉर्ड किए सर उन्होंने इम्यूनिटी दे दी तो
तो ऐसी परिस्थिति में सर जो प्रोसीडिंग बिफोर आईटीएसटी है वो अबेट हो जाएगी, और अबेट हो गई तो गेंद किसके पाले में चली जाएगी सर, सीओ के पास, ये हमारे को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट सर 245HA, यही कॉरेस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट है कि अबेटमेंट हो जाएगा, तो अबेटमेंट के बाद में रिवाइवल होने के बाद प्रोसीडिंग कौन कंप्लीट करेगा, सीओ कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट सर 245K, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये और थोड़े से एप्लीकेंट्स का गपलेबाजी का स्कोप थोड़ा सा कम करती जा रही है सरकार। वो क्या, मान लीजिए सर पहले तो मैंने इंडिविजुअल के रूप में सेटलमेंट ले लिया, अब की बार मैं गड़बड़ करने लग गया कंपनी बना करके, तो सरकार बोली बंदा तो वही है यही है गड़बड़ करता है, तो सरकार बोली अब कंपनी को बंद कर दो, ये कंपनी नहीं आ सकती क्योंकि इसमें अनुपाटिया है, ठीक है, ये फर्म नहीं आ सकती क्योंकि इसमें पार्टनर वही है जो ऑलरेडी पर्टिकुलर बेनिफिट ले चुका, ये एचयूएफ इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि इसका कर्ता ऐसा निकला है जिसने पहले आईटीएससी से सेटलमेंट ले लिया। तो क्या हो सकता है सर कि हम एक सेटलमेंट लेने के बाद में फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी दूसरे तरीके से करें और उसमें फिर लफड़े करें फिर सेटलमेंट में चले जाए, जबकि 245K क्या बोल रहा है सर, बार ऑन सबसीक्वेंट एप्लीकेशन था 1 जून 2007 के बाद में सर, यदि आपकी एप्लीकेशन एक बार एक्सेप्ट हो गई तो दूसरी एप्लीकेशन ही नहीं हो सकती, सेटलमेंट आया नहीं आया वो बात अलग है। तो अब हमने बोला कि चलो फिर हम काय को इंडिविजुअल के रूप में काम करें, अब हम कंपनी बना लेते हैं, अब हम फर्म बना लेते हैं, एचयूएफ में काम शुरू कर देते हैं, वो चीज को सर इन्होंने कैप्चर किया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सुनिएगा सर 245K में इन्होंने सबसेक्शन 1, मैं उसको पढ़ता हूं, वेयर एन ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट पास अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 245D प्रोवाइड्स फॉर इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी ऑन द पर्सन हु मेड द एप्लीकेशन अंडर 245C फॉर सेटलमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ कंसीलमेंट ऑफ पर्टिकुलर ऑफ इनकम और आफ्टर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट अंडर सेट सबसेक्शन 4 इन रिलेशन टू अ केस सच पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 इन रिलेशन टू दैट केस और द केस ऑफ सच पर्सन वाज सेंट बैक टू द AO by the settlement commission on or before 1st day of June 2002 then he or any person related to such person, ये बात आ गई सर, any person related to such person herein referred to as related person shall not be entitled to apply for settlement under 245C in relation to any matter. Further subsection 2 में भी ये बात लिख दी, where a person has made an application under 245C on and after 1st day of June 2007 and if such application has been allowed to be proceeded with under subsection 1 of 245D, such person or any related person shall not be subsequently entitled to make application under 245C. Now, who is a related person? That is important for us. For the purpose of this section, related person with respect to a person means where such person is an individual, any company in which such person holds more than 50% of shares or voting power at any time, or any firm or association of person or body of individual in which such person is entitled to more than 50% of the profit at any time, or HUF in which such person is a karta. Agi sir, baat samajh mein? Ki maan lijiye, maine ek baar settlement liya individual ke shape mein, ab main kisi company mein 75% equity hold karta hoon, ye company bhi sir search and seizure mein aa gayi, maine udhar sir apply kar diya 245C mein, 245K will prevent me for my applications. ये एप्लीकेशन अब एक्सेप्ट नहीं होने वाली सर, ये सबसीक्वेंट एप्लीकेशन इनवैलिड है। दूसरा, वेयर सच पर्सन इज अ कंपनी, अब मान लीजिए कंपनी ने ले लिया सर पहले सेटलमेंट, तो कौन कौन प्रतिबंधित है, वेयर सच पर्सन इज अ कंपनी एनी इंडिविजुअल हु होल्ड मोर देन 50% ऑफ शेयर और वोटिंग पावर इन सच कंपनी एट एनी टाइम बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन बिफोर सेटलमेंट कमीशन बाय सच पर्सन, मान लीजिए जिस कंपनी ने सेटलमेंट लिया आप उसके डायरेक्टर थे, अब आपने पर्सनल बिजनेस शुरू कर दिया, ठीक है, या आपने एक कंपनी बना ली सर, उस कंपनी में आपका 80% इक्विटी लग रहा, आप डायरेक्टर थे उस समय, कंपनी ने सेटलमेंट कमीशन से एक सेटलमेंट ले लिया, आज आपकी कंपनी में दोबारा 153 हो रहा है, आप सेटलमेंट कमीशन में जाना चाहते हो सर, जा सकते हो नहीं जा सकते हो, जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टर पर नहीं है प्रतिबंध, प्रतिबंध किस पर है, जिसका 50% से ज्यादा शेयर था जब कंपनी ने वो पर्टिकुलर सेटलमेंट लिया। ये भी हो सकता है सर, कंपनी ने जब सेटलमेंट लिया तब मेरी पूंजी थी मात्र 10%, सेटलमेंट लेने के बाद में मैंने मेरी पूंजी बढ़ा ली 70%, अब सर मेरे किसी पर्सनल बिजनेस पर 153 हो गया सर्च एंड सीजर और मैं जाना चाहता हूं सेटलमेंट में, अब जा सकता हूं सर या नहीं जा सकता, ये कह रहा है सर, वेयर सच पर्सन इज अ कंपनी एनी इंडिविजुअल हु हेल्ड, होल्ड्स नहीं है सर, हु हेल्ड, जिसने होल्ड किए थे, हु हेल्ड मोर देन 50% ऑफ शेयर और वोटिंग राइट इन सच कंपनी एट एनी टाइम बिफोर द डेट ऑफ एप्लीकेशन बिफोर सेटलमेंट कमीशन बाय सच पर्सन,
ठीक है, तो सर 50% तो तब थे ही नहीं, मेरी ओपिनियन में अब एप्लीकेशन संभव है। नेक्स्ट सर, वेयर सच पर्सन इज अ फर्म एओपी और बीवाई, जिसने पहले वो एप्लीकेशन कर रखा था, एन इंडिविजुअल हु वाज एंटाइटल्ड टू मोर देन 50% ऑफ द प्रॉफिट इन सच फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एट एनी टाइम बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन बिफोर सेटलमेंट कमीशन। आई मे रिपीट सर, मैं किसी फर्म में पार्टनर था, उन्होंने सेटलमेंट कमीशन से सेटलमेंट लिया, उस समय मेरी पूंजी थी मात्र 33%, बाद में एक पार्टनर रिटायर हुआ उसका 33 भी मेरे पास आ गया, अब हो गया सर हमारे पास 66 मेरे अकेले के, मेरे इंडिविजुअल बिजनेस में 153 हो गया, मैं सेटलमेंट में जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले मेरे पास मोर देन 50% नहीं था जब सेटलमेंट लिया था। नेक्स्ट सर, वेयर सच पर्सन इज अ एचयूएफ, पहले एचयूएफ ने सेटलमेंट ले लिया, देन द कर्ता ऑफ सच एचयूएफ, फिर कर्ता नहीं जा सकता, लेकिन कर्ता के अलावा बाकी तो जा सकते हैं, तो उनके नाम से करो आप काम, कोई दिक्कत नहीं है, सेटलमेंट ले लेंगे। अब ये तो तू डाल मैं पात पात सर भारतवर्ष में चलता रहेगा, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता, मैं आगे चलता हूँ। 246A में सर इन्होंने टीसीएस इंटीमेशंस को सब्जेक्ट मैटर ऑफ सीआईटी अपील ले लिया सर। 263 में सर इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, मैं बोल रहा हूं आवे नहीं आवे आप गुस्सा मत होना। 263 में सर जो इन्होंने क्लैरिटी दी है, वो क्या क्लैरिटी दी कि ये जो सीआईटी रिविजन करता है, उस सीआईटी के पास में सर जो रिविजन की पावर होती है वो बेस्ड ऑन एन ऑर्डर पास बाय द यू होती है, विच इज ट्रीटेड टू बी एररनियस इन हिज ओपिनियन। So he calls for and examines the record of an assessment proceeding or any other order proceeding followed by the IO. And if he finds that the order passed therein by the IO is erroneous, prejudicial to the interest of revenue, then he may pass such order which he thinks fit, including an order enhancing an assessment, modifying an assessment, cancel and set aside an assessment and asking the IO to make a fresh assessment. Now, this explanation too, which is inserted by the Finance Act 2015 further provides, for the purpose of this subsection, it is hereby declared, an order passed by the IO shall be deemed to be erroneous. आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है किन किन परिस्थितियों में order erroneous हो सकता है, या कुछ circumstance इनमें से लेकर के बोले कि साहब क्या यहाँ CIT revision कर सकते हैं या नहीं कर सकते। Shall be deemed to be erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue, if in the opinion of principal commissioner or commissioner, the order is passed without making enquiries or verification which should have been made. यदि IO ने इंक्वायरी भी नहीं करी और ऑर्डर कर दिया तो ऑर्डर एरर्नेस है। दूसरा, ऑर्डर इज पास अलाउिंग एनी रिलीफ विदाउट इंक्वायरिंग इनटू द क्लेम, रिलीफ दे दी लेकिन उसका इंक्वायर नहीं किया कि ये क्लेम अलाउ होना चाहिए या नहीं। ऑर्डर हैज नॉट बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद ऑर्डर डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन इशूड बाय बोर्ड अंडर सेक्शन 119 सीबीडीटी के डायरेक्शन को इग्नोर करके कोई ऑर्डर कर रखा है। द ऑर्डर हैज नॉट बीन पास इन अकॉर्डेंस विद एनी डिसीजन विच इज प्री जुडिशियल टू द एसएससी rendered by the jurisdiction High Court or Supreme Court in the case of assessee or any other person. Already there is a High Court judgment, jurisdiction High Court judgment or Supreme Court judgment which is against the assessee, but you ignored the same. And that is also a case of, ऐसा नहीं है सर कि ये सारे reason पहले reason to opening up of 263 नहीं होते थे, पर clarity नहीं थी, अब वो clarity specifically mention कर दी, important amendment from exam point of view sir. Next 269SST, very important amendment sir, इस पर भी question बनना चाहिए। आप सब समझते हैं सर 269SST में जो सरकार की रिक्वायरमेंट है वो ये कहती है सर 20,000 और उससे ऊपर के लोन और डिपॉजिट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे अदर देन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सच पर्टिकुलर अमाउंट। सिमिलरली 269T बोलता है एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑल्सो यू वुड नॉट रीपे इन कैश, ठीक है, और सर उसमें तो टुकड़े के पेमेंट को भी देखा गया है कि अगर आउटस्टैंडिंग 20,000 रुपए या उससे ज्यादा है विद इंटरेस्ट तो भी कैश रीपेमेंट नहीं हो सकता। जो इन्हें रियल एस्टेट पर शिकंजा कसना था सर वो इन्होंने कस लिया और बोला सर एनी पर्सन रिसीविंग स्पेसिफाइड सम, नाउ हियर स्पेसिफाइड सम इज द एडवांस और अदर मनी रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ अन इमोबल प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, कि मैं मान लीजिए एक प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूँ 10 लाख रुपए की और मैंने आपसे 2 लाख रुपए तो नकद ले लिए और सर 8 लाख रुपए मैंने चेक से ले लिया अकाउंट पे, तो सर ये 2 लाख रुपए मैंने जो ले लिया आपसे ये 269SS का नॉन कंप्लायंस है। ध्यान दीजिए सर, द सेक्शन 269SST1 अप्लाइज ऑन सेम पर्सन, सेकेंड इट अप्लाइज ऑन द पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग एंड देन रीपे, जिसने एक्सेप्ट किया है पहले अमाउंट और फिर रीपे कर रहा। ऐसा भी हो सकता है सर मैंने आपसे साई के पेटे 2 लाख रुपए लिए नकद, फिर आपका मेरा सौदा नहीं हुआ, मैंने बलमन साथ में आपको 2 लाख वापस कर दिए, सर वापस तो कर दिए, मेरे को 4 लाख रुपए की पेनल्टी लग जाएगी अगर कैश ले लिए और कैश ही वापस कर दिए, तो आपको तो पैसे दे दिए अलग और इधर मेरे कितने की पेनल्टी लगेगी सर, इक्वलेंट टू द अमाउंट सो एक्सेप्टेड एंड सो रीपे। ये 269SS एंड 269T का कलर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलता हूं सर इसके बाद में,
सेक्शन 271(1)(c) इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट अगेन सर, मेरे को सारे इंपॉर्टेंट लगते हैं ऐसा नहीं है सर, ठीक है, क्योंकि उस बात में दम है इसलिए मैं उस पर फोकस करता हूं। देखिए क्या है, ये इन्होंने एक नया तरीका ही बदल दिया सर पेनल्टी लगाने का, और इतना सिंपल फॉर्मूला रखा a-b + c-d, ठीक है। तो सर ये a-b + c-d क्या है वो हमारे को समझना है। तो ये कहता है सर कि आपके नॉर्मल कंप्यूटेशन में भी वेरिएशन आते हैं, और अगर आप कंपनी हो तो सर आपकी मैट कैलकुलेशंस में भी वेरिएशन आते हैं। तो क्योंकि दोनों कैलकुलेशन साथ में चलती है तो हमें एक पर पेनल्टी लगा के अच्छा नहीं लगता, हम दोनों पे पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो भी है वो क्या है, a-b + c-d ही है। ये कह रहा है सर कि एक तो पहले नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी जिस पर आप असेस्ड हुए वो, माइनस जो आपने रिटर्न करी और जिसके लिए कंसीलमेंट नहीं है वो, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए। इसी प्रकार से मैट जिसके लिए आप असेस हुए और जो मैट आपका ऑलरेडी असेस आपने ऑफर किया वो, और जो ऐसा एडिशन हुआ जो कंसील नेचर का नहीं है वो, उनको आप डी के रूप में घटा दीजिए। ये जो टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस है वो टैक्स लायबिलिटी का डिफरेंस कंसीलमेंट पेनल्टी के पर्पसेस से टैक्स अमाउंट सॉट टू बी वेटेड होगा। बहुत सरल शब्दों में अगर फिगर्स देना चाहूं, 10 लाख पर मेरा असेसमेंट हुआ जबकि मैंने ITR में नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 3 की मानी, इधर सर मैट के पर्पस से सर मेरी टैक्स लायबिलिटी 17 आ रही है जबकि मैंने टैक्स लायबिलिटी मैट में सर 15 एग्री करी थी, तो सरकार कहती है जी 7 + 2 9 लाख रुपए का आपके ऊपर कंसीलमेंट का पेनल्टी लग जाएगा। यानी ना सर इधर पेनल्टी छोड़ा ना इधर, पहले जो जजमेंट चल रहे थे वो ये चल रहे थे, अगर आप मैट के सब्जेक्ट मैटर और नॉर्मल में आपके एडिशन हो रहे हैं और वो एडिशन कंसील नेचर के हैं तो आपके ऊपर कंसीलमेंट की पेनल्टी नहीं लगेगी। इस फॉर्मूले के आने के बाद में सर ये मामला अब ऐसा हो गया, SSC के अगेंस्ट जा रहा है। परंतु ध्यान क्या देना है आपको, मैं उसको एक एग्जांपल से और रखता हूं सर। मान लीजिए आपने सर रिटर्न भरी और उसके हिसाब से टैक्स लायबिलिटी नॉर्मल ऑफर करी और आपने सर मैट में भी ऑफर किया, नॉर्मल आपने 5 लाख रुपए ऑफर किया और मैट में सर आपने लेट्स अज्यूम 10 लाख रुपए ऑफर किया। फर्दर आपके जो ये टैक्स लायबिलिटी असेस हुई सर ये तो हो गई 8 लाख रुपए और मैट जो थी सर वो बढ़कर के हो गई 14 लाख रुपए, यानी इसमें 3 लाख का डिफरेंस आ गया सर, इसमें 4 लाख का डिफरेंस आ गया। पर अब ध्यान से समझना सर, इसमें जो 3 लाख का एडिशन हुआ सर, इसमें से 1 लाख का एडिशन कंसील्ड नेचर का नहीं पर एडिशन तो है, जैसे आपने कैश का खर्चा क्लेम कर लिया सर, ठीक है। अब कैश का खर्चा क्लेम कर लेना, आप रूल 6DD में उसको ले रहे थे, एओ कह रहा है दिस इज नॉट रूल 6DD, अब डिस्प्यूट है सर। मैंने क्या सिखा रखा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट होता है वो कंसीलमेंट के नेचर पर नहीं आता। अब क्या वो मामला रूल 6DD से कवर्ड भी है या नहीं है, ये डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में सर एडिशन तो है लेकिन एओ ने एडिशन किया परंतु कंसील नेचर का नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं सर, आप करोगे सर 8(1) - 5 की जगह कितना करोगे 6, क्योंकि ये सर कंसील नेचर का नहीं। मैं ऐसा भी बोल सकता था सर ये 1 लाख का एडिशन क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बेस्ड एडिशन है, तो क्वेश्चन ऑफ लॉ पर बेस्ड एडिशन पर सीए साहब 271(1)(c) नहीं लगा करते। तो हम यहां क्या करते हैं सर, 8 - 6 + इधर सर मैंने कितना करना है 14 - लेकिन सर ये जो 10 से 14 हुआ इसमें कोई 2 लाख रुपए का जो एडिशन है वो कंसील नेचर का नहीं, 2 लाख रुपए का जो टैक्स, मैं सर इनकम की बात नहीं कर रहा सर, टैक्स के फिगर्स में बात कर रहा हूं, ये 2 लाख रुपए का एडिशन सीए साहब इसमें जो है वो भी कंसील नेचर का नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में आप 14 - 10 की जगह कितना करोगे सर, 14 - 12, यानी आपके पास अल्टीमेटली क्या हुआ सर, 2 लाख इधर प्लस 2 लाख इधर, टोटल पेनल्टी कितने की लगेगी सर, 4। और एक बात इन्होंने फर्दर कर दी सर 271(1)(c) में, यदि कोई एडिशन इधर भी है और इधर भी है, दोनों जगह है, ठीक है, तो एक जगह आप एडिशन छोड़ दो, किधर छोड़ोगे सर, मैट में छोड़ोगे या नॉर्मल में छोड़ोगे उसको, दोनों में ही छोड़ देते हैं, दोनों नहीं एक, तो किधर छोड़े, इधर छोड़े a-b में या उसको c-d में छोड़े। और छोड़ने का मतलब क्या होगा, छोड़ने का मतलब होगा कि आपकी b की वैल्यू बढ़ेगी या d की वैल्यू बढ़ेगी, किसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए सर, किसी की भी बढ़ जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वैल्यू b की बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहां पर टैक्स रेट कितनी निकल करके आती है 30 और यहां पर कितनी आती है 18.5, तो ये कह रहे हैं फिर हम मैट में छोड़ देते हैं। सरकार कह रही फिर मैट में छोड़ दो क्योंकि आपने यहां ले लिया, यहां क्यों ले लिया सर, यहां 30 दे दिया और यहां कितना देते हैं उस पर 18.5। तो ये भी चीज आपको फर्दर पूछी जा सकती है कि मान लीजिए इसमें से 50,000 का टैक्स का एडिशन दोनों में हो रहा है एक ही कारण से, समझना जरा ध्यान से, दोनों में एक ही कारण से हो रहा है, तो
तो ऐसी परिस्थिति में सर ये 50,000 रुपए कैसे हो सकता है सर? ये एक प्रोविजन बनाया, यहां भी क्लेम कर लिया, यहां भी क्लेम कर लिया. नाउ प्रोविजन इज नीदर अलाउड इन नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी नॉर इट इज अलाउड इन मैट इफ इट इज फॉर अनसर्टेन लायबिलिटी. तो अब जुड़ा तो सर दोनों में, टैक्स लायबिलिटी दोनों में बढ़ी, तो अब आप क्या करोगे सर? यहां पर ये वाला जो 50 है, ये वाला पर्टिकुलर 50 यहां पर तो मान लीजिए एडजस्टेड हो चुका है, लेकिन यहां पर आप इसको 12 से बढ़ाकर कितना कर दोगे? 12.5. तो आपका पेनल्टी का क्वांटम सी सब कम हो जाएगा. ये सेक्शन 271 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी. एंड यू आर फॉर्चुनेट कि आप नवंबर अटेम्प्ट में ही है. वी सर में अटेम्प्ट कोई आप में से आगे चलेगा तो देन इन दैट केस उसको सर मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग पढ़ाएंगे. ठीक है, तो इसलिए बेटर यहीं पर ही आप क्लियर कर लीजिए. ठीक है, प्लीज डोंट टेक माय वर्ड्स अदरवाइज, बट आई कीप ऑन इंस्पायरिंग यू बाय माय टफ वर्ड्स इवन. चलिए सर, मैं इसके बाद में आगे चलता हूं. 271 एक सी मैंने एग्जांपल से सर एलिबरेट किया हुआ है मेरी बुक, ये बुकलेट में आप देख लीजिएगा. फर्दर सर एक सेक्शन 271 FBA सेक्शन 9A में मैंने आपको पढ़ाया था सर, आपको ट्रांजेक्शन रिपोर्ट भी करना पड़ेगा. 9A में सर मैंने पढ़ाया नहीं, बोला नहीं, लेकिन वो जो फंड मैनेजमेंट वाली एक्टिविटी है उसके अंदर सर जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है उसको इंडिया में अपना एक डॉक्यूमेंट दाखिल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा जी कि ये हमारा फंड मैनेजर है, हम ये फंड इसके थ्रू मैनेज करा रहे हैं. तो उस परिस्थिति में सर आपको विद इन 90 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फर्निश करने हैं, नहीं दोगे तो मात्र 5,00,000 की पेनल्टी लगेगी. ठीक है, आगे है सर 271 GA. ये एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न से रिलेटेड सर बात कर रहा है और सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1A से रिलेटेड जो कवरेज है वो इसमें ले लिया सर 245A में, जो ये कह रहा है सर कि यदि आपका शेयर सब्सटेंशियल वैल्यू डिराइव करता है एज पर एक्सप्लेनेशन 5 रेड विद एक्सप्लेनेशन 6 तो आपको भी सर 285A के अंदर एक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट रिटर्न अपनी फर्निश करनी पड़ेगी. यदि आप ये इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करते तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपको रिपोर्ट करने थे और आपने रिपोर्ट नहीं करे उनकी वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन पर 2% की तो पेनल्टी 1 लगेगी सर. और फर्दर सर इन्होंने ये बोला, आई रीड इट, पेनल्टी अमाउंट अ सम इक्वल टू 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फेलियर हैज टेकन प्लेस इफ सर ट्रांजेक्शन हैड द इफेक्ट ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ द मैनेजमेंट और कंट्रोल इन रिलेशन टू इंडियन कंसर्न एंड अ सम ऑफ रुपीज 5,00,000 इन एनी अदर केस. बाकी के केसेस में सर इसको 5,00,000. तो इन्होंने ये क्या बोल दिया सर, इसका मतलब ये है आपको ट्रांजेक्शन तो सारे रिपोर्ट करने, रिपोर्ट नहीं करोगे उनमें से वो वाले ट्रांजेक्शन सर जिनका सब्सटेंशियल वैल्यू इंडिया में था और टैक्सेशन इंडिया में आना है, यदि उनको आप रिपोर्ट नहीं करोगे तो ऐसी परिस्थिति में तो सर 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन. और बाकी के ट्रांजेक्शन सर चाहे वो हुए नहीं परंतु वैल्यू तो आपको बतानी थी कि सर ये सब्सटेंशियल वैल्यू है, ट्रांसफर हुआ नहीं हुआ वो बात अलग है, उस परिस्थिति में कितनी पेनल्टी लगेगी सर? 5,00,000 रुपए की. मैं इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं मानता सर, FAB GA आप छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं. 271 I में 195(6) 15 CACB वो वाला जो सेक्शन था 1,00,000 रुपए की पेनल्टी उसमें इंसर्ट कर दी सर. 285 GA में सर इन्होंने इंसर्ट कर दिया 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 1 का एक्सप्लेनेशन 5 की रिपोर्टिंग करना कि आपके ऐसे जो भी ट्रांजेक्शन सर जो आपसे कोरिलेटेड है सर उनको इंडिया में आपको रिपोर्ट, देखिए रिपोर्ट करेंगे तभी तो कल स्क्रूटनी करेगा. ठीक है, इसलिए सर ये पर्टिकुलर सेक्शन यहां क्रिएट किया. 288 ये भी इंपॉर्टेंट है सर, बस लास्ट है, बिग साई ऑफ रिलीफ टू ऑल ऑफ यू. ठीक है, लगभग 3 घंटे हो गए होंगे अपने, 3.5. ये कह रहा है जी कौन सी एलिजिबल नहीं होगा आपके ऑडिट करने के लिए और आपके सर्टिफिकेट देने के लिए. देखिए एट वेरियस प्लेसेस लाइक फॉर्म 3CD 3CEB, ठीक है, देर आर अदर फॉर्म्स ऑल्सो विच आर सबमिटेड बाई द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर देयर क्लाइंट्स. तो ये जो इवन IMSA सर 15CB के भी सर्टिफिकेट यही देता है. तो सेक्शन 288 ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को बताता है कौन कौन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता. इसमें सर इन्होंने एक्सप्लेनेशन इंसर्ट करके ये बोला कि सर कौन कौन पर्सन अब आपके सर्टिफिकेट्स रिपोर्ट्स साइन नहीं कर सकता, रिप्रेजेंट कर सकता है आपको जैसे एम्प्लॉय है वो कर सकता है सर, लेकिन हुआ क्या वो एम्प्लॉय CA है उसी से टैक्स ऑडिट करा दी. अब एम्प्लॉय अगर टैक्स ऑडिट करेगा तो सर ऑडिटर की इंडिपेंडेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ही गया, एम आई राइट? ठीक है, तो एम्प्लॉय चार्टर अकाउंटेंट से भी सर ऑडिट करा दी, ऐसे भी मूर्खता हो सकती है. तो उस मूर्खता को सर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने यहां पर कुछ व्यवस्था, और चलो एम्प्लॉय वाला तो मैं छोड़ भी दूं,
लेकिन कंपनी का डायरेक्टर है उसका रिलेटिव है, ठीक है, तो वहां पर भी सर क्लोज कनेक्शन है। ज्यादातर टैक्स ऑडिट में निल 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 ही चला जाता है, तो ये सारी चीजों को सर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऐसा व्यवस्था क्रिएट की गई। सब ऑफ रिकॉर्ड है, इसको रिकॉर्ड बना ले। सेक्शन 288 पढ़ता हूं, एक्सप्लेनेशन। इन दिस सेक्शन अकाउंटेंट मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज डिफाइंड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, हु होल्ड्स अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ दैट एक्ट बट डज नॉट इंक्लूड। देखिए सर, चार्जिंग सेक्शन आ गया अपना सेक्शन 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट का, जो हमारे को पावर देता है सर्टिफिकेट देने की। आगे बोल रहा है सर, बट डज नॉट इंक्लूड एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसएससी। रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं एसएससी, लेकिन क्या नहीं कर सकते सर, आपकी ओर से ऑडिट रिपोर्ट नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। कौन? इन द केस ऑफ एन एसएससी बीइंग अ कंपनी, द पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द सैड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो सर कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन 141 में जो डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है सर ऑडिटर के लिए, तो वो लोग जब ऑडिटर नहीं बन सकते तो सर वो टैक्स ऑडिट भी नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट भी नहीं दे सकते इनकम टैक्स के पर्पजेस से। नेक्स्ट सर, इन एनी अदर केस यानी इन नॉन कॉर्पोरेट एसएससी, द एसएससी हिमसेल्फ, एसएससी खुद ही अपनी फर्म की ऑडिट कर रहा है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोपराइटर ऑफ माई फर्म, आई एम डूइंग एन ऑडिट टैक्स ऑडिट ऑफ माई ओन, ठीक है, नहीं लिखा तो कर दूंगा, ठीक है, मैं क्यों किसी दूसरे सीए को सर पैसे दूं? तो वो पैसे बचा रहे थे, इन्होंने मना कर दिया, नहीं दूसरे की भी कमाई उन्होंने, तो बहुत सारे यंग सीए आप बना रहे हो। इन एनी अदर केस द एसएससी हिमसेल्फ और इन द केस ऑफ एसएससी बीइंग अ फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एचयूएफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म मेंबर और द एसोसिएशन और फर्म। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ बिजनेसमैन, बट माय सन, ठीक है, इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अब सर अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस है और मैं उससे ऑडिट करा लूं, तो क्या यह मामला यहां पकड़ में आता है क्या? जरा देखना आप, नहीं कितने लोग बोले, हाँ कितने लोग बोलना चाहते हैं, एचयूएफ है ना मेरा सन, तो मेरी एचयूएफ का हिस्सा है सर, है लिखा है क्या सर, मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और फैमिली, नहीं कर सकता सर वो साइन, कर देगा, कर देंगे, पढ़ लेते हैं। इन द केस ऑफ एन एसएससी, सॉरी इन एनी अदर केस, एसएससी हिमसेल्फ खुद तो कर ही नहीं सकता, इन द केस ऑफ एसएससी बीइंग अ फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एचयूएफ एनी पार्टनर ऑफ द फर्म मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और द फैमिली, मेंबर ऑफ एसोसिएशन और मेंबर ऑफ फैमिली। अब इन एनी अदर केस में कौन आया सर, अदर पर्सन आ गए, नॉन कॉर्पोरेट आ गए। नॉन कॉर्पोरेट के केस में एसएससी खुद नहीं कर सकता, पहली बात, एक फर्म नहीं कर सकती, एओपी नहीं कर सकती, एचयूएफ नहीं कर सकती, ठीक है, एनी पार्टनर ऑफ द फर्म मेंबर ऑफ द एसोसिएशन और फैमिली, ठीक है, ये क्या बोला सर, एन एसएससी हिमसेल्फ और इन द केस ऑफ एसएससी बीइंग अ फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन और एचयूएफ एनी पार्टनर ऑफ फर्म मेंबर ऑफ एसोसिएशन और फैमिली। अब मेरी एचयूएफ की ऑडिट मेरा बेटा नहीं कर सकता, लेकिन मेरी ऑडिट तो सर मेरा बेटा कर सकता है, ठीक है, एचयूएफ की ऑडिट उसका मेंबर नहीं कर सकता, लेकिन मेरी एचयूएफ की ऑडिट अगर मेरे चाचा जी का सन है, वो सीए वो करना चाहता तो कर सकता है सर, क्योंकि वो मेरी एचयूएफ का हिस्सा ही नहीं। आई बात समझ में सर, इस लेवल तक जाकर के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 288 थोड़ा सा और ध्यान से देखने लायक है सर। इस पर क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स का, कि ये बंदा है, इसको सर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट इससे करवा रहे हैं, करा सकते हैं नहीं करा सकते, बस 3 नंबर उसमें पक्के हमने अगर 288 ढंग से बढ़ा। आगे सुनिएगा सर, इन द केस ऑफ एनी पर्सन इन द केस ऑफ एसएससी बीइंग अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन, अब एसएससी ट्रस्ट है सर, तो कौन नहीं कर सकते सर, 13(3) के ABCCC वाले पर्सन नहीं कर सकते, जिसने सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रखा है। आप सीए हो, प्रैक्टिस में हो, आपने खुद ट्रस्ट को 1 लाख का चेक काट के दे रखा है डोनेशन, उनकी एक्टिविटीज से प्रभावित होकर। अब देखना जरा क्या सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर 13(1) के क्लॉज ABCCC में आता है या किसी और क्लॉज में आता है, चलना मेरे साथ, क्लॉज बी में आ रहा, 13 देखिए बी में आ गया। इन्होंने किस किस को कवर किया सर, ABCCC, तो अब चार्टर अकाउंटेंट जो अच्छे डोनेशन दिए करते हैं सर ट्रस्ट को 50,000 या उससे ऊपर के टिल डेट, उनकी भी ऑडिट रिपोर्ट करने की क्षमता गई, तो उस ट्रस्ट को दान मत दो जिसकी आप ऑडिट करते हो, दूसरे ट्रस्ट को आपको दान देना चाहिए। आगे चलता हूं सर, इन एनी केस इन द केस ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन रेफर्ड टू इन सब क्लॉज 1 and 2, द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू वेरीफाई द रिटर्न अंडर 139 इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 140, यू आर अ पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर फॉर साइनिंग द रिटर्न ऑन बिहाफ ऑफ समबडी एंड यू आर योरसेल्फ कंडक्टिंग एन ऑडिट। जब आप रिटर्न ही भर रहे हो तो फिर खुद ही ऑडिट कैसे करोगे, लॉजिकल है सर ये बात। आगे बोला सर, इसके बाद
एनी रिलेटिव ऑफ द पर्सन रेफर टू इन सब क्लॉज इज 1, 2 एंड 3। अब ये क्या हो गया सर, इसमें मेरा सन तो नहीं आ गया, ठीक है, असेसी हिमसेल्फ, और इसमें आ गया सर रिलेटिव, इसमें फंस गए सर, अब मेरा बेटा मेरी फर्म की ऑडिट नहीं कर सकता, टैक्स ऑडिट। आया बात समझ में? वहां तो बच गए थे, वहां तो खुशी खुशी आए, अरे देखो हम सही निकले, ठीक है, लेकिन यहां आकर के सर मामला थोड़ा सा बैठ गया, ठीक है, बट इफ इट इज माई सन सन देन वो भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ही इज ऑल्सो माई रिलेटिव, लीनियन डिसेंडेंट। इफ इट इज माई सन सन्स वाइफ, ही इज ऑल्सो रिलेटिव, ठीक है, सन सन्स वाइफ मेरी कौन हो गई, सन्स की, सन की वाइफ हो गई सर बहू, और सन सन वाइफ हो गई पर बहू, ठीक है, तो देन इन दैट केस ऐसा पर्टिकुलर भाई पोता पोते की वाइफ हो गई, ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर क्या मेरे पोते की वाइफ अगर मेरी फर्म में ऑडिट है तो उसको कर सकती है सर या नहीं कर सकती, वो कर सकती है सर, क्योंकि शी इज नॉट माई लीनियन डिसेंडेंट सर, मेरा पोता नहीं कर सकता है, परंतु पोते की वाइफ तो कर सकती है सर, रिलेटिव एज पर टू क्लॉज 41 या तो 13 जैसी डेफिनेशन हो, देखना सर सेक्शन 288 के लास्ट में रिलेटिव को परिभाषित किया सर, और परिभाषित कर दिया सर, रिलेटिव की डेफिनेशन सर चौथी बार आ गई इनकम टैक्स लॉ में, एक टू क्लॉज 41, दूसरी 13, तीसरी 56, चौथा सीएसएफ 288। अब इसमें देखना कहीं इसमें नहीं आ जावे, इसमें बोला सर स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ इंडिविजुअल, लीनियन असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, स्पाउस ऑफ द पर्सन रेफर टू इन क्लॉज बी सी डी और क्लॉज ई। अब इसमें आगे ना सर लीनियन डिसेंडेंट की स्पाउस, ठीक है, तो अगर मेरे पोते की वाइफ है और वो मेरी पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न की ऑडिट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूं सर, देन शी कांट साइन इट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लॉज। तो क्या है सर 56, 13 और सेक्शन 288, इनकी रिलेटिव की डेफिनेशन लगभग मिलती हुई, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 41 की जो डेफिनेशन रिलेटिव की वो नैरो है, ठीक है, इस कॉन्टेक्स में सर आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सर सेक्शन। इसके बाद में एनी ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द असेसी, यानी हो रही थी ऑडिट है तभी सरकार को लिखना पड़ा कि ऑफिसर लोग या एम्प्लॉई लोग कर रहे थे ऑडिट, नहीं कर सकते। आगे एन इंडिविजुअल हु इज अ पार्टनर एंड हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द असेसी, एक इंडिविजुअल जो कि असेसी का पार्टनर है, ठीक है, वो भी नहीं कर सकता सर साइन। एंड हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉई ऑफ द असेसी, असेसी के किसी ऑफिसर या एम्प्लॉई का भी वो फर्दर एम्प्लॉई है, तो वो भी नहीं कर सकता। यानी मींस क्या है सर, सीधी सी बात, सरकार इनकम टैक्स में ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को प्रमोट कर रही है, ये सीधा सा बात। नेक्स्ट सर, एन इंडिविजुअल हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द असेसी। अब ये उल्टा हो रहा है सर, क्या यदि आपने किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग रखी हुई है और आप सर उसकी ऑडिट करना चाहते हो, तो कब आप ऑडिटर होने से रुक जाओगे? प्रोवाइडिंग दैट रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द असेसी ऑफ द फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 100,000 रुपीज, ठीक है, तो कितना हो गया 100,000, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो सर कि अगर मैं किसी कंपनी में 10 शेयर होल्ड कर रहा हूं और मैं उसकी टैक्स ऑडिट करना चाहता हूं, ऑडिट कर सकता हूं टैक्स ऑडिट या नहीं कर सकता, मुश्किल लगता है सर। देखो क्या बोला, एन इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द असेसी, ठीक है, फिर आगे बोला प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में होल्ड, हु में होल्ड, रिलेटिव, असेसी के लिए नहीं लिखा सर, ठीक है, जो ऑडिटर है उसके लिए नहीं लिखा सर, ऑडिटर का रिलेटिव यदि 1 लाख तक की सिक्योरिटी है तो दिक्कत नहीं। मेरी सिस्टर ने एक कंपनी में 50,000 रुपए की पूंजी लगा रखी है, शेयर कैपिटल, और उस पर्टिकुलर कंपनी की ऑडिट मैं करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं ऑडिटर कर सकता हूं सर, ऑडिट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, मुझे तो दिक्कत लगती नहीं। लेकिन मान लीजिए सर उन्होंने 1.5 लाख रुपए की पूंजी लगा रखी है, अब दिक्कत है, अब नहीं कर सकता, ठीक है, और मैंने मान लीजिए उसी कंपनी में मात्र 5 शेयर ले रखे सर 50 रुपए के, नहीं कर सकता, कैसे करेगा सर, मेंबर का तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो तो बचाएगा ही उस पर्टिकुलर कंपनी को कि कल को कोई भी पेनल्टी के क्लॉजेज हो, टीडीएस नॉन कंप्लायंस हो, 40A3 हो, 43B हो, वो बोलेगा ही नहीं, बोले यार ये कंपनी पर पेनल्टी लगेगी, शेयर की वैल्यू गिरेगी, मार्केट वैसे ही मंदी में, मैं कहां जाऊंगा, ठीक है, नेचुरली दैट प्रिवेंशन इज टू बी देयर। इज इनडेटेड टू द असेसी, मैंने किसी कंपनी से लोन ले रखा है, आगे बोला सर प्रोवाइडेड दैट रिलेटिव में भी इंडेटेड टू द असेसी फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 100,000, मेरा रिलेटिव हो सकता है 1 लाख तक, लेकिन मैंने मान लीजिए एक कंपनी की ऑडिट करी सर, दैट इज अ गोल्ड फाइनेंस कंपनी,
और उनसे मैंने ही उनको 50,000 रुपए का लोन ले रखा है मैंने, अब मैं नहीं कर सकता सर उनकी ऑडिट क्योंकि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट है। नेक्स्ट सर, हैव गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द इंडेबटनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी टू द असेसी। किसी गोल्ड फाइनेंस कंपनी में मैं ऑडिटर हूं और मेरे एक मित्र को लोन चाहिए था, तो उन्होंने बोला है भैया ये हमारे सीए साहब ये गारंटी दे देंगे तो आपको लोन दे देंगे। मैं बोला ले लो गारंटी, क्या दिक्कत है, दोस्त है अपना जिगरी बचपन का, ठीक है दे तो दिया सर, मैं बाहर हो जाऊंगा। आया बात समझ में? नेक्स्ट सर, अ पर्सन हु वेदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द एसएससी ऑफ सच नेचर हैज मे बी प्रिस्क्राइब। सरकार का दिल नहीं भरा तो और कुछ प्रिस्क्राइब कर देगी तो बताएगी आपको। अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड अ पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज नॉट इलेप्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। जब आपने फ्रॉड किया है तो 10 साल वेट करिए, 10 साल बाद आपको ऑडिटर बनने देंगे। ठीक है सर, तो यहां तक का ये अमेंडमेंट का पोर्शन हुआ। अब मैं आपको मेरी ओर से, मैं टिप्स नहीं बोलता सर इसको, मुझे लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ क्लास में भी, आप सब लोग जो यहाँ बैठे हो आपको पता है क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो इसलिए मैं बोल दिया करता हूं। मुझे लगता है सर ये कमिंग अटेम्प्ट में ट्रस्ट का टॉपिक कंप्यूटेशनल मैनर में इंपॉर्टेंट, नहीं आए तो सर सब्जेक्ट एंड कंडीशन अप्लाई जयपुर ज्यूरिडिक्शन ओनली, ठीक है। दूसरा सर, पार्टनरशिप फॉर्म यूपी बीवाई का टैक्सेशन, क्योंकि इन पर क्वेरीज नहीं आई है अभी पिछले टाइम में प्रैक्टिकल, तो इसलिए मैं इसको वैसे बोल रहा हूं। अमेंडमेंट में सर मैं आपको बोल चुका हूं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट, आपने खुद नोट कर लिए, मैं नहीं बोलूं तो चलेगा सर, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग सर इंपॉर्टेंट है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट पर सर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आप देखिए डीटीए का हर पर्टिकुलर अटेम्प्ट में सर स्कोप है, और इसके लिए तो सर आई वुड सजेस्ट डीटीए के लिए नवंबर 2015 अटेम्प्ट का जो प्रैक्टिकल क्वेरी थी करिएगा, जो नवंबर 2015 में एक प्रैक्टिकल क्वेरी आई थी सर, 2-3 देशों को मिला करके दी थी, कहीं से बिजनेस इनकम आ रही है, कहीं से डिविडेंड इनकम आ रही है, अलग अलग थे, उसको जरूर करिएगा सर, अच्छा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन कर लीजिए डीटीए हो गया सर आपका। बिजनेस ट्रस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट फंड, ये कुछ चीजें मैंने सर आपके सामने रखी, बाकी मैं आपको जैसे एज यूजुअल बोलता हूं सर, पीजीबीपी आप मान करके चलिए सर 30 से 35 मार्क्स का वेटेज है, और असेसमेंट प्रोसीजर सर 25 से 30 मार्क्स का वेटेज है ही है, फिर भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, यू मे आस्क मी ऑन द फोन, ठीक है। हाँ, मैं अगर बिजी हुआ तो आपको बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे को फिर फोन कर लीजिएगा। आज के लिए यही समाप्त करता हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद।